Kingfisher, the king of good times. Since we were young, we wanted to become the champions. The road to the top has not been easy. Full of questions, full of uncertainties. The pressure is real, so is the hard work. The wait for the change ends here. We are ready for the good times. The thirst to win is now more than ever, because this time, we won't be playing a game. This time, we will be playing the Premiership. Kingfisher India Premiership. For the love of play. Welcome once again right here at, of course, Kingfisher India Premiership Master League Phase 2 के Day 12 पे अब हमारी जर्नी पहुंच चुकी है. बहुत ही कम दिन अब बचे हैं यहाँ पे, of course, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे players के लिए to qualify for the land finale. Of course, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे Day 12 की शुरुआत करते हैं. I'm your host, Blauro. You're joining us for the COC segment. And उसके साथ में, let's also introduce the fellow caster joining us on the desk. It is going to be none other than Necro once again. Welcome. आज तो काफी रंग बिरंगे बन रखे हो. देखिए, मतलब यू नो, मेरा स्टाइल ही ऐसा. मुझे मतलब आजकल पता नहीं क्यों ऐसे फंकी कपड़े साथ अब बहुत पसंद आ रहे हैं, यू नो, बहुत सारे कलर्स एक साथ. बहुत सीओसी के अंदर तो इवन बेटर, राइट? बिकॉज़ दैट इज व्हाट द गेम इज आल्सो. एग्जैक्टली, बहुत सारे कलर्स. मतलब यू नो, स्टार्टिंग से मुझे ऐसे कलरफुल कपड़े पसंद है. मगर अब आज की बात करेंगे. देखिए, कल तो बहुत मजा आया था. ATS क्लैश भाई, वो जो खेली है ना, दिल जीत लिया, कसम से बोलूंगा. एंड बहुत जरूरी था उनके लिए वैसा वाला गेम प्ले करना भी. एंड अगेन इन द एंड, यू नो, वो परसेंटेज से जीते, तो वो वाला पॉइंट भी आपने रेज किया था, दैट यू नो व्हाट, नेक्स्ट टाइम होपफुली परसेंटेज नहीं, स्टार से अगर लीड लो तो ज्यादा बढ़िया है. बट उसी के साथ साथ यहाँ पे आज का जो दिन है उसकी शुरुआत करेंगे हम फॉर्मेट से. ऑफ कोर्स, तो फॉर्मेट के अंदर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इज ये है हमारा फेज टू. फेज वन इज ऑलरेडी डन डस्टेड. ऑफ कोर्स फेज टू जो है ये हमारा अभी चलेगा मार्च 16th तक. एंड 16 मार्च तक हमें पता चल जाएगा कि कौन से वो क्लैंस हैं, द टॉप 4 क्लैंस ऑन द लीडर बोर्ड, जो आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स द लैंड फिनाले. एंड ऑफ कोर्स विल पार्टिसिपेट फॉर दैट लंप सम मनी. एंड अगर वो प्राइस पूल की बात करें फॉर COC, इट इज ग्रैंडियोर, बिकॉज यहाँ पे 6,40,000 का टोटल प्राइस पूल है हमारे यहाँ पे मास्टर लीग फेज 1 एंड 2 कम्बाइंड सारा का सारा, एंड फॉर विंटर सीजन एज वेल. बट फॉर नाउ अगर लैंड फिनाले पे फोकस करें, 4,50,000 फॉर 4 टीम्स. बहुत सारा पैसा देखिए ऑन द लाइन तो है, जैसे आपने मेंशन किया. मगर कॉम्पिटिशन भी काफी ज्यादा टफ लग रहा है भाई, बिकॉज इवन ब्लाइंड ई-स्पोर्ट जैसी टीम सब स्ट्रगल करने लगी है यार. yes. और ये हमने कभी सोचा ही नहीं था फेज 2 के अंदर ऐसे हमें कुछ देखने को मिलेगा. इवन चाचा अब स्ट्रगल कर रही है. ATS क्लासेस मार्कोस, एग्जैक्टली मार्कोस. यस, तो आज तो देखिए मार्कोस तो खेलेगी, हमें पता है. मगर मार्कोस का अब फिलहाल जो पायदान है ना, वो थोड़ा बहुत शेकी पोजिशन में मिड पैक में आ चुकी है. आई थिंक 5th पे है. आगे बढ़ते हैं. लेट्स आल्सो ऑफ कोर्स टॉक अबाउट कि आज का जो गेम है वो कौन से टीम्स के बीच में होने वाला है. आज का जो स्केड्यूल है उसको ऑफ कोर्स हम स्क्रीन पे लेके आएंगे. एंड देयर वी गो, वी गॉट रॉकस्टार गोइंग अप अगेंस्ट ओबे ईस्पोर्ट्स आज के लिए. एंड उसके साथ साथ ऑफ कोर्स यहां पे हमारा जो कन्वर्सेशन है अब ये आ जाएगा टुवर्ड्स द साइड ऑफ रॉकस्टार परहैप्स मोर, नेक्रो, बिकॉज़ ओबे इज अ लिटिल टू फार आउट द लीग. Exactly. I mean, Rockstar तो हमें पता है भाई क्या कैलिबर इन्होंने ऑलरेडी दिखाया है वीकेंड्स के अंदर भी, जितना बढ़िया खेल रही है. ओबी ऑन द अदर हैंड फिलहाल तो देखिए हवा इनके खाते में नहीं बह रही है, मगर क्या पता भाई बाद में बह भी जाए. मगर फिलहाल तो देखिए Rockstar का हमारे पास टीम कार्ड आ चुका है, सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर खेल चुके हैं. ठीक है, इंटरेस्टिंग. एक थोड़ा सा चेंज आता है यहाँ पर, अवनीश आए हैं. ठीक है, लास्ट टाइम इनको हमने खेलते हुए नहीं देखा था, तो आई थिंक सो अवनीश यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नई चीजें यहाँ पर लाएंगे. हंटर मोनीस तो है ही, यूजुअली हंटर मोनीस आई थिंक सो शुरुआत करते हैं, तो इस बार शायद से शुरुआत ओपनिंग हंटर मोनीस ही करेंगे. टाइफून भी बहुत बढ़िया प्लेयर है. इन जनरल देखिए, अब मुझे देखना है कि ये जो एक छोटा सा चेंज है यहाँ पर कितना बदलाव लाएगा गेम प्ले के अंदर. जी एब्सोल्युटली. एंड उसके साथ में आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द ओपोनेंट टीम का, दैट्स गोना बी ऑफ कोर्स ओबे ईस्पोर्ट्स. एंड ओबे के अंदर डू वी सी अ चेंज? एब्सोल्युटली नॉट. वी डू हैव ओबे एसपी ऑफ कोर्स, जॉर्डन मारपाचे, शाहद ऑफ कोर्स, सरन, एंड उनके साथ में जेरी रॉकी. नाउ अगेन ओबे के सामने बहुत ही ज्यादा बड़ा लूमिंग फैक्टर ये है दैट यू नो, अब उनको एक्सपीरियंस के लिए खेलना है. दे नीड टू ट्राई एंड ऑफ कोर्स एक्सप्लोर एज मेनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एज दे पॉसिबली कैन, अटैक एज वेल एज डिफेंस, पेस के अंदर, बिल्डअप के अंदर, बिकॉज दैट्स वॉट दे कैन डू. अब यहाँ से अगर वो जीत भी हासिल करते हैं तो भी उनके लिए
उस पदाइन फोर्थ पोजिशन जो टॉप फोर की हम बात करते हैं वहां तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है. एग्जैक्टली. आई मीन लास्ट टाइम जब जी रॉकी आए थे उन्होंने एक थ्री स्टार निकाल के गए थे. आई थिंक सो एंड में आए थे, लास्ट में आए थे और एक थ्री स्टार के साथ गेम खत्म कर दिया था. देखिए मगर इसी के साथ अभी फिलहाल तो ओवरऑल स्टैंडिंग्स के ऊपर जाते हैं और जिस चीज की हम बात कर रहे थे प्री गेम सेगमेंट में अब इतनी देर तक उस चीज पर फोकस डालेंगे. देखिए मार्कोस आ चुके फिफ्थ पर, ATS क्लैशर्स वो बॉटम पे बैठी थी बट जस्ट बिकॉज उनका एक गेम बढ़िया गया वो फिलहाल आ चुके सिक्स्थ पर. अब ओबे के लिए ये गेम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये देखिए. जी एब्सोल्युटली, बिकॉज उनका ये फोर्थ गेम होने वाला है एंड उसके साथ साथ अगेन यहाँ पे एक और चीज को पॉइंट आउट करना चाहिए यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए, विच इज ऑफ कोर्स दैट टॉप फोर तो हमें पता है चले जाएंगे ऑफ कोर्स हमारे लैंड फिनाले में, राइट. लेकिन ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो बॉटम फोर है नेक्रो उनके अंदर भी पोजिशनिंग बहुत ज्यादा फैक्टर करता है बिकॉज इनके लिए भी प्राइस पूल सेट है. जी एग्जैक्टली, प्राइस पूल तो सेट है मगर ओबे और मार्कोस ने सिर्फ यहाँ पर तीन तीन गेम खेले थे, रॉकस्टार ने यहाँ पर चार खेल चुके हैं और ये अब इनका फिफ्थ गेम होगा. यस, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज देखने को मिल रहा है फेज टू के अंदर मुझे तो. बिकॉज यूजुअली हम ट्राई करते कि यू नो हर एक टीम की इक्वली स्टांस आ जाए, इक्वल प्लेइंग फील्ड पे आ जाए, मगर इस बार ये क्या हो गया भाई. बिकॉज लाइक रॉकस्टार को फिफ्थ गेम अभी इनको खेलने को मिलेगा, इसका मतलब देखिए फिलहाल तो एटलीस्ट कुछ टाइम तक रॉकस्टार ओवरऑल रैंकिंग्स के ऊपर तो जाकर बैठेगी मगर वो कॉन्फिडेंस देखिए ज्यादा देर तक नहीं रहेगा कंसीडरिंग बाकी टीम्स का भी फिफ्थ गेम बहुत जल्द होने ही वाला है. जी बिल्कुल एब्सोल्युटली, और यहाँ पे इनडायरेक्टली नेक्रो ने ये बता दिया कि आज के मैचअप का जो रिजल्ट होने वाला है उसके अंदर रॉकस्टार जीत के टॉप पे पहुंचने वाली है, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. लेकिन इसके साथ साथ ऑफकोर्स ये आपने बहुत ही अच्छी पॉइंट रेज करी, राइट. बिकॉज यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था दैट मार्कोस ईस्पोर्ट्स के साथ में लाइनअप रहना चाहिए था अगेंस्ट ओबे, सो दैट कल भी हमने इस बारे में चर्चा करी थी, राइट, सो दैट सबके चार चार गेम्स हो जाएंगे. बट देन दैट्स हाउ इट हैज फेयर्ड आउट, मे बी प्लेयर्स नॉट अवेलेबल जिस तरीके से भी स्केड्यूल बना, ओवरऑल दैट्स व्हाट इट इज एंड दैट्स व्हाट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर ओबे टू मेक इट इंप्रेसिव लीग. एंड उसी के साथ में पास रॉकस्टार के पास तो सारा का सारा बहाना है ही बिकॉज वो अच्छे खासे उनके पास स्टैट्स हैं, अच्छा खासा उन्होंने अभी तक जो प्रदर्शन दिखाया हैज वर्क्ड इन देयर फेवर. बट ऑल इट बॉइल्स डाउन टू कि आज के जो अटैक्स हैं एंड डिफेंस बेस्ड रहने वाला है उसके अंदर किस तरीके से ओबे इनफैक्ट अप्रोच करेगी. देखिए ओबे के लिए तो दोनों साइड काफी ज्यादा मायने रखेगी, स्पेशली डिफेंस बहुत ज्यादा मायने रखेगा ओबे के लिए बिकॉज हम तो जानते हैं रॉकस्टार एक ऐसी टीम है अगर छोटी सी ओपनिंग मिल गई तो सीधा थ्री स्टार के साथ ही गेम खत्म कर देगी. जी तो आप नहीं चाहोगे कि आपका डिफेंस स्पेशली ओबे जैसे टीम के अगेंस्ट थोड़ा सा वीक पड़े मगर फर्स्ट अटैक अब यहाँ पर शुरू होता हुआ और इस बार क्या आए है टाइफून रॉकस्टार की तरफ से ईडी लाया है इन्होंने. ऑफ कोर्स ब्लिम भी आगे भेजा गया था, ब्लिम से आए थे येटीज और बलून्स. देखिए अभी तक ईगल आर्टिलरी तो निकला नहीं है मगर येटीज धीरे धीरे आगे बढ़ बढ़ के तो अपना काम कर ही देंगे. अब अगला टारगेट होगा येटीज का एक्सबो, एक्सबो भी यहाँ से निकल जाना चाहिए मगर अभी तक बस इनका मेन अटैक स्टार्ट नहीं हुआ. चाहते थे शायद यहाँ से ईगल आर्टिलरी भी निकल जाए मगर ईगल आर्टिलरी नहीं निकला है तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकता है इनके लिए. जी हाँ, प्रॉब्लम तो हो सकता है क्योंकि सेंटर में देखिए मोनोलिथ भी है, अभी तक मोनोलिथ को भी कोई डैमेज नहीं दिया गया है. एट द सेम टाइम ईडी यहाँ पे 12 क्लॉक की तरफ से सिंगल डिप्लॉय तक करा गया है थोड़ा सा क्लीन करने के लिए, पाथिंग बनाने के लिए, बट सेंटर में कोर तक कैसे पहुंचेंगे, मोनोलिथ को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे. एक्सबो लॉक इन हो चुका है ईडी पे तो ज्यादा देर तक तो इलेक्ट्रो ड्रैगन सर्वाइव नहीं कर पाएगा. जी देखिए इनका सीसी ब्लू रॉट नहीं हुआ है, यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बन चुकी है कंसिडरिंग उनका अगर येटी ब्लिम्प यहाँ पर सीसी लोअर आउट करता ना तो ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा वैल्यू तो निकल जाती. देखिए इनको ये जानते हैं इन्हें कुछ भी करके अब यहाँ से ईगल आर्टिलरी निकालना, इसलिए एक फ्री स्पेल डाल दिया है. जानते थे एक्सबो काफ़ी ज़्यादा डैमेज डिश आउट कर रहा है इलेक्ट्रो ड्रैगन के ऊपर, फाइनली यहाँ से उनका ईगल आर्टिलरी तो निकल जाएगा मगर ये देखिए अब मेन अटैक स्टार्ट होता हुआ 6 और 3 o'clock की तरफ से. ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी के साथ इलेक्ट्रो ड्रैगन आगे बढ़ेंगे, ग्रे स्पेल का भी इस्तेमाल किया गया है मगर ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा जल्दी इस्तेमाल की गई थी, पेशेंस ने दिखाया इस बार. जी हाँ, काफी जल्दी यहाँ पे फोर्स आउट तो कर दी गई है बट यहाँ पे 6 o'clock की तरफ से कोशिश की जा रही है टाउन हॉल को निकालने की. फ्री स्पेल यहाँ पे आएगा थोड़ी देर से तो टाउन हॉल को एक्टिवेट अगर हो गया तो उसको शट करा जाएगा इलेक्ट्रो ड्रैगन के द्वारा. यहाँ पे क्या टाउन हॉल निकल पाएगा, आई थिंक यहाँ पे निकल पाएगा. जी हाँ, टाउन हॉल तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है. द ओनली प्रॉब्लम इज जो मोनोलिथ प्रेजेंट है वहाँ पे सेंटर में वो या फिर सिंगल मल्टी टारगेट इन्फर्नो टावर. इन्फर्नो टावर को तो थोड़ी देर में फ्री स्पेल से शट किया जाएगा. इलेक्ट्रो ड्रैगन उसको निकालने में सफल हो पाएंगे या नहीं, जैप को एक यूज यहाँ पे लाइटनिंग स्पेल, आई एम सॉरी
देखिए तो अभी यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो क्वीन भी थी, क्वीन काफी ज्यादा डैमेज ले रही थी स्कैटर शॉट से, अभी तक वो सिंगल टारगेट इन्फर्नो जिंदा है, तो आगे जाके बहुत ज्यादा एक दिक्कत का विषय बन सकता है। क्वीन धीरे धीरे क्या ऑफकोर्स आगे तो बढ़ रही है, मगर एक मल्टी टारगेट इन्फर्नो की वजह से काफी ज्यादा डैमेज फिलहाल तो सोकिन कर रही है। फाइनली आरसी अपना ध्यान भटकाएंगे मल्टी टारगेट इन्फर्नो की तरफ, इसका मतलब मल्टी टारगेट इन्फर्नो तो निकल जाएगा मगर जो कोर के अंदर मोनलिथ है वो इतना जल्दी नहीं निकलने वाला, बिकॉज वो कोर के अंदर अभी भी काफी सारे डिफेंसिव बिल्डिंग से घिरा हुआ है। दो इन्फर्नो टावर भी हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइजन स्पेल जरूर उनके पास मौजूद है जिसको अभी डिप्लॉय करके यूज किया जाएगा, डैमेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे किस तरीके से इसको मोनोलिथ को डिस्ट्रॉय करेंगे, सिंगल टारगेट इन्फर्नो टावर को डिस्ट्रॉय करेंगे, आई डोंट थिंक वो पॉसिबल हो पाएगा। मैक्सिमम 85% तक यहाँ पे जो है खींच सकते हैं, ट्रूप्स अवेलेबल नहीं है, आई थिंक 85% से खुश हो जाना चाहिए फिलहाल, या 84 ही रह जाएगा, 85 आ जाएगा हाथ में। देखिए शायद एक और नहीं, ओ इतनी सी एचपी के साथ अगर एक और एरो निकल जाता आर्चर की तरफ से देन 85 हो सकता था, मगर 84 के साथ यहाँ पर संतुष्ट रहना पड़ेगा इन्हें। टाइफून देखिए एक डिसेंट सी शुरुआत आ चुकी, 84% आया है, आई वुड से एक डिसेंट एक अच्छा शुरुआत है। हमें पता है शुरुआती अटैक में एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर हम रॉकस्टार की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कंसिस्टेंसी हम इनसे आसानी से एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। जी अगर रॉकस्टर की टीम की बात करें, टाइफून एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर आते हैं रॉकस्टर की टीम की तरफ से, हमेशा इनकी तरफ से एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मोनिस हंटर। मोनिस का अटैक हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इस वाले अटैक की अगर बात करें ईडी के द्वारा यहाँ पे अटैक शुरू किया गया था, बट वो जो कोर में मोनोलिथ प्रेजेंट था, इन्फर्नो टावर मौजूद थे, उन्होंने ट्रूप्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दी जिसकी वजह से ये सिर्फ एक 2-स्टार अटैक रह गया। एग्जैक्टली, और देखिए जैसे ईडी है वहाँ पर, ईडी ने ऑफकोर्स ट्राई तो किया था सिंगल टारगेट इन्फर्नो को निकालने के लिए, मगर वो एक टॉर्नेडो ट्रैप एक्टिवेट हुआ था अंतिम क्षणों में, तो वहाँ पर सब कुछ यू नो पानी फेर गया इनके प्लान पर, तो सारी की सारी दिक्कत वहीं पर आ गई। अगर वहाँ पर टॉर्नेडो ट्रैप नहीं होता देन चांस था कि मे बी वो सिंगल टारगेट इन्फर्नो निकल भी जाती, और एंड में अगर एक और सेकेंड या फिर एक और थोड़े से चंद मिली सेकेंड भी होते ना तो वो निकल जाता ना 85, बट कोई दिक्कत नहीं, 1% से इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा ओवरऑल परसेंटेज के अंदर। मगर फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे अब ओबे स्पोर्ट्स की तरफ से। अब ओबे स्पोर्ट्स के कौन आएंगे ये मुझे स्पेशली जानना है, बिकॉज प्रॉब्लम ये रहता है ना ओबे स्पोर्ट्स का, रिसेंटली ये ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा यहाँ वहाँ स्विचअप करने की, और ओबे स्पोर्ट्स का प्रॉब्लम ये भी रहा है फेज वन के अंदर कि कंसिस्टेंसी, अगेन जो टीम्स फिलहाल बॉटम में बैठी है हर बार उनका प्रॉब्लम यही रहा है कि ठीक है अगर एक बंदा अगर आके भी अच्छा अटैक करके गया देन दूसरे प्लेयर्स उसको फॉलो अप नहीं कर पाते। एंड ये चीज़ हमने कल भी देखी थी, कल हमने एक बहुत ही लीस्ट परसेंटेज अटैक देखा था हमारे पूरे इवेंट का, बट हमें ये भी मानना पड़ेगा ओबे ईस्पोर्ट्स रिसेंटली एक COC का इवेंट जीत के आए हैं, तो थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। कोकोलून के साथ यहाँ पे जो है आगे बढ़ते लावालून के साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बैटल ब्लिम को यहाँ पे किसी तरीके से कोशिश करी जा रही है कि मोनोलिथ तक पहुँचाया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे या नहीं, आई थिंक यहाँ पे मोनोलिथ को तो ईजिली निकाल देंगे। आई साउंड लालो है तो जैसे कि आप देख सकते हो आगे ब्लिम भी भेजा गया था, और देखिए अब ये है सुपर ब्लिम, सुपर आर्चर से इन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू निकालनी है, मगर चांस है कि सुपर आर्चर्स यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इसके रेडियस से निकल जाए इनविजिबिलिटी स्पेल से, मगर फिलहाल तो बचे हुए, देखिए कैसे तो करके बचे हुए हैं। मल्टी टारगेट इन्फर्नो भी निकल जाएगा, क्या ईगल आर्टिल निकल पाएगी ये मुझे जानना है। ठीक है ईगल आर्टिल नहीं भी निकली तो ग्रैंड वार्डन आगे से निकाल देंगे, तो ज़्यादा दिक्कत का विषय नहीं है। फिलहाल तो सारे के सारे आर्चर्स अपने बाबरिंग किंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिजी है, मगर अब यहाँ पर आएगा इनका मेन अभिनेत, बस कुछ भी करके यहाँ से सीसी के ट्रूप्स ल्यूर आउट करने और सीसी के ट्रूप्स को खत्म करना है, बिकॉज जानते हैं कि जब मेन अटैक स्टार्ट होता है तब सीसी के ट्रूप्स काफी ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। अभी ये देखिए ब्लिम से जितनी वैल्यू ये निकालना चाहते थे उतनी वैल्यू तो निकाली, अभी तक अटैक डिसेंट जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। अब कोशिश करेंगे किसी तरीके से टाउन हॉल को भी निकालने की, 6 o'clock की तरफ से अटैक शुरू हो सकते हैं, मे बी वहाँ से मेन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाए, बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। अभी फिलहाल तो यहाँ पे आरसी को डिप्लॉय नहीं करा गया है, किंग की एबिलिटी भी मौजूद है, किंग क्वीन की भी एबिलिटी अभी इनके पास मौजूद है, तो किसी तरीके से उनको ट्रूप्स को हीरोज को कोर में भेजने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली हीरोज की एबिलिटीज तो अभी तक बची हुई है, आरसी की डिप्लॉयमेंट भी नहीं आई है, ऑफकोर्स ग्रैंड वार्डन थोड़े से वहाँ पर वॉश आउट हो गए थे, इसका मतलब ग्रैंड वार्डन ज़्यादा देर तक जिंदा तो नहीं रह पाएंगे, मगर अब इनका फाइनली मेन अटैक स्ट्रैटेजी भी स्टार्ट हो चुका है। दो आई साउंड आगे बढ़ते हुए, हमें पता है जैसे आई साउंड बस्ट हो जाएंगे आसपास के रेडियस वाली जितने भी डिफेंसिव बिल्डिंग्स है सारी की सारी फ्रीज हो जाएगी, तो अगर यहाँ पर सही समय पर आई साउंड बस्ट हो जाते हैं देन ऑफकोर्स वैल्यू तो काफ़ी सारा आ जाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली स्कैटर शॉट से पहले एक आई साउंड
में बर्स्ट हो जाते तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत का विषय बन चुका है। मगर नहीं, दूसरे ऑफसाइड परफेक्टली यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएंगे। एक मल्टी टारगेट इन्फर्नो भी फ्रीज हुआ था, ग्रैंड वार्डन टावर भी फ्रीज हुआ था जी हाँ, बट वो इन्फर्नो टावर अभी भी बैलून्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देते हुए दिख रहा है। एयर स्वीपर भी मौजूद है जिसकी वजह से सारे के सारे बैलून्स तो यहाँ पे निकल जाएंगे, बट हमारा किंग अभी भी मौजूद है। किंग की एबिलिटी यहाँ पे यूज़ कर ली गई है, तो किंग कितनी वैल्यू यहाँ पे निकाल पाएंगे इस कंपार्टमेंट में वो देखना पड़े, क्योंकि दोनों सिंगल टारगेट इन्फर्नो टावर जो है क्वीन किंग पे लॉक हो गए हैं एंड किंग इज़ आउट ऑफ द पिक्चर। ओ ए डी फिलहाल तो मिनियंस पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज डिश आउट कर रहा है और इसके वजह से देखिए ये अटैक 73% के ऊपर जाएगा नहीं। शहाद वैलियंट एफर्ट, एक डिसेंट सा अटैक इनकी तरफ से भी आता है, मगर अनफॉर्चुनेटली इनके ओपोनेंट एक स्टेप अहेड रहे हैं और उसके वजह से उनके पास आया था 84% अटैक। इसका मतलब अब तो हमें एक बात पता चल गई कि ड्राइवर सीट के अंदर कौन बैठ रहा है। एज एक्सपेक्टेड रॉकस्टार ने एक बहुत डोमिनेटिंग सी लीड ले ली है फिलहाल तो, मगर देखना पड़ेगा कि आने वाले अटैक में किस तरीके का दिखता है, बिकॉज यूजुअली हमें पता है हंटर मोनिस ओपनिंग करते हैं, लास्ट टाइम भी हंटर मोनिस ने ओपनिंग की थी, मगर इस बार एक बहुत बड़ा चेंज आया था, टाइफून आए थे जो यूजुअली सेकंड पर आते हैं सीक्वेंस में, मगर इस बार टाइफून को पहले भेजा गया। इसका मतलब हंटर मोनिस ने क्लियर कॉल दिया था कि टाइफून भाई आप पहले जाओ, मुझे अपना अटैक प्रेप करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, इनको थोड़ी सी जरूरत तो ये थी प्रेप करने की इस अटैक की। अगर बात करें तो बैटल ब्लिम के द्वारा जितनी वैल्यू निकालना चाहते थे वो बिल्कुल यहाँ पे निकाली थी। उसके बाद यहाँ पे 3 o'clock के तरफ से मेन अटैक इन्होंने शुरू करा था। स्टार्टिंग में जो आइस गोलेम थे थोड़ा सा जल्दी बर्स्ट आउट हो गए थे जिसकी वजह से वो फ्रीज नहीं हो पाया था एरिया जो करना चाहते थे, बट एक आइस गोलेम का परफेक्ट फ्रीज आता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा डैमेज निकाल पाए, बट जो इन्फर्नो टावर वहाँ पे थे उनको नहीं निकाल पाए जिसकी वजह से अटैक जो है बहुत लो परसेंटेज रह गया। देखिए आई मीन ये अनफॉर्चुनेटी था जहाँ तक मुझे लग रहा है, इनका जो सुपर ब्लिम भी था ना, आई डोंट थिंक सो इतना जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी वैल्यू तो निकाली थी, बिकॉज एंड में क्या कितने थोड़े से चंद सुपर आर्चरी बचे थे उसकी वजह से ज़्यादा वैल्यू भी नहीं निकाल पाई। ये चाहते थे कि सुपर ब्लिम इनका आज बहुत ज़्यादा वैल्यू निकाल दे, मे बी सी सी भी निकाल दे ऑन द फ्लो, आसपास के और डिफेंसिव बिल्डिंग्स निकाल दे, मगर देखिए पर्सनली तो मुझे ऐसा लगता है जो एक्स्ट्रा वैल्यू वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस ब्लिम से उतनी तो नहीं निकली, मगर मे बी उतने वैल्यू से भी संतुष्ट होंगे। देखिए 73% आया, जैसे मैंने कहा ओपनिंग अटैक यूजली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है एक इम्पैक्टफुल स्कोर करना, तो 73% एक बुरा अटैक तो नहीं है। अब यहाँ पर आ चुका है इनका ईडी अटैक और अब आ चुके हैं अवनीश, जो हम बात कर रहे थे प्री गेम सेगमेंट के अंदर, एक थोड़ा सा चेंज लाया है रॉकस्टार ने, तो देखना है कि ये चेंज इनको कैसे यू नो लाभ देगा। यहाँ फिलहाल 6 o'clock से बैलून्स को लेके थोड़ा सा कोर में भेजने की कोशिश करी जा रही है, बट लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ इन्फर्नो टावर, जो तीनों इन्फर्नो टावर इतने परफेक्टली प्लेस्ड हैं, इजीली यहाँ पे बैलून्स को शट डाउन कर देंगे। ब्लिम्प के साथ शुरुआत की थी, ब्लिम्प से निकले थे बलून्स और ऑफकोर्स कंपार्टमेंट तो आसपास का निकल तो गया है वहाँ पर, मगर ये देखिए अब यहाँ पर स्टार्ट होगी इनकी ईडी की पाथिंग। जैसे कि आप देख सकते हो चेन डैमेज की वजह से काफ़ी सारे डिफेंसिव बिल्डिंग्स को इंस्टेंटली डैमेज तो पड़ चुका है, मगर ईडी की एचपी भी ज़्यादा नहीं बची है, तो अब मुझे देखना है कि इनकी पाथिंग एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट होगी, बिकॉज टाउनल के ऑपोजिट से तो इन्होंने ब्लिम भेजी थी, मगर ये देखिए इस बार टाउनल के साइड से इनका आईडी स्टार्ट हो जाएगा 12 और 3 o'clock के बीच में से। जी हाँ, 12-3 के बीच से टाउन हॉल को निकालने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी, रेज स्पेल को यूज़ यहाँ पे किया गया है जिसकी वजह से टाउन हॉल को तो इजीली यहाँ पे निकाल पाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मोनोलिथ भी जितना मैं उम्मीद कर रही हूँ यहाँ पे इजीली निकल जाएगा, बहुत परफेक्ट फ्री स्पेल का यूज़, मोनोलिथ इज गोइंग टू बी टेकन आउट प्रीटी ईजिली। दूसरी साइड अगर बात करें यहाँ पे स्कैटर शॉट को निकालने की कोशिश आरसी करते हुए दिखाई दे रहा है एंड लुक्स लाइक स्कैटर शॉट को ही निकालने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी, बट प्रॉब्लम इनको देगा जो इन्फर्नो टावर है तीनों, वो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे, एक्सबो फिलहाल के लिए किंग पे लॉक्ड है। एग्जैक्टली, यहाँ पर अब देखिए ईडी धीरे धीरे करके आगे तो बढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हो ओ स्कैटर शॉट बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, मगर ईडी ज़्यादा एचपी पर सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। अगर चेन डैमेज के साथ स्कैटर शॉट और मोर्टार भी निकल जाती है ना तो वैल्यू काफ़ी बड़ी हो सकती थी, मगर अनफॉर्चुनेटली अब इनके सारे के सारे ईडी तो मर चुके हैं, ग्रैंड वार्डन अभी तक बोर्ड पर है, आरसी भी आगे डिप्लॉय किए गए, उसकी वजह से आरसी की एबिलिटी तो अभी हाथ में नहीं है, मगर आरसी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी कंडीशन में दिख रहे हैं, मगर वो एक स्कैटर शॉट इतनी देर के लिए सर्वाइव कर गया ना, उसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो बैठा है। 1 minute अभी तक हार्ट में है, मगर स्कैटर शॉट हम जानते हैं कि कितनी ज़्यादा डैमेज डिश आउट करती है बिल्डिंग, तो इसको तोड़ पाना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, फिनिक्स ने आसानी से तोड़ तो दिया, वो भी रीज़न इसके लिए ये था कि बिकॉज चेन डैमेज की वजह से जो ईडी का चेन डैमेज बढ़ा था उससे काफ़ी ज़्यादा लो एचपी हुई थी स्कैटर शॉट की, मगर अब ज़्यादा परसेंटेज हम यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जल्द से जल्द इनके जो क्लीनअप वाले ट्रूप्स भी है वो भी लपेटे में आ जाएंगे आर्चर टावर के और वो भी ख़त्म हो जाएंगे।
जी हाँ, थोड़ा सा क्लीन अप यहाँ पे किया जा रहा है 83% के साथ या मैक्सिमम 84% के साथ यहाँ पे खुश रहना पड़ेगा। बट 6 o'clock में जो एक्सबो है उसने भी किंग को बहुत ज्यादा दिक्कत दी। आउटकट से किंग कोशिश कर रहे थे यहाँ पे क्लीन अप करने की, किंग को वहाँ पे शट डाउन किया गया। उसके बाद क्वीन पे वो एक्सबो लॉक हो गया था। उसके बाद जैसे क्वीन भी बहुत जल्दी जो है निकाल दी गई थी पिक्चर से, जिसकी वजह से बहुत हाई परसेंटेज अटैक तो ये फिलहाल के लिए नहीं बन पाया। ठीक है, तीसरा अटैक आया है 83%। फिर भी कंसिस्टेंसी की अगर बात की जाए, अवनीश यू नो बार बार टीम के साथ नहीं खेलते और फिर भी यू नो नए शो किसिंग दिखाते हैं अपने आप को, पहली बार आए और फिर भी इतना बढ़िया तरीके से अटैक करके गया है। उससे वैलियंट एफर्ट और बहुत बढ़िया खेला इन्होंने। ऑफकोर्स 83% लाना एक केआईपी के फेस टू के अंदर आसान सी तो बात नहीं है। बड़ी बड़ी टीम्स कभी कभी यू नो कतरा जाती है, डर जाती है इतना परसेंटेज लाने के लिए। तो अवनीश एक बहुत बढ़िया अटैक आपकी तरफ से, जानते थे कि देखिए अब मुझे कुछ भी करके कंसिस्टेंसी के ऊपर कैपिटलाइज कर रहे हैं। अपोनेंट से तो एक बहुत बड़ा मैसअप आ चुका है, 73% के आसपास उनका अटैक खत्म हुआ था। तो जानते हैं कि देखिए यहाँ पर मेरे पास सेफेस्ट बेट है ईडी लाना है। ईडी से वो आसानी से डिसेंट अमाउंट ऑफ परसेंटेज तो निकाल ही लेंगे और अगर हीरो से एक्स्ट्रा वैल्यू स्क्वीज भी होता है देन चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक। जी हाँ, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता। बट स्टिल जैसे कि आपने मेंशन किया 82% इज अ वेरी गुड अटैक, स्पेशली जब आपके ओपोनेंट थोड़ा सा अपने अटैक में मिस कर चुके हो। बट 3 स्टार अभी तक नहीं आ पाया। 3 स्टार अगर आ जाता है तो रॉकस्टार्स अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पोजीशन पे इन द ओवरऑल रैंकिंग पा पाएंगे, क्योंकि अभी भी टॉप 4 में तो है डेफिनेटली। बट स्टिल अगर एक बहुत ही बेहतरीन आज का दिन भी जाता है तो मे बी टॉप 2 में भी आ सकते हैं। आ सकते हैं। अब देखिए दूसरा अटैक बाकी है ओबे ईस्पोर्ट्स की तरफ से। पहला अटैक तो देखिए मैं नहीं कहूंगा खराब स्टार्ट थी, मगर कंपेयर टू अपोनेंट यस, अगर इनका अटैक अपोनेंट से कंपेयर किया जाए देन ऑफकोर्स थोड़ी सी खराब तो ओबे की तरफ से स्टार्ट आई है। मगर देखिए रिकवरी आसानी से भी की जा सकती, इतनी बड़ी भी लीड नहीं है रॉकस्टार की तरफ। अगर ओबे से एक 90% के आसपास भी अटैक आ जाता है ना तो सारी की सारी भरपाई यही के यही हो जाएगी। मगर क्यूसी के साथ यहां पर आगे बढ़ेंगे 9 o'clock की तरफ। उन्होंने क्वीन डिप्लॉय किया, चार्ज ऑफकोर्स करेगी आगे जाकर। क्या इनके पास रिकॉल स्पेल है? यस, इनके पास एक रिकॉल स्पेल भी मौजूद है। तो ये एक लालो लाया है इन्होंने अपने साथ और रिकॉल स्पेल के साथ क्वीन खेल रहे हैं। जी हाँ, अगर क्वीन यहाँ पे निकल भी जाते हैं पिक्चर से, रिकॉल स्पेल के द्वारा क्वीन को दोबारा से डिप्लॉय कर सकते हैं, किसी और एंगल से पाथिंग बना सकते हैं। फिलहाल तो इनका टारगेट है किसी भी तरीके से टाउन हॉल को निकालना। टाउन हॉल निकल पाता है या नहीं वो चीज़ देखना पड़ेगा। फ्री स्पेल बहुत परफेक्टली यूज हुआ है, दैट मीन्स टाउन हॉल इज ऑलरेडी आउट ऑफ द पिक्चर। 12% यहाँ पे क्वीन के द्वारा आ गए, रिकॉल स्पेल को मेसअप कर दिया। नहीं रुकी, आई थिंक सो यहाँ पर इनका गेम प्लान था कि सिर्फ हीलर्स को निकाला है, इसका मतलब ग्रैंड वार्डन का शायद आगे भेजेंगे और दूसरी साइड से ग्रैंड वार्डन चार्ज करेंगे। मगर मुझे पता नहीं क्या इन्हें क्वीन भी लेनी थी क्या नहीं, मुझे पर्सनली तो लग रहा है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ बिकॉज ऐसा मैंने पहली बार होते हुए देखा है और आई थिंक सो वो चाहते थे क्यों कि क्वीन को भी अंदर ले ले रिकॉल्स खेल के, मगर अनफॉर्चुनेटली वैसा हो तो नहीं पाया है। देखिए फिलहाल तो एक लॉग लॉन्चर लाया इन्होंने सीज मशीन के अंदर। ओ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए पाथिंग के साथ अब इनका मल्टी टारगेट इन्फर्नो भी निकलेगा। धीरे धीरे आगे अगर बढ़ते गए तो इसका मतलब पॉइजन स्पेल टावर भी निकल जाएगा। बट वो ईगल आर्ट्रली को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, एक्सबो को भी निकालना। वो कंपार्टमेंट इजीली यहाँ पे क्लियर हो सकता है, बट 12 o'clock का जो एक्सबो है वो फिलहाल यहाँ पे हीरो को बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा है। उस तक पहुंचना, उसको निकालना बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे बन जाएगा। एट द सेम टाइम मोनोलिथ भी अभी पिक्चर में है, काफी सारे इन्फर्नो टावर भी है जो दिक्कत दे सकते हैं ट्रूथ्स को। बहुत बढ़िया, लॉग लॉन्चर ने स्पेल टावर भी निकाल दिया, पॉइजन स्पेल टावर। इसका मतलब अब कोर के अंदर जाके इतना ज्यादा डैमेज तो नहीं पड़ेगा। अगर वहाँ पर पॉइजन स्पेल टावर होता देन ऑफकोर्स X2 बन जाता डैमेज फिलहाल तो। मगर जैसे कि आप देख सकते हो हीलर्स भी काफ़ी देर तक जिंदा है, इनके येटी भी आगे बढ़ रहे हैं। जो हीलर्स बार बार येटीज़ को हील कर रहे हो उसके वजह से येटीज थोड़ा और ज़्यादा डैमेज एक्स्ट्रा डैमेज टैंक कर पा रहे हैं। येटी माइट्स भी अपना बहुत बढ़िया तरीके से काम निभा रहे हैं। एक्सबो एकदम छोटी सी स्पी के साथ फिलहाल एक्सबो भी जिंदा है। मगर देखिए शुरुआती का जो रिकॉल स्पेल था वो थोड़ा सा मिसअप हो गया, फिर उन्होंने ट्राई किया था कि मे बी उसकी भरपाई करे ग्रैंड वार्डन चार्ज के साथ ऑन दी ऑपोजिट साइड, मगर वैसा तो फिलहाल देखिए हुआ तो है। इनका लालो भी आता है अभी, मेन अटैक स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो रही 12 o'clock की तरफ से। काफी सारे डिफेंसिव बिल्डिंग्स अभी तक जिंदा है इंक्लूडिंग मोनोलिथ, और जैसे ये सारे के सारे बलून्स मोनोलिथ की तरफ आएंगे ये आसानी से मेल्ट होंगे। बट थैंकफुली एयर स्वीपर का आप डायरेक्शन देखें वो दूसरी तरफ है, तो 12 o'clock से जो लालो का अटैक शुरू करा जिसकी वजह से यहाँ पे बलून्स मोनोलिथ तक पहुँच तो जाएंगे, बट क्या उसको निकाल पाएंगे वो एक मेजर क्वेश्चन है। द आंसर इज नो, यहाँ पे मोनोलिथ को नहीं निकाल पाए, सिर्फ ग्रैंड वार्डन यहाँ पे बचे हैं 75% मैक्सिमम आई थिंक, वरना वो भी नहीं। ओबे स्पोर्ट्स की तरफ से अगर कंसिस्टेंसी की बात करें, हाँ कंसिस्टेंसी तो है मगर 70% के ऊपर ही है ना, 75 के आगे बढ़ रहे बस 75 के अंदर ही लपट रहे, तो प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत बड़ी बन चुकी है। देखिए दूसरा अटैक भी आता है इनकी तरफ से एक 73%। भाई
ये तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया, बिकॉज कंसिडरिंग अपोनेंट के पास अभी भी एक लीड बरकरार है और धीरे धीरे करके बेबी स्टेप से वो लीड भी बढ़ती जा रही है हर अटैक बाय अटैक। तो इसका मतलब अब ओबे स्पोर्ट्स को एक 3 स्टार तो सिक्योर करना पड़ेगा कुशन के साथ रहने के लिए। बट क्या वो 3 स्टार आ पाएगा, क्योंकि ओबे ईस्पोर्ट्स का जैसे कि आपने भी मेंशन किया था स्टार्टिंग में, अभी तक का जो रन रहा है वो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। तो 3 स्टार निकालना स्पेशली इन अ प्रेशर सिचुएशन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वो रिकॉल स्पेल क्या था मुझे खुद को नहीं पता। देखिए एसपी, मैं जानता नहीं कि आपके दिमाग में वहाँ पर क्या चल रहा था, मगर इंस्टेंटली आपकी जो रिकवरी प्लान था ना वो तो मैं समझ गया था। देखिए आप जानते थे कि ठीक है मेरे रिकॉल के अंदर हीलर्स तो आ गए, इसका मतलब मैं ऑपोजिट साइड से अगर इवन दो आर्चर क्वीन जाती है मैं अपना ग्रैंड वॉर्जन चार्ज चालू करता हूँ। मैंने वो प्रिडिक्ट भी किया था, मगर आई थिंक सो कि वो चाहते थे कि क्वीन भी आ जाए उसके साथ, बिकॉज यूजुअली जब हम रिकॉल स्पेल वाली स्ट्रैटेजी देखते हैं ना क्वीन चार्ज के साथ, हर कोई चाहता है कि क्वीन चार्ज अंदर जाके टाउन हॉल निकाल ले एंड देन इंस्टेंटली रिकॉल स्पेल डाल के क्वीन को रिकॉल कर ले एंड देन कहीं और से एक और बढ़िया सी पाथिंग चालू कर दे। मगर फिलहाल तो देखिए इन्होंने सिर्फ अपने हीलर्स ही किए थे रिकॉल, मगर कोई बात नहीं। तीसरा अटैक अब गेम का आएगा, जिसे हमें पता है अभी तक यहाँ पर हंटर मोनिस नहीं आए, शायद से मे भी तीसरी बार आएगा, और जैसे मैंने मेंशन किया था थर्ड अटैक पे आ सकते हैं और थर्ड अटैक मेक और ब्रेक, तो फ्लो हमें पता है ये बात भी, और हंटर मोनिस भी एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैकर है। मगर ये क्या, नहीं हंटर मोनिस ने आए इस बार, आए ब्रदर्स डॉक्टर रे, तो ठीक है चलिए ये क्या लाया वो देखते। ईटी स्मैश लाया इन्होंने जैप क्विक के साथ। जी हाँ, क्वीसी के साथ भी एक क्वीन चार्ज के साथ भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। सो लेट्स सी, 6 o'clock की तरफ से फिलहाल यहाँ पे पाथिंग बनाने की कोशिश तो की जा रही है। सो लेट्स सी वो पाथिंग बन पाती है या नहीं, लुक्स लाइक नहीं बन पाएगी। ग्रैंड वार्डन के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था, ऑफकोर्स ये पूरा खबर शुरुआत, फ्लेम फ्लिंगर भी डिप्लॉय की गई थी तो ग्रैंड वार्डन का हेल्प करेगी थोड़ी सी डिफेंसिव बिल्डिंग्स क्लियर आउट करने में। जैप क्विक के साथ इन्होंने काफी बढ़िया वैल्यू तो निकाल लिया फिलहाल, मगर ये पूरी की पूरी जो पाथिंग है इन्होंने टाउन हॉल के ऑपोजिट साइड से चूज की है और टाउन हॉल के जस्ट सामने है एक मोनोलिथ, ये एग्जैक्ट बेस मैंने देखा है पहले KIP के अंदर। तो चांस है कि ब्रदर्स डॉक्टर रे को पता है कि इस बेस को कैसे काउंटर करना है ईटी स्मैश के साथ। देखिए फिलहाल तो काफी बढ़िया चीजें जा रही है, फाइनल इनके सारे के सारे इलेक्ट्रो टाइटन्स भी डिप्लॉय हो चुके हैं, अब बस आगे दिक्कत जो है वो है एक स्कैटर शॉट, मगर ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी भी काफी देर तक होल्ड कर रहे हैं। जी हाँ, एबिलिटी होल्ड की जा रही है, क्वीन की एबिलिटी भी फिलहाल मौजूद है, किंग की भी मौजूद है, बट वहाँ पे सेंटर तक कोर तक पहुँचना मोनोलिथ वहाँ पे मौजूद है, आई थिंक थोड़ा सा चैलेंज बन सकता है वो मोनोलिथ को निकालना, स्पेशली जब आपके ऊपर मल्टी टारगेट इन्फर्नो टावर भी हो। फ्रीज यहाँ पे कोर में किया जाएगा जिसकी वजह से थोड़ी देर तक तो मोनोलिथ शांत हो जाएगा, बट इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि आप मोनोलिथ को निकालें एंड ये देखिए सारे बलून्स यहाँ पे जो है शट हो गए। ये देखिए मोनोलिथ ब्लॉक इन हो चुका आर्चर क्वीन के ऊपर, ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है अगर आर्चर क्वीन यहाँ पर मर जाती या फिर उनकी एबिलिटी फोर्स आउट हो जाती, मगर नहीं आर्चर क्वीन बच गई बिकॉज इलेक्ट्रो टाइटन्स लॉक इन हो चुके थे मोनोलिथ के ऊपर। इलेक्ट्रो टाइटन्स ने मोनोलिथ को निकाल दिया, निकाल तो दिया है, मगर ये देखिए कितना ज्यादा बेस अभी तक बचा हुआ है। फ्लेम फ्लिंगर से शायद यटीज तो निकलेंगे बलून्स के साथ, पता नहीं एग्जैक्टली क्या निकलेगा, थोड़ी देर में ही पता चलेगा बिकॉज फ्लेम फ्लिंगर अभी तक जिंदा है। देखिए धीरे धीरे करके डिफेंसिव बिल्डिंग्स क्लियर आउट तो कर रहा है मगर काफी ज्यादा टाइम भी बोरो कर रहा है एट द सेम टाइम। इनका मेन ईटी स्मैश अटैक अब पूरा 12 o'clock की तरफ शिफ्ट हो चुका है। देखिए अभी आरसी का डिप्लॉयमेंट बाकी है, तो आरसी का डिप्लॉयमेंट किधर से होता है वो भी देखना पड़ेगा। एक्सपो यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज दे रहा है, फ्लेम फ्लिंगर अभी भी क्लीन अप करने की कोशिश कर रहा था बट फ्लेम फ्लिंगर इज ऑलरेडी आउट एंड यहाँ पे येटीज आते हुए। येटी और इलेक्ट्रो टाइटन आए हैं फ्लेम फ्लिंगर से, तो ये एक इंटरेस्टिंग है। ठीक है मेरे को पता तो था येटी तो आ ही जाएंगे, ऑफकोर्स यूजुअली फ्लेम फ्लिंगर के अंदर वही एक ऐसा ट्रूप होता है जो होता है और इस बार एग्जैक्टली वही था, मगर इलेक्ट्रो टाइटन भी लाए थे, सोचा था कि मे बी वो पूरा का पूरा कंपाउंड या फिर कंपार्टमेंट निकल जाए, मगर फिलहाल तो वैसा हुआ नहीं। देखिए आरसी की भी डिप्लॉयमेंट आ चुकी है, जानते स्कैटर शॉट को यहाँ पर जल्द से जल्द निकालना है और वो जानते हैं कि मेरे एटी को मुझे जितनी ज्यादा देर तक हो सके उतनी ज्यादा देर तक जिंदा रखना है। ईटी तो फिलहाल देखिए जिंदा तो है, ऑफकोर्स डैमेज भी काफी ज्यादा डिश आउट कर रहे हैं, इसका मतलब क्लीनअप तो हम अच्छा खासा एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं और आरसी की तरफ से भी काफी बढ़िया क्लीनअप आ तो चुका है, काफी सारे डिफेंसिव बिल्डिंग यहाँ से निकल चुकी है, मगर ज्यादा ट्रूप्स बोर्ड पर नहीं है और टाइम भी काफी ज्यादा कम है। अब देखिए दोनों इन्फर्नो टावर एंड एक्सपो जो है लॉक हो गया था आरसी के ऊपर, जिसकी वजह से आरसी जितना वैल्यू निकालना चाहता है वो नहीं निकला। 91% स्टिल अ वेरी हाई परसेंटेज अटैक, 3 स्टार जा सकता था अगर किसी तरीके से दो इन्फर्नो टावर या एक्सपो को निकाला जा सकता था पिक्चर से, तो जो कि फिलहाल के लिए तो नहीं हो पाएगा बट स्टिल 91% बहुत बढ़िया अटैक आते हुए, बहुत बढ़िया अटैक। रॉकस्टार जैसे मैंने मेंशन किया था धीरे 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 करके, जानते अपने अपोनेंट तो कैपिटलाइज नहीं कर रहे मगर हम करेंगे, अब धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स लेकर अपनी एक लीड आगे ले रहे हैं और ऐसे ही करके अब इनके पास फिलहाल परसेंटेज गेम के अंदर तो एक कुशन आ चुका है, मगर स्टार्स गेम के अंदर अभी भी कुशन नहीं है। अगर सामने से एक 3 स्टार आता है ना, देन सारा का सारा कुशन, सारी की सारी लीड यहीं पर खत्म हो जाएगी, बिकॉज हमें पता है
सीओसी के अंदर स्टार्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है, स्टार्स को पहले महत्व आता है, अगर स्टार्स भी गेम में टाई हो जाता है देन परसेंटेज गेम पर आता है सर। जी हाँ, तो स्टार्स में लीड किसी भी तरीके से ओवे ईस्पोर्ट्स को अब लेनी पड़ेगी अगर खुद को थोड़ा सा ऊपर लेना चाहते हैं। बट इस पर्टिकुलर अटैक में बात करें, 6 o'clock की तरफ से यहाँ पे शुरुआत हुई थी, फ्रेम ब्रिंकर को भी लॉन्च किया गया, जैप को यूज़ करके काफ़ी अच्छी वैल्यू यहाँ पे निकाली थी। आरसी के डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा लेट आया था 12 o'clock की तरफ से, बट स्टिल आरसी ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है डिफेंसिव ट्रूथ को निकाल लिया था। बट इन दी एंड वही बात आ जाए कि 2 इन्फर्नो टावर एक एक्सबो अभी भी मौजूद था एंड के स्टेजेस तक, जिसकी वजह से आरसी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाए, 3 स्टार नहीं हो पाया, बट परसेंटेज वाइज वेरी गुड अटैक। बहुत बढ़िया अटैक देखिए एंड में, विचेस तो थी मगर अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं था इनके हाथ में, और थोड़ी देर में वो भी लपेटे में आई जाती मल्टी टारगेट इन्फर्नो टावर के, तो ज्यादा कुछ वैल्यू वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। अब तीसरा अटैक आएगा ओबे स्पोर्ट्स की तरफ से, जैसे मुझे पता है और जैसे मैंने कहा भी है, अब तीसरा अटैक में अगर एक 3 स्टार आ जाता है तो ये सारी की सारी लीड यही के ही समाप्त हो जाएगी। 4 स्टार है फिलहाल ओबे के पास और रॉक स्टार ने अपने 3 अटैक यूज किया और उसमें से 6 स्टार्स लाए हैं। और इस बार ये क्या लाए, ठीक है लालो लाए है और बूस्टेड आर्मी के साथ, ठीक है 5 इनविजिबिलिटी स्पेल है, इसका मतलब ये एक सुपर ब्लिंप निकालेंगे। जी हाँ, सुपर ब्लिंप आ सकता है, बट ये देखना पड़ेगा किधर से डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पे मे भी शायद हमें 9 o'clock की तरफ से ब्लिंप का डिप्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है बिटवीन 9 और 12 o'clock, क्योंकि टाउन हॉल को निकालना चाहेंगे। फिलहाल तो थोड़े से बैलून्स आएंगे जिसके द्वारा ब्लिंप को टाउन हॉल तक पहुँचाया जाएगा। टाउन हॉल तक तो पहुंच जाएगी, देखिए उसका तो चिंता का विषय नहीं है, मगर इन्हें बस कुछ भी करके अब ब्लिंप से वैल्यू निकालनी है। ब्लिजर्ड तो आ गए हैं, अब इन ब्लिजर्ड से कितनी ज़्यादा वैल्यू निकल पाती है ये मायने रखेगी। ओ थोड़ा सा लेट आया था एक इनविजिबिलिटी स्पेल, मगर फाइनली दूसरा भी आ चुका है, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए विजर्ड्स आसपास का ऑफकोर्स क्लीनअप तो स्टार्ट कर ही देंगे, ब्लिजर्ड्स बहुत बढ़िया तरीके से आसपास की बिल्डिंग्स भी निकाल चुके हैं, अगला बॉम्ब टावर भी चला जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंपार्टमेंट खाली होने वाला था, मगर एक विजर्ड टावर बच गया है राइट साइड की तरफ, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मगर टाउन हॉल के आसपास की सारी बिल्डिंग्स निकल चुकी है एलिक्सर स्टोरेज छोड़ के। आई थिंक एक डिसेंट वैल्यू निकाली है, काफ़ी अच्छा वैल्यू निकाली है ब्लिंक के द्वारा। अब इनका मेन अटैक अभी भी इनका शुरू नहीं हुआ है, हीरोज़ का डिप्लॉयमेंट आएगा 12 o'clock एंड 9 o'clock की तरफ से। क्वीन इज़ ऑलरेडी देयर जो कि काफ़ी सारे ट्रूप्स निकालने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे एक्सबो थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, बट रेज स्पेल का यूज़ हो जाएगा। किंग काफी अच्छे तरीके से स्कैटर शॉट को भी आराम से निकाल लेंगे। थोड़ा सा डर गया था बिकॉज किंग काफी ज्यादा वल्नरेबल थे, मगर भूल गया कि ठीक है फिनिक्स है उनके साथ, तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए और जिंदा रहेंगे, और जब फिनिक्स के साथ तो क्या डरने की बात। और वैसा ही फिलहाल तो अटैक चल रहा है, देखिए बाबरिंग किंग फाइनली अब मर जाएंगे, चंद सेकंड के लिए जिंदा तो थे, एक्स्ट्रा वैल्यू तो निकाल के गए, मगर क्वीन ऑन दी अदर साइड फिलहाल तो सीसी के ट्रूप्स के साथ डील आउट कर रही है। मेन लालो अटैक इनका स्टार्ट हो चुका है, बलून्स की डिप्लॉयमेंट भी आ चुकी है 3 o'clock की तरफ से, अब ईगल आर्टिलरी को कुछ भी करके यहाँ से निकालना है, एक इंस्टेंटली फ्री स्पेल आ जाएगा, जानते हैं बलून्स काफ़ी ज़्यादा वॉनरेबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, तो इन्हें कुछ भी करके हमें प्रोटेक्ट करना है। बट मल्टी टारगेट इन्फर्नो टावर यहाँ पे दिक्कत दे सकता है, ईगल आर्टिलरी को तो निकालिए बट बहुत परफेक्ट यहाँ पे फ्री स्पेल का प्लेसमेंट, बलून्स थोड़ा सा आगे और बढ़ पाएंगे और बलून्स को डिप्लॉय करा जाएगा 6 o'clock की तरफ से। वहाँ पे भी अगर बात करें वहाँ पे इन्फर्नो टावर, मल्टी टारगेट इन्फर्नो टावर मौजूद है, एक्सबो मौजूद है जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है, एट द सेम टाइम मोनोलिथ भी यहाँ पे मौजूद है जो कि बहुत बड़ी दिक्कत देगा। ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी भी इस्तेमाल की गई थी वहाँ पे, उसके वजह से बलून्स ने काफ़ी बढ़िया वैल्यू निकाली है। देखिए बलून्स डिप्लॉय तो किए गए थे 6 o'clock की तरफ, मगर ग्रैंड वार्डन के साथ जो इन्होंने पेशेंस के साथ खेला है ना, उसके वजह से पेशेंस अब पे ऑफ कर रहे हैं, एक 3 स्टार होने का बहुत बड़ी चांस है और उस चांस के ऊपर भी कैपिटलाइज कर रहे हैं। इसी बारे में हम बात कर रहे थे, ओबे ईस्पोर्ट्स क्या ये वो 3 स्टार निकाल पाएंगे, और फिलहाल तो ऐसे लग रहा है 3 स्टार तो आसानी से निकल भी जाएगा। देखिए अब इसे कोई नहीं रोक सकता 3 स्टार होने से, आखिरी डिफेंसिव बिल्डिंग भी निकल चुकी है और काफ़ी ज़्यादा रूप से आप पर बोर्ड पर, इसका मतलब जॉरिन मरपाचे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो आए और वो करके दिखाया, एक्सपेक्टेशंस भी डिलीवर किया है, ज्यादा प्रेशर के अंदर क्रैक नहीं हुए। और जैसे मैंने मेंशन भी किया था, अगर एक 3 स्टार आती है तो इतनी सारी लीड जो बनी है ना स्टार्स गेम में, वो पूरी की पूरी लीड गवा बैठेंगे। हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे कि ओबे ईस्पोर्ट्स को वो 3 स्टार अटैक की काफ़ी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, एंड फाइनली वो 3 स्टार अटैक उनकी तरफ से हमें आते हुए दिखाई दिया। स्टार्टिंग में अगर बात करें ब्लिंप को टाउन हॉल की तरफ पहुंचाया गया, जिसकी वजह से टाउन हॉल को बहुत ईजिली निकाल लिया गया था, ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर नहीं आई थी। एट द सेम टाइम जब इनका मेन अटैक शुरू हुआ, उससे पहले एक स्कैटर शॉट ऑलरेडी आउट ऑफ पिक्चर हो चुका था, एक्सबो भी निकल चुका था हीरोज़ के द्वारा, तो काफ़ी अच्छा अटैक इनकी तरफ से हमें आते हुए दिखा। एग्जैक्टली ब्लिज़र्ड जी क्या ही बढ़िया तरीके से, आई मीन जे देखिए
जैसे मैंने कहा था वैल्यू तो निकली थी, देखिए वहां पर ब्लिंप से, सुपर ब्लिंप से आसानी से वैल्यू निकली थी। थोड़े स्नीकी गॉब्लिंस भी लाए थे मगर अनफॉर्चुनेटली टाउन हॉल के आसपास थोड़े से बॉम्ब्स थे, उसकी वजह से सारे के सारे गॉब्लिंस वहीं पर चल बसे। मगर बाद में जिस तरीके से उन्होंने अपना अटैक जारी किया है ना, एक हेस स्पेल की डिप्लॉयमेंट आई थी, जानते थे उनके बलून अभी काफी ज्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके हैं, तो बलून्स को कुछ भी करके मुझे जल्द से जल्द यहाँ से हिलाना है, जल्द से जल्द यहाँ से उनका अटैकिंग स्पीड बढ़वाना है, एट द सेम टाइम मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना है। मगर बाद में ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी के साथ जो इन्होंने पेशेंस दिखाया, ग्रैंड वार्डन की डिप्लॉयमेंट के साथ जो पेशेंस दिखाया, वो सारे के सारे पेशेंस एंड में पे ऑफ होते हुए और एक 100% के साथ तीसरा अटैक का अपना शुरुआत और खत्म भी कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे हमें पता है चौथा अटैक बाकी है दोनों टीम्स का, रॉकस्टार के ऊपर अब थोड़ा सा प्रेशर तो आ चुका होगा बिकॉज रॉकस्टार को पता है जितनी भी सारी लीड थी अब फिलहाल ओबे ने उस लीड को हाथ से फेड अवे कर दिया, निकाल दिया गया है, नलीफाई कर दिया गया है। अब रॉकस्टार को वापस अगले अटैक में एक 3-स्टार चाहिए और लीड वापस हाथ में चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, 3-स्टार अब रॉकस्टार का लेके आना ही पड़ेगा। रॉकस्टार हमें पता है एज अ टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत कंसिस्टेंट रन रहा है अभी का, अभी तक का इनका केएपी फेज 2 में, बट ओबी ईस्पोर्ट्स इनका थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा था, बट ये 3-स्टार अटैक बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है रॉकस्टार के ऊपर अगर एक 3-स्टार अटैक नहीं आता है। फिलहाल यहाँ पे ड्रैगन्स को डिप्लॉय तो किया जाएगा 3 o'clock की तरफ से अलॉन्ग विद द बैलून, जिसकी वजह से काफी सारे ट्रूप्स को निकाल लेंगे इजीली बलून्स के साथ। आई मीन देखिए फिलहाल जैसे कि आपने मेंशन किया है ड्रैगन राइडर्स स्ट्रैटेजी है, पूरा का पूरा हाइड्रा लाया है इन्होंने ड्रैगन राइडर्स और ड्रैगन्स के साथ। ऑफकोर्स इनके ग्रैंड वार्डन भी आगे बढ़ेंगे, ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंस दिखाए गए हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि ब्लिम अभी तक एज तक नहीं पहुंची ग्रैंड वार्डन के ऑरा की, और जैसे ही पहुंच जाएगी इंस्टेंटली ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी भी इस्तेमाल की गई है। एक सुपर ब्लिम्प है, 5 इनविजिबिलिटी स्पेल थे, इसका मतलब ब्लिजर्ड्स और सुपर आर्चर्स अंदर से बाहर निकलेंगे, क्लोन स्पेल का भी इस्तेमाल किया गया है, तो आसपास का पूरा कंपार्टमेंट जाना चाहिए एज प्लान्ड। अगर नहीं गया देन ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा मेसअप भी हो सकता है। और ये देखिए सीसी भी निकल चुका है मगर ईगल आर्टिलरी अभी तक नहीं निकली है, सुपर आर्चर्स जिंदा तो है, आसपास की बिल्डिंग्स निकाल तो रहे हैं, एक्सबो भी निकल चुका है, क्या एक्स्ट्रा वैल्यू स्क्वीज आउट हो पाएगी, क्या वो पॉइजन स्पेल टावर जा पाएगा? अगर वो पॉइजन स्पेल टावर जाता है देन बहुत वैल्यू आ जाएगी, मगर नहीं अभी तक बचा है। बहुत प्यारा अटैक अभी तक का अगर बात करें, बहुत प्यारा अटैक जा रहा है। अब फाइनली हीरोज का डिप्लॉयमेंट भी 6 o'clock की तरफ से हमें आते हुए दिखाई दे रहा है, बट एक्सबो यहाँ पे जो है लॉक हो चुका है हीरोज पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्वीन की अगर बात करें, क्वीन ने यहाँ पे जो है डिफेंसिव ट्रूप्स को एडी को निकालने की कोशिश करी, एडी इज ऑलरेडी आउट ऑफ द पिक्चर, बट लुक एट दैट मल्टी टारगेट इन्फर्नो टावर जो कि फिलहाल यहाँ पे क्वीन को काफी दिक्कत देगा, किंग को भी काफी दिक्कत देगा, किंग तो डैमेज सोक इन कर लेगा बट बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे आरसी इन्फर्नो टावर को भी निकाल देंगे। मैं थोड़ा सा वरीड हूं इस अटैक के लिए, देखिए शुरुआत में थोड़ा सा डर लग गया था मुझे, हाँ ब्लिंप वहां पर थी, वैल्यू तो निकाल गई थी मगर इनका हाइड्रा काफ़ी ज़्यादा जल्दी मर गया था। हाँ बाबेरिंग किंग और आचक क्वीन धीरे धीरे करके एजेस से तो निकल रहे हैं मगर मेन डिफेंसिव बिल्डिंग्स है कोर के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो सिंगल टारगेट इन्फर्नो टावर, जैसे ही हीरोज उसके लपेटे में आ जाएंगे ना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ क्विंग और क्विंग की एबिलिटी भी है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं मगर कितना ज़्यादा डैमेज पड़ेगा देखिए, अभी तक जिंदा है उनके विजर्ड टावर, कैनन है, उनका एक्सबो भी है जो साथ में काम कर रहा है, बारबेरिंग किंग के रेज के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर ये रेज एक्स्ट्रा वैल्यू निकाल जाता है कुछ भी करके क्वीन के साथ देन सारी की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो सकती है। देखिए अब यहाँ पर पूरा का पूरा नसीब का खेल है, जैसे कि शिवांज बोलते हैं स्टार्टिंग वाला पूरा का पूरा 95% आप निकालते हैं और उसके बाद बचा कुछ 5% आपका नसीब निकालता है, और फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लगता इनका नसीब चल रहा है बिकॉज क्वीन अकेली बची है, टाइम इनके पास सिर्फ है 40 सेकेंड, तो मुश्किल तो है बिकॉज आगे सिंगल टारगेट इन्फर्नो टावर है। क्वीन की एबिलिटी अभी बची हुई है, फ्री स्पेल भी मौजूद है, बट वो इन्फर्नो टावर को निकालना बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा, अगर उसको नहीं निकालते तो क्वीन का सर्वाइव करना दिक्कत में हो सकता है। फाइनली एबिलिटी यूज़ करी जाएगी, इन्फर्नो टावर इज ऑलरेडी आउट ऑफ द पिक्चर, बट अभी भी काफ़ी डिफेंसिव बिल्डिंग्स मौजूद हैं एंड क्वीन को डैमेज तो यहाँ पर मिल रहा है, कितनी देर तक सर्वाइव, 3-स्टार तो नहीं होगा, मैक्सिमम 90% तक इसको खींच सकते हैं। ठीक है देखिए फिर भी एक बहुत बढ़िया अटैक, जैसे आपने भी मेंशन किया था काफ़ी यू नो डिसेंट सा अटैक लग ही रहा था, मगर मैं थोड़ा सा वरीड बन गया था बिकॉज जैसे ही मैंने देखा इनका हाइड्रा काफ़ी ज़्यादा जल्दी मर गया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज़्यादा जल्दी इनका हाइड्रा मर जाएगा, मगर हाँ मर तो गया था। बाद में ब्लिम से भी काफ़ी बढ़िया वैल्यू निकाली थी सुपर ब्लिम से, तो उसके ऊपर एक थोड़ा सा एड ऑन हो गया, मगर एंड में देखिए ज़्यादा स्टार्स तो नहीं निकल पाए, सिर्फ 2 स्टार ही निकले, 3-स्टार की जो मांग थी 3-स्टार तो नहीं आ पाए, मगर एक स्ट्रॉन्ग परसेंटेज वाला अटैक तो था जिसके साथ वो खुशी खुशी आगे तो बढ़ सकते हैं, मगर अपोनेंट्स की तरफ से अगर एक और 3-स्टार आ गया देन सारी की सारी खुशी जो है ना वो चली जाएगी।
जी हाँ, अब रॉकस्टार के पास सिर्फ एक ही अटैक बचा है, कुछ भी करके वो फाइनल लास्ट अटैक जो है उसको थ्री स्टार करना पड़ेगा। जैसे कि आपने मेंशन किया है, ब्लिम से वैल्यू निकाली, काफी अच्छी वैल्यू निकाली, थोड़ा सा लेट हमें हीरोज का डिप्लॉयमेंट देखने को मिला था। किंग एंड क्वीन को यहाँ पे जो है सिक्स ऑफ क्लॉक की तरफ से डिप्लॉय करा गया था, वहाँ पे एक्सबो को भी बहुत ईजिली निकाल दिया, एडी को भी निकाल दिया, स्कैटर शॉट था उसको भी बहुत ईजिली यहाँ पे शट कर दिया गया था। तो काफी देर तक क्वीन की एबिलिटी को भी बचा के रखा गया, बहुत लेट क्वीन की एबिलिटी को यहाँ पे यूज किया गया था, जिसकी वजह से ये एक हाई परसेंटेज अटैक तो बन पाया बट नॉट अ थ्री स्टार अटैक। लकीली इनफ जो हाइड्राज और जो इलेक्ट्रो ड्रैगन वाली अटैक स्ट्रैटेजी होती है ना, ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ही होती है, सो एंड में आपके हीरोज के पास काफी ज्यादा टाइम भी रहता है कि एक्स्ट्रा वैल्यू स्क्वीज कर पाए। तो उसके वजह से ऑफकोर्स आई मीन थैंकफुली जैसे आपने मेंशन किया इनके पास एबिलिटीज बची हुई थी और इन्होंने हीरोज के साथ भी काफी ज्यादा पेशेंस दिखाया डिप्लॉयमेंट के साथ भी, तो इन जनरल सब कुछ इनके फेवर में काम कर गया एंड में। और ये अटैक देखिए एक डिसेंट सा अटैक तो आया, 89% इसका मतलब बढ़िया अटैक था, ऑलमोस्ट 90% के आसपास, तो एक बहुत बढ़िया अटैक। अब आया है हमारा हाइब्रिड, सरुन भाई आए हैं ओबी स्पोर्ट्स की तरफ से, हाइब्रिड के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए बेस तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हो हर एक डिफेंसिव बिल्डिंग्स के बीच में देखिए कितने सारे गैप्स है, इसका मतलब ट्रैप प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटीज कितनी सारी हो सकती है, कहीं पर भी कोई भी ट्रैप निकल सकता है और आपका अटैक मैसअप हो सकता है। जितना ओपन स्पेस उतने ज्यादा हिडन ट्रैप्स, सीओसी के गेम में ये चीज हमें हमेशा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके ट्रूप्स को बहुत ज्यादा डैमेज मिल सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा संभल के अटैक यहाँ पे करना पड़ेगा। सिक्स ओ क्लॉक की तरफ से यहाँ पे शुरुआत तो की जाएगी, कुछ बलून्स को डिप्लॉय करा जाएगा इनकेस अगर वहाँ पे कोई हिडन ट्रैप्स या कुछ अवेलेबल है, माइंस अवेलेबल है, तो उनको निकालने की कोशिश करेंगे। बट अभी भी क्वीन चार्ज यहाँ पे सिक्स ओ क्लॉक की तरफ से शुरू हो चुका है, यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से पाथिंग तो क्रिएट कर दी गई है, टाउन हॉल तक क्वीन इजिली पहुंच जाएगी। एंड क्या टाउन हॉल को निकाल भी पाएगी? आई थिंक यहाँ पे निकाल लेगी, आराम से निकाल लेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, आसानी से टाउन हॉल निकल जाएगा। देखिए गीगा इन्फोर्नो ट्राई कर रहा है टाउन हॉल का कि डैमेज दे क्वीन को, मगर ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाएगा। देखिए आसानी से टाउन हॉल निकल गया, गीगा बॉम्ब वहां पर फट गया था, जानते थे अब गीगा बॉम्ब फटने के बाद ही इंस्टेंटली काफी ज्यादा हैवी डैमेज पड़ेगा क्वीन के ऊपर, इसलिए इंस्टेंटली रेस बेल्ट भी डिप्लॉय की गई थी हीलिंग प्रोसेस जो है फास्ट अप करने के लिए। अब मुझे देखना है कि इनका हाइब्रिड कहाँ से शुरुआत होगा। मेन चीज जो चाहिए उन्हें, मेन स्टार जो चाहिए, मेन वैल्यू जो चाहिए वो तो निकल चुकी है, टाउन हॉल तो निकल चुका है, अब इनका हाइब्रिड कहाँ से शुरुआत होगा वो काफी ज्यादा मायने रखता है। एक सिंगल टारगेट इन्फर्नो कोर के अंदर क्वीन की एबिलिटी भी निकल चुकी थी, मगर एक बढ़िया इनविजिबिलिटी स्पेल की वजह से क्वीन तो फिलहाल के लिए बच जाएगी। ठीक है, क्वीन ने सिंगल टारगेट इन्फर्नो भी निकाल दिया, भाई क्वीन को जिस तरीके से इन्होंने बचा के रखा है ना, बहुत बढ़िया भाई। अगर ऐसी क्वीन ज्यादा देर तक जिंदा रहती गई ना, देन बहुत वैल्यू निकल सकती है। अब क्वीन को दिक्कत दे सकता है वो इन्फर्नो टावर या फिर वो एक्सबो, क्योंकि एक्सबो फिलहाल एंड इन्फर्नो टावर दोनों उनसे लॉक हो चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पे कोशिश करी जाएगी, एक और रेज स्पेल आएगा क्वीन के ऊपर, एक्सबो इज ऑलरेडी आउट ऑफ द पिक्चर, तो इन्फर्नो टावर भी यहाँ पे निकाला जा सकता है। बट मेन अटैक यहाँ पे इनका फिलहाल तो 3 o'clock की तरफ से शुरू होते हुए दिखाई देगा, जहाँ पे किंग को डिप्लॉय किया था एंड वहाँ से बहुत प्यारा फनल क्रिएट किया। देखिए अब क्वीन की एबिलिटी ऑलमोस्ट फोर्स आउट होने वाली थी, मगर एंड सेकंड में इन्होंने मल्टी टारगेट इन्फर्नो वहां से निकाल दिया गया। देखिए प्रॉब्लम ये था कि मल्टी टारगेट इन्फर्नो नहीं था मेन प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम था एक्सबो और मल्टी टारगेट इन्फर्नो का कॉम्बिनेशन, दोनों मिलके इतना ज्यादा एचपी सक कर रहे थे ना क्वीन की कि प्रॉब्लम वहीं पर हो गई थी, मगर फाइनली क्वीन तो बच गई है। देखिए बाल बाल बची है क्वीन, अब अगला टारगेट होगा इनका हॉग राइडर्स का, ऑफकोर्स ईगल आर्टिलरी, इनका हाइड्रा, तो हाइड्रा हाइब्रिड तो थोड़ी देर के लिए अभी तक और जिंदा है, मगर ज्यादा ट्रूप्स बोर्ड पर नहीं है और उसी चीज के बारे में मुझे थोड़ी यहाँ पर चिंता हो रही है। स्पेल टावर भी यहाँ से चल बसेगा, बैटल ब्रिडर्स सर ट्राई कर रहा है उसको हील करने का, मगर ये अटैक जैसे मैंने मेंशन किया था, देखिए काफी बढ़िया लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफी ज्यादा यूनिक लग रहा था, और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मेहनत रंग लाई है, मेहनत रंग लाई है एंड ये बहुत प्यारा अटैक जा रहा है। अगर बात करें मेजॉरिटी ऑफ द जी हाँ टाइम पे की दिक्कत आ सकती है, बट ओवरऑल बहुत प्यारा अटैक जा रहा है। अभी भी इनके पास बैलून्स मौजूद है जो क्लीन अप कर सकते हैं एंड फीनिक्स इज ऑल्सो अवेलेबल, तो नहीं 93 मगर आपके पास जितनी बची कुछ परसेंटेज लीड भी है ना, वो हम यहाँ से आपसे छीनना चाहते हैं। और एक और बढ़िया अटैक आया, देखिए ज्यादा परसेंटेज की लीड तो इन्होंने फिलहाल तो देखिए इवन रॉकस्टार के पास बची नहीं है, मगर इतना ज्यादा हाई परसेंटेज अटैक भी नहीं था ओबे स्पोर्ट्स की तरफ से कंपेयर टू रॉकस्टार, बिकॉज रिसेंट अटैक उनका 90% आया था और ये 93 है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, तो इसका मतलब लीड तो अभी भी फिलहाल रॉकस्टार के हाथ में होगी परसेंटेज गेम के अंदर, मगर जहां पर मैटर करता है ना वहां पर ओबे के पास लीड है।
जी हाँ, ओबे के पास लीड है, पर इस पर्टिकुलर अगर अटैक की बात करें, यहाँ पे क्वीन से जो वैल्यू निकाली है इन्होंने वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू निकाली है। एक मोमेंट पे लगा था जब एक्सपो एंड इन्फर्नो टावर क्वीन पे लॉक हो गया था कि एबिलिटी फोर्स आउट करनी पड़ सकती है, बट वो कंपार्टमेंट क्वीन ने काफी हद तक क्लियर कर दिया था, काफी हाई वैल्यू निकाली। जब तक इनका मेन हाइब्रिड अटैक शुरू हुआ काफी हाई परसेंटेज ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी थी, एंड अभी तक तब तक काफी हीरोज डिप्लॉय नहीं हुए थे। मल्टी टारगेट इन्फर्नो टावर और एक्सबो का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था, और हमें तो पता है इन्फर्नो टावर, मल्टी टारगेट इन्फर्नो टावर ओवर टाइम, इन जनरल जो इन्फर्नो टावर है ओवर टाइम वो हीटअप करते जाता है, इसका मतलब ओवर टाइम उसका डैमेज बढ़ते जाता है। जितनी देर तक आपके ट्रूप्स के ऊपर लॉक इन रहेगा उतना ज्यादा डैमेज उसका बढ़ते जाएगा। अब ब्लिंप आ चुके यहाँ पर बोर्ड पर, इसका मतलब है कि इनविजिबिलिटी स्पेल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये है एक सुपर ब्लिंप, विजर्ड निकले अंदर से जल्द यहाँ पर पूरा का पूरा कंपार्टमेंट इन्हें खाली करना है। वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं ब्लिजर्ड से, मगर क्या यह असलियत में हो पाएगा वो मुझे जानना है। देखिए अब इनका ब्लिजर्ड सिर्फ दो ही बचे, एक्चुअली चार बचे हैं ब्लिजर्ड, मगर बाकी के दो है गीगा पॉइजन के अनफॉर्चुनेटली चपेटे में आ चुके थे। जी हाँ, चपेटे में तो आ चुके हैं, बट फिलहाल यहाँ पे मेन अटैक इनका अभी तक शुरू नहीं हुआ है, 9% ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब स्कोर में जो इनका बात करें, इन्फर्नो टावर मौजूद है, ईगल आर्टरली मौजूद है, दो दो इन्फर्नो टावर है, वो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत दे सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल 6 o'clock की तरफ से किंग एंड क्वीन को डिप्लॉय तो करा जाएगा, जो कि थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में क्लीनअप का काम करेंगे, फनल बनाने की कोशिश करेंगे, जो स्कैटर शॉट मौजूद है उसको भी निकालना चाहेंगे, बट फिलहाल एक्सपो लॉक इन हो चुके हैं उनके ऊपर। बाबेरिंग किंग फिनिक्स के साथ है, इसका मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू तो हम थोड़ी सी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ज़्यादा जितना जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हें मरने से उतना जल्दी तो मरेंगे नहीं बाबेरिंग किंग, बिकॉज साथ में है फिनिक्स, इसका मतलब कुछ चंद सेकंड और वो एक्स्ट्रा लिव करेंगे। सीसी से भी ट्रूप्स यहाँ पर ल्योर आउट हो चुके हैं, इसका मतलब ट्रूप्स का तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो ही जाएगा। आर्चर क्वीन भी थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाएगी, तो ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पर आर्चर क्वीन भी सोक इन कर रही है। इवेंचुअली आर्चर क्वीन यहाँ पर लॉक इन कर देगी एक्सबो के ऊपर, मगर ऑन द राइट साइड 3 o'clock की तरफ से इनका मेन अटैक स्टार्ट हो चुका है, वो है लालो। अब धीरे धीरे करके इनका ऑफकोर्स मेन अटैक स्टार्ट तो करेगा ही, और जैसे कि आप देख सकते हो लावा हाउंड के साथ बलून्स और ग्रैंड वार्डन तो आगे भेजे गए, ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी के साथ भी काफ़ी बखूबी तरीके से इन्होंने पेशेंस दिखाए, और पेशेंस के साथ देखिए आसपास की बिल्डिंग्स तो निकली है, मगर ये अटैक 3-star होना तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। हो भी सकता है ईगल आर्टरी को भी यहाँ पे निकाला जाएगा, तो ओनली मेन प्रॉब्लम इज द मोनोलिथ, जो मोनोलिथ वहाँ पे मौजूद है वो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे दे सकता है। बट अभी भी अगर बात करें तो आरसी का डिप्लॉयमेंट नहीं आएगा, एक फ्री स्पेल इनके पास अभी भी मौजूद है, तो इसको हाई परसेंटेज अटैक तो ये बना सकते हैं 3-star, वो देखना पड़ेगा, मे बी पॉसिबल है कि इसको 3-star तक भी खींच पाए, बट टाइम कुड बी द प्रॉब्लम। टाइम यहाँ पर भरपूर है देखिए, मगर मैं बस थोड़ा डर रहा हूँ डिफेंसिव बिल्डिंग्स, ठीक है एडी निकल के आप 3-star हो गए, आप तो कोई नहीं रोक सकता, मैं उस एडी को लेकर ही थोड़ा सा चिंतित था, मुझे लगा था मे बी एडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज डिश आउट कर देंगे बलून्स के ऊपर, बिकॉज उनके बलून्स भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे, तो एडी को ज़्यादा यहाँ पर शॉट्स मारने की जरूरत नहीं पड़ती, और आसानी के सारे बलून्स गिर भी जाते, मगर एंड में ज़्यादा डिफेंसिव बिल्डिंग्स भी नहीं बची थी, उसकी वजह से जैसे ही आरसी का एबिलिटी आ गया मेन मेन डिफेंसिव बिल्डिंग्स तो वहीं पर गिर गए, और इसके साथ ही एक आसानी से 3-star सिक्योर किया गया है। हंटर मोनिस, हम बात कर रहे थे ये प्लेयर पहले क्यों नहीं आया, पहले सीक्वेंस में क्यों नहीं आया, यूजुअली पहली बार ही आता है, मगर इस बार आखिरी आया है, और जैसे मैंने कहा था हंटर मोनिस ने प्रॉब्लम अपनी टीम को बोला ही होगा कि भाई देखिए वैसे भी हम थोड़ा सा यहाँ पर लाइनअप में स्विच कर रहे हैं, तो मेरा अटैकिंग सीक्वेंस में भी थोड़ा सा स्विचअप कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए बेस को पढ़ने में, और अगर मेरा बेस पढ़ के हो गया तो एंड में जाऊँगा, बिकॉज ऑफकोर्स जितना ज़्यादा आपके पास टाइम उतनी बढ़िया प्लानिंग बनाओगे। अपने स्टार प्लेयर को एंड के लिए बचा के रखा था जब उनको मेन जरूरत थी एक 3-star अटैक की, एंड वो उन्होंने बखूबी डिलीवर भी करा। रॉकस्टार को बहुत ज़्यादा जरूरत थी एक 3-star अटैक लेके आने की, एंड वही चीज़ यहाँ पे आते हुए अब थोड़ा सा प्रेशर ओबे ईस्पोर्ट्स पे बन चुके हैं, क्योंकि उनके पास बचा है लास्ट अटैक। जिस तरीके से अटैक शुरू हुआ था 6 o'clock की तरफ से यहाँ पे किंग एंड क्वीन को डिप्लॉय करके थोड़ा सा पाथिंग क्रिएट करी, काफ़ी सारे ट्रूप्स को निकाला गया था, फाइनली ग्रैंड वार्डन के साथ मेन अटैक शुरू हुआ था 3 o'clock से, एंड पूरा का पूरा कोर क्लियर आउट हो गया, फ्री स्पेल बहुत परफेक्टली यूज़ हुए, और बहुत आसानी से एक 3-star अटैकिंग की तरफ से आते हुए। बहुत बढ़िया था भाई, देखिए कुछ अंतिम क्षणों में तो कुछ ऐसा लग रहा था, आरसी भी थे आगे, ऑफ कोर्स आई मीन 3-star हो गया। देखिए मुझे थोड़ा सा बीच में लगा था, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाउटफुल हो रहा था कि यार ये क्या 3-star हो पाएगा, मुझे लाइक थोड़ा सा डाउट आ रहा था कंसीडरिंग कितने सारे डिफेंसिव बिल्डिंग्स थे, मगर एंड में इनके हीरोज ने बहुत बढ़िया खेलिया देखिए, और जैसे मैंने मेंशन किया था ग्रैंड वार्ड इनकी डिप्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस, और उसके बाद डिप्लॉय तो किया मगर एबिलिटी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंस उन्होंने दिखाए, बलून्स थोड़े से जैसे ही कोर के नज़दीक गए तब जाके इन्होंने अपनी एबिलिटी का बटन प्रेस करा, मगर फिलहाल ये देखिए अब हमारे आ चुके हैं जीई रॉकी, ये भी लालो लाए हैं, मगर इनके पास है दो ड्रैगन राइडर्स, तो अब देखना है ये कैसे काम करेगा।
फिलहाल यहाँ पे जो है कोशिश तो करी जाएगी टाउन हॉल को निकालने की, बट वहाँ तक ग्रुप कैसे पहुँचेंगे वो एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। 9 o'clock एंड 12 o'clock की तरफ से अटैक शुरू हो रहा है। क्वीन चार्ज यहाँ पे आते हुए काफ़ी सारे ट्रूप्स यहाँ डिफेंसिव बिल्डिंग्स यहाँ पे निकल चुकी हैं। क्वीन इज डूइंग परफेक्ट जॉब। ईगल आर्टरी थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, एक्सबो दिक्कत दे सकता है क्वीन को। टाउनल के ऑपोजिट साइड से इन्होंने पाथिंग चूज करी है, तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए अभी यहाँ पर इनका मेन गेम प्लान ये होगा कि कुछ भी करके मैं टाउनल के ऑपोजिट साइड से पाथिंग स्टार्ट करूंगा, ईगल आर्टिलरी यहाँ पर टूट जाएगी, मे बी आसपास के इन्फर्नो टावर्स भी टूट जाएंगे, और फिर उसके बाद मैं ऑपोजिट साइड से अपना लालो स्टार्ट कर दूंगा, ग्रैंड वार्डन के साथ अपने बलून्स और लावा हाउंड्स को आगे भेज दूंगा, और फिर मे बी एक सक्सेसफुल अटैक हो जाए। फिलहाल तो प्लान ऐसे ही दिख रहा है। देखिए बिकॉज बाबरिंग किंग भी आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 12 o'clock की तरफ बाबरिंग किंग की डिप्लॉयमेंट आ चुकी थी। अभी तक तो इनके हाथ में रेज है, मगर क्या वो रेज एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगा, एक्स्ट्रा वैल्यू प्रदान कर पाएगा, वो हमें जानना है। फाइनली बाबरिंग किंग का रेज इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब ऑफकोर्स फीनिक्स तो अभी तक तैनात है, थोड़ी देर में बाबरिंग किंग मर जाएंगे, फीनिक्स भी राइज हो जाएंगे, उसकी वजह से बाबरिंग किंग थोड़ी देर के लिए और जिंदा रहेंगे। बट क्वीन पे एक्सबो लॉक हो चुका है, काफ़ी सारा डैमेज यहाँ पे क्वीन सोकिन करती है तो दिख रही है। यस डेफिनेटली 12 o'clock एंड 3 o'clock के बीच से यहाँ पे मेन अटैक लालो को शुरू होगा। कोशिश की जाएगी बैलून्स के द्वारा किसी तरीके से टाउन हॉल को निकाले, बट वो मोनोलिथ जो कोर में मौजूद है वो थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। एक्सबो भी मौजूद है जो कि बैलून्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देगा। फिलहाल के लिए टाउन हॉल एक्टिवेट हुआ था, बट इंस्टेंट फ्रीज स्पेल यहाँ पे आता है मोनोलिथ एंड टाउन हॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बैलून्स टाउन हॉल को तो बहुत प्यारे तरीके से निकाल देंगे। मोनोलिथ भी जाएगा काफ़ी अच्छा अटैक आते हुए। स्कैटरशॉट ये एक ऐसा डिफेंसिव बिल्डिंग है फिलहाल, अभी फिलहाल तो ऑफकोर्स वही एक बहुत बड़ा थ्रेट होल्ड करता है आपके बलून्स के अगेंस्ट, और स्कैटरशॉट के पास ऑफकोर्स कैपेबिलिटी भी है कि पूरा का पूरा अटैक यही के यही पर अगर फेल कर सकता है, मगर एक बहुत बढ़िया इनविजिबिलिटी स्पेल आया था इनके बलून्स के ऊपर, इसके वजह से स्कैटरशॉट के लपेटे में और रेंज में तो नहीं आएंगे, मगर इंडीड इवेंचुअली उनका स्कैटरशॉट भी यहाँ पर मर जाएगा। मगर फिलहाल तो काफ़ी सारे डिफेंसिव बिल्डिंग्स यहाँ पर बचे कुछ है। मैं थोड़ा सा बीच में इतना ज़्यादा इंप्रेस इसलिए हुआ था बिकॉज इन्होंने जिस तरीके से अपनी ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी के साथ वापस से पेशेंस दिखाए गए थे ना, मतलब देखिए जानते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आपके अटैक सक्सेसफुल होने के पीछे, और हर बार मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है बलून्स डाल दिए लालो डाल दिए तो यूजुअली इंस्टेंटली एक एबिलिटी आ जाएगी, मगर वैसे नहीं, इनके बलून्स ने एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डैमेज सोकिन भी किया था, मगर एट द सेम टाइम कोर के अंदर भी घुस गए थे और तब जाके इन्होंने अपनी ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी इस्तेमाल की गई थी, और उसके बाद ऑफकोर्स एक्स्ट्रा वैल्यू तो आपस क्वीज हुई। देखिए अनफॉर्चुनेटली 3 star तो नहीं आ पाया, मगर 87% एक बहुत परसेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज होते हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छा है परसेंटेज अटैक तो आए, एंड आई थिंक द रीजन वो बलून्स को कोर तक ले जा पाए वॉज अ परफेक्ट टाइमिंग ऑफ द फ्री स्पेल। जिस तरीके से टाउन हॉल जैसे एक्टिवेट हुआ उस पर फ्री स्पेल डिप्लॉय करा गया, मोनोलिथ पे फ्री स्पेल डिप्लॉय करा गया, जिसकी वजह से बलून्स ने उनको ईजिली यहाँ पे जो है निकाल दिया था पिक्चर से एंड कोर तक अपने आप को आराम से ले गए थे। एग्जैक्टली और आखिरी अटैक था ये पूरे पूरे इस वॉर का, और इस वॉर के विजेता है रॉक स्टार। देखिए नेल बाइटिंग कंपटीशन था, ये नेल बाइटिंग वॉर था जिसमें रॉकस्टार ने देखिए ज्यादा परसेंटेज के साथ विन तो हासिल नहीं की है, मगर ओबे स्पोर्ट्स की मैं दाद देना चाहूंगा जिस तरीके से इन्होंने खेला है और जो इनके ऊपर अभी तक धब्बे लग चुके थे ना इस वॉर के बाद, उन्होंने उन धब्बों को यहाँ पर मिटाया। सेम चीज ATS क्लैशेस के साथ हुई थी, बिल्कुल इट्स लाइक टीम जग रहे हैं, मगर आई फील लाइक थोड़ा सा लेट हो चुका है यार अब जगने के लिए। एक्चुअली मैं बिकॉज दे 12 है अभी हमारा फेज 2 के अंदर, एंड दैट मींस दैट यहां पे इवन दो ओबे स्पोर्ट्स ने काफी अच्छा यहाँ पे पिछला गेम भी रखा, इस गेम के अंदर भी काफी अच्छा रखा था, ट्राई किया था, बट ओवरऑल ऑफकोर्स रॉकस्टार बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने लिए अपने हित में ये गेम लेके जाते हुए। बट अगेन इट्स बेस्ड ऑन परसेंटेज, सो अगेन फेज टू के अंदर अगर बात करें नेक्रो, जैसे जैसे हमारे दिन यहाँ पे कम हो रहे हैं फेज टू के, वैसे वैसे वी कैन क्लियरली सी दैट नाउ टीम्स आर गेटिंग इनटू जस्ट द परसेंटेज डिफरेंस, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे विंस वो कैपिटलाइज कर पा रहे हैं। आई विश ऐसे परफॉर्मेंस हमें फेज टू के स्टार्टिंग में देखने को मिलते, ट्रू, तब अब जाके ओवरऑल रैंकिंग के ऊपर और ज्यादा क्लोज दिखने को मिलता, हमें और ज्यादा इंटेंस वातावरण देखने को मिलता, मगर yes. ऐसा परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में नहीं था, कहाँ पर था ओबे और ATS क्लैशेस, मगर चलिए ठीक है अभी तो इन्हें दुरुस्त आई है, और जैसे कि देख सकते हैं टीम वर्सेस टीम में रॉकस्टार तो जीत गई, ज्यादा परसेंटेज के साथ तो नहीं जीती है, मगर अगेन रॉकस्टार जिस कंसिस्टेंसी के लिए जानी मानी जाती है उस कंसिस्टेंसी के साथ आगे बरकरार है। एब्सोल्युटली आगे बढ़ रही है ऑफ कोर्स, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें अब देखना ये होगा कि क्या यही कंसिस्टेंसी विल दैट रीच एंड अलाउ देम to go all the way to the LAN finale, ye sabse bada question rahega, and Rockstar ke liye again aisi wali victory I'm sure is good, lekin aur behtar ho sakti hai, right, because aapko star percentage mein percentage se zyada agar star pe aap focus karte hue aage nikal pate to aur zyada acha rehta, par uske sath mein yahan pe overall ranking ki taraf badhenge to we'll clearly see ki Rockstar exactly yahan pe
कितना बढ़िया यहाँ पे गेम प्ले जो उन्होंने किया है, जैसा यहाँ पे पहले भी बताया था, ऑफ कोर्स नेक्रो ने बिफोर द गेम स्टार्टेड दैट रॉकस्टार विल बी द वन एबल टू कैपिटलाइज, 12 उनके हो जाएंगे पॉइंट्स एंड विल बी सेटिंग अप ऑन टॉप। 53 स्टार्स है फिलहाल इनके हाथ में, इसका मतलब जो बची कुछ टीम्स है फॉर एग्जांपल ब्लाइंड, चाचा ई-स्पोर्ट्स, आसानी से टॉपल तो कर देगी। देखिए 47 है यहाँ पर और अपोनेंट के पास बस 53 है, कितना डिफरेंस हुआ वो लाइक 5-6 स्टार्स का मैक्स टू मैक्स, राइट एग्जैक्टली 6 का डिफरेंस हुआ। बट जैसा आप भी पहले बता चुके हैं राइट, जब आप बात करते हो ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स, चाचा ई-स्पोर्ट्स, मिनिमम वी कैन एक्सपेक्ट दैट 5 अटैक के अंदर 10 स्टार तो करेंगे ही करेंगे राइट। तो अगर उसी का ही एवरेज लेके चले तो डेफिनेटली 57 तो आप दोनों की तरफ से देख रहे हैं, ब्लाइंड एज वेल एज चाचा ई-स्पोर्ट्स अपने अपकमिंग गेम्स के अंदर। बट फिर भी इन दी एंड हमें अभी तक कुछ कैलकुलेटिवली नहीं बोल सकते दैट यू नो दीज आर द टीम्स जो गारंटेड हमें लैंड पे दिखने वाली हैं। और स्पेशली आज जब मार्कोस नहीं खेली है ना तो ये एक बहुत बड़ा शॉक था मेरे लिए, बिकॉज मुझे लगा था आज मार्कोस खेलेगी यार। True. और आज मार्कोस नहीं खेली तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ये कैसा मतलब ओवरऑल फॉर्मेट पे यू नो फर्क पड़ेगा, कैसा इम्पैक्ट डालेगा, बिकॉज इनफैक्ट एग्जैक्टली ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा डालेगा। इट विल मैं यही बोलने वाला था दैट यू नो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट मार्कोस के पास में अब इतने सारा टाइम है राइट, तो ये सारे के सारे दूसरे जो क्लैंस अपने अटैक कर रहे हैं उनको देख रही है परख रही है, जब उनके गेम आएंगे तो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू कैपिटलाइज। बट अभी के लिए हम चलेंगे गुड टाइम्स बाय किंगफिशर एंड वी विल रीकैप व्हाट जस्ट टुक प्लेस। ये देखिए हमारा था टाइफून की तरफ से पहला अटैक। यूजुअली यू नो हमने बात भी की थी गेम के अंदर, कास्टिंग के अंदर हमने कहा भी था कि हंटर मोनिस आते हैं हर बार, right. मगर इस बार टाइफून आए हैं जो यूजुअली सेकंड पर आते हैं, दूसरे पायदान पर आते हैं, इस बार हंटर मोनिस को उन्होंने आखिरी में रखा था। मेक सेंस टू यू नो शिवांश भी इस बात के बारे में बोलते हैं कि पहले अटैक पर एक ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस लाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और काफी ज्यादा रिस्की मूव भी होता है, और जब भी कोई भी अपना एक ओपनिंग एंट्री अटैकर जिसे बोलते हैं वो देखिए आप एक कंसिस्टेंसी उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2-star 80% के आसपास आप इतना एक सेफली एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाइफून ने वो करके तो दिखाया था, मगर उसके बाद आए थे इनके अवनीश, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अवनीश यू नो कंसिडरिंग नए प्लेयर हैं तो मुझे लगा था थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करेंगे, बिकॉज जैसे आप लाइनअप में घुसते हो और आपको पता है ऑफकोर्स इनका प्लेइंग फाइव तो फिक्स्ड अप है, मगर ये भी कुछ रीजन की वजह से उनका एक प्लेयर नहीं खेल रहा और आप रैंडमली उस रोस्टर के अंदर जाके बैठते हो और आपको मतलब यू नो सिनर्जी के साथ दिक्कत होता है, आपको पता नहीं कि कैसे कॉल रहेगी क्या चलेगा, मगर फिर भी अवनीश आकर आसानी से फिट इन कर गया। जी अगेन आई मीन यू नो व्हाट ये पहले से ही कैलकुलेटेड होता है, ऑफ कोर्स उनका सिक्स प्लेयर बताना भी होता है टीम को हमें, एंड सो देयरफॉर आई एम श्योर कि अवनीश भी साथ में बैठते तो होंगे क्लैन के साथ में, बट अगेन जैसा आपने बोला प्लेइंग फाइव वाज ऑलरेडी सिक्योर्ड एंड कंफर्म्ड इतने टाइम से, सो डेफिनेटली उन्होंने यू नो ही टुक द रेन्स वेरी ब्यूटिफुली एंड वहाँ पे ऑफ कोर्स निराश नहीं किया अपने क्लैन मेंबर्स को। बट अलॉन्ग विद दैट जैसे जैसे हम आगे बढ़े यहाँ पे ओबी स्पोर्ट्स एंड यू नो काफी कंसिस्टेंट प्ले दोनों की तरफ से चल रहा था जब तक वो 3-star अटैक आया था। एग्जैक्टली और ये देखिए ओबे स्पोर्ट्स जॉरिन मरपाचे, yes. मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वरीड था मैं, मुझे लगा नहीं था 3-star वगैरह जो है, मगर बाद में जिस तरीके से आसानी से कन्वर्ट हुआ है ना बहुत बढ़िया इंप्रेसिवली इन्होंने कन्वर्ट किया था। अब हमें पता था कि रॉकस्टार को कुछ भी करके एक और 3-star चाहिए, मगर उसके बाद रॉकस्टार की तरफ से आता है एक और 2-star और फिर एंड में जाकर एक 3-star आता है, yes. और वहां पर आते हैं हंटर मोनिस, और इसीलिए हंटर मोनिस एडवांस, जैसे मैंने कहा था हंटर मोनिस प्रॉब्ली अपनी टीम को लगा देखिए हमारा एक प्लेइंग फाइव भी चेंज हो चुका है, मे बी यहाँ पर हमें थोड़ा सीक्वेंस भी स्विचअप करना चाहिए, बिल्कुल. और मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए कि एक बेस पर एनालाइज करने के लिए और प्लान बनाने के लिए, और जब आपके पास एक बहुत ज्यादा टाइम मिलता है तो चांस है कि प्लानिंग भी आपकी एक्यूरेट हो जाए। एब्सोल्युटली एंड वही सेम चीज हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, फॉर हंटर मोनिस फॉर द क्लैन द बेस्ट पार्ट इज वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंसड है तो जब भी वो प्रेशर पॉइंट आता है ही ऑलवेज सक्सीड्स एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड टुडे एज वेल। ऑब्वियसली के साथ में यहां पे हम फाइन नहीं देख पा रहे दैट हंटर मोनिस का जो अटैक आया था बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ऑफ कोर्स टाइम को देखते हुए बहुत कंप्लीट 100% कर लिया था एंड अलोंग साइड दैट ओबे ई-स्पोर्ट्स नॉट दैट फार बिहाइंड एज वेल बिकॉज यहां पे उन्होंने भी इक्वलाइज तो कर लिया था अपने स्टार गेम को। बट कहीं ना कहीं रॉक स्टार आगे बढ़ जरूर गई थी बिकॉज ऑफ द परसेंटेज, द 4.8% इतना कुछ का ही डिफरेंस रहा। बट अगेन यू नो विन इज अ विन। Exactly, win is a win, और consistency, और consistency है तो consistency है। देखिए, starting में पहले दो, starting में पहले दो attacks जो थे 73% आए थे, वहाँ पर ही थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। 73-74 से तो start किया था, हाँ, exactly, तो problem वहीं पर आ गया था, because opponent की तरफ से पहला आया था 84, दूसरा आया था 83, और आपकी तरफ से आया था 73, दोनों के दोनों 73, तो वहाँ पर ही थोड़ी सी लीड वहाँ पर जा चुकी थी opponent को। Absolutely, वहाँ पे of course advantage दे दिया गया था, and again, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा COC का segment है यहीं पे समाप्त होता हुआ। विल बी back right after the short break with Tekken 7.
Kingfisher, the king of good times. Well, like it said right there, Dar Ki Band Bajao, and that exactly is what's going to take place right here in Tekken 7. Of course, welcome. This is day number 12 of the phase 2 of Masters League. And with us, our Tekken 7 ka segment is now going to start. I'm your host, Blotter, and with me desk pe jud chuke hain none other than Ahana, once again, to take us through this exciting game. And also, with us, our past mein, aaj ka jo game hai, once again, we have the same player who played yesterday, two games back to back. Exactly, like बहुत ज़्यादा difficult रहने वाला है कुछ दिन अभी ज़ेफ़ी के लिए, but yes he does have one more chance to like you know turn the tables around क्योंकि अभी उनका जो game है वो Inferno Sparta के साथ है, जो कि consistently at the bottom of the leaderboard चलते आ रहे हैं since phase one he hasn't won a single match, so that's pretty devastating, लेकिन it's an opportunity for ज़ेफ़ी, so up to him if he can actually you know turn this around and make the best of it. And exactly, and ज़ेफ़ी ने last time जब खेला था Inferno Sparta के साथ वो उन्होंने 3-1 beat किया था Inferno Sparta को. Let's see what happens this time. Absolute. Again, once more, the main important thing right here is that phase 2 ke andar, the journey needs to be that much more solidified because hum dekh rahe hain yahan pe ki kaun top 4 mein rehne wala hai. And top 4 why? Well, format ki taraf badhte hain, and I'll explain a little bit more and a little bit better because yahan pe hamara jo Master League phase 2 hai, wo 16 March ko khatam ho jayega. Once all the matches are done, hamara leaderboard ke andar jo bhi top 4 pe rahenge, top 4 positions pe rahenge, wo qualify ho jayenge LAN finale ke liye. And LAN finale will be played out on 25th and 26th of March. So, अगर आपके games नहीं अच्छे जाते, and if you're sitting on the 5th, 6th, 7th and 8th position, then automatically you do not qualify for the LAN finale. लेकिन that's absolutely fine because you will have another opportunity later during the year. लेकिन one more most important thing is going to be the prize, right? Because एक तो LAN finale का prize pool होता है, but उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास Master League का भी प्राइस पूल है, सो जो प्लेयर्स वहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाते, दे स्टिल डू स्टैंड अ चांस एंड देयरफॉर दे हैव टू डिलीवर इन एवरी सिंगल गेम. Absolutely, and ये delivery has to be very strong and very statement making because again, बहुत ज़्यादा difficult रहने वाली है ये चढ़ाई considering the fact that these two players that are going to be playing today, right? वो बहुत ज़्यादा low on leaderboard चल रहे हैं since a while. That is true, and we've spoken about this कितनी बारी time and time again that you know ज़ेफ़ी काफी ही अच्छे skilled players ज़रूर हैं, लेकिन उनके साथ यहाँ पे lobby के अंदर and of course पूरे के पूरे हमारे phase one combined with phase two के अंदर अगर players की बात करें तो roster बहुत ही ज़्यादा you know intense है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, so that's what makes it very difficult. And as we can clearly see right here on our screens, हमारे पास यहाँ पे रोहित जैन हैं, of course along with that KMR Arslan, Lavneet, Tejan, who are looking fabulous in the top four. And following them on the fifth spot is Shubham. अभी भी of course इन players के games बचे हुए हैं, कुछ भी set in stone नहीं है, but in total 7 game खेले जाएंगे. And जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है that Inferno Sparta ने सिर्फ 3 game खेले हैं, well he has a chance. He definitely has a chance to climb up at least. Exactly. However, it has been a streak. Like he has lost every single one of them. And jaisa inka pichla game gaya tha, it feels like Inferno Sparta ko thoda sa read pe zyada acche se work karne ki zarurat padne wali hai because ज़ेफ़ी last time Inferno Sparta ko bahut buri tarah se you know chakma deke gaye the. Right. And actually, we did see both of these players you know switch around with different characters in that fight. So let's see if that happens. And that is something that I love about Inferno Sparta, right? Because har bari jitni bari ye yahan pe aate hain game khelne aate hain, har bari he tries to you know explore a little with the characters. To yahi same cheez aaj wo karne wale hain ki nahi, because aaj unka game hoega against ज़ेफ़ी, and ज़ेफ़ी sitting on that sixth spot is definitely looking forward to you know get those 3 points and move all the way to the top most pile because top 4 mein chale jayenge. And same cheez Inferno Sparta bhi chahenge ki at least start to ho unka leaderboard pe, because abhi tak 0 points pe hain, 8th position pe hain, still a lot that he can prove and needs to prove actually. Absolutely, like matches unke paas abundance mein rehne wale hain, he's gonna have a lot of opportunity to go ahead and do this. Yes. But us opportunity pe capitalize kitna kar pate hain wo dekhna hoga, jaisa ki aapne abhi abhi kaha tha, like Inferno Sparta does try to explore a little more with all the characters that he chooses. Completely on with it. Yes. But ye exploration before the match agar ho, so he might come up with better results. Well, we will find out because yahan pe dono ke dono players almost taiyar hain. You can see Inferno Sparta, you know, one more thing that I can say is that wo enjoy karna pasand karte hain game ke andar, and he you know enjoys and you know he's happy. Wo expression unke dikhta hai face cam ke andar. Lekin uske sath sath yahan pe ज़ेफ़ी very serious. He knows what's at stake. He wants to be a part of the top 4. Absolutely.
मैं अभी बस देखना चाहती हूँ कि दोनों प्लेयर्स क्या पिक करते हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग ईदर मास्टर रेवन और मिगेल फ्रॉम द साइड ऑफ इन्फर्नो स्पाडा एंड ईदर अकुमा और नॉक्टिस फ्रॉम द साइड ऑफ ज़ेफी. एंड एज इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम माई एक्सपेक्टेशंस ऑफ पिक्स फ्रॉम ज़ेफी, वो बहुत ज़्यादा यू नो गिमिकी कैरेक्टर्स पिक करके खेलना पसंद करते हैं. एंड दैट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजन्स कि लास्ट टाइम जब इन दोनों का मैच हुआ था फोर्थ राउंड में इन्फर्नो लिटरली सरेंडर्ड एंड लेफ्ट ऑफ. He did not really take any, you know, chances also to actually go ahead and fight off that last battle. एक राउंड जरूर अपने लिए सिक्योर किया था, लेकिन दो राउंड जब ज़ेफी के हक में चले गए तो उन्होंने बस टाटा बाय बाय करके वहाँ से लीव ले ली. एंड ही जस्ट वेंट ऑफ विदाउट मच यू नो इनपुट इन टू दैट फाइट. हाउएवर इस बार इनके जो कैरेक्टर्स रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि प्ले स्टाइल कैसा आता है, बिकॉज इन्फर्नो लुक्स लाइक ही इज गोना बी गोइंग इन फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव ओपनिंग्स. ओके दिस टाइम अ कम्प्लीट डिफरेंट पिक कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ ज़ेफी. देखते हैं हाउ ही कैपिटलाइजेस ऑन दिस कैरेक्टर. फिलहाल के लिए ही इज गोना बी फेसिंग स्ट्रांगली अगेंस्ट मास्टर रेवन. मास्टर रेवन यहाँ पे स्टार्ट ऑफ ले चुके हैं, स्टार्ट्स विद अ लो ब्लो, लेकिन कुछ खास यू नो रिजल्ट उसका नहीं मिलने वाला है. एंड वेल ज़ेफी लुकिंग स्ट्रॉन्ग राइट नाउ. इट फील्स लाइक ही इज गोना बी गोइंग इन फॉर मोर कनेक्शंस, बट ज़ेफी के ऊपर जो डैमेज है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे. एंड इट्स गोना गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर मिगेल गोइंग फॉरवर्ड. एग्जैक्टली, जैसे कि आप देख सकते हो, आई मीन मेगन इन्होंने लिया है ज़ेफी ने, तो इसका मतलब डंडे से मारेंगे. देखिए बेसबॉल का बैट है वहां पर, और मेगन एक ऐसे कैरेक्टर है ना जो क्रैड भाई को बहुत ज्यादा पसंद है हमारे. अच्छा. तो मेगन वो बार बार यूज करते रहते हैं, मगर इस बार मास्टर रेवन थोड़ा सा यू नो जो बोलते हैं मोबिलिटी में यहाँ पर गेम जीत जाएगी. जी बिल्कुल, पिछली बार भी वैसे इन्फर्नो स्पाडा मास्टर रेवन लेके खेले थे पहले मैच में अगेंस्ट ज़ेफी, एंड ही डिड सिक्योर द फर्स्ट राउंड. लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वैसे वैसे इन्फर्नो स्पाडा थोड़ा सा डगमगाते हुए नजर आते हैं. देखते हैं इस बार वो अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं. फिलहाल के लिए इट लुक्स लाइक इट माइट हैव गॉन फॉर अ परफेक्ट, लेकिन उसी समय पर कुछ झटके पड़ेंगे इन्फर्नो स्पाडा को. ही टेक्स द राउंड बट इट्स नॉट अ परफेक्ट एनीमोर. ठीक है, चलिए मैटर वो करता है कि फिलहाल तो ये जीत गए देखिए. और पहले राउंड के पास हमने जैसे कि मैंने मेंशन भी किया है कि यूजुअली कभी कभी एक्सपेरिमेंटिव प्लेस चलते हैं, यहाँ पर ज़ेफी का मेगन पिक तो ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूनिक मुझे लग रहा है, मगर अभी तक तो ज़ेफी काफ़ी ज़्यादा मार खा रहे देखे और इस बात की कोई दोहरा नहीं है. जी बिल्कुल, हमने रिसेंटली रोहित जैन का मैच देखा था एंड अगेंस्ट केएमआर अर्सलन, एंड उसमें उन्होंने फर्स्ट मैप पे लाइक एक अनयूजुअल कैरेक्टर पिक लिया था एंड देन ही रेड द कैरेक्टर अच्छे से फ्रॉम द ओपोनेंट साइड एंड देन सेकेंड मैप में आके उन्होंने अपना असली पत्ता खेला था. तो लेट्स सी इस मैप में ज़ेफी इज लुकिंग टू चेंज और नॉट. आई मीन इट्स वेरी पॉसिबल कि उन्होंने सेम स्ट्रैटेजी अपनाई हो, बिकॉज आई हैव नेवर सीन हिम गो इन विद दिस कैरेक्टर बिफोर. देखिए आई मीन ज़ेफी ने एक यूनिक सी यहाँ पर पत्ता तो निकाला है, मगर क्या इस यूनिक से पत्ते के साथ क्या इन्फर्नो स्पाडा की मूव सेट जो है, प्ले स्टाइल जो है, क्या वो भाप पाए. ऑफकोर्स पिछली बार पहले भी एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं इन्फर्नो स्पाडा मास्टर रेवन के साथ, काफ़ी बढ़िया तो खेलते हैं. जैसे आपने मेंशन किया मेगन पिक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूनिक मुझे भी लगा था. जी, एंड आई गेस अगर वो जान मूझ के रीड के लिए उस कैरेक्टर को खेल रहे थे तो फिर उनका कहीं ना कहीं पे यू नो जो मोटिव था वो सफल हो चुका है, बिकॉज नाउ ही हैज़ द ऑप्शन ऑफ एक्चुअली स्विचिंग अराउंड. बट इन्फर्नो स्पाडा के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग जरूर हो गई है यहाँ पे, एंड इफ ही कंटिन्यूज दिस मोमेंटम ही माइट यू नो फाइंड हिमसेल्फ एट अ बेटर स्पॉट. हाउएवर ज़ेफी के लिए ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग होने वाला है, बिकॉज अगर इस राउंड इस गेम को जीतते हैं तो उनका जो लीडर बोर्ड पे स्विच अराउंड होगा वो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं टॉप फोर में पहुंचा सकता है. अब आ चुके हैं हमारे अकुमा. ठीक है, अब आया है ज़ेफी का ट्रू प्लेयर, मेन कैरेक्टर आया है अकुमा. देखिए आते ही ऑफकोर्स एक लो ब्लो के साथ इन्होंने शुरुआत किया, लोअर बैटिंग पे लोअर बॉडी पे इंस्टेंटली अटैक किया था, मगर हम जानते हैं अकुमा एक ऐसे कैरेक्टर है जिनके मूव से रीड करना काफ़ी ज़्यादा यू नो इन जनरल डिफिकल्ट हो जाता है. मगर मास्टर रेवन भी फिलहाल जिस तरीके से इन्फर्नो स्पाडा खेल रहे थे एटलीस्ट फर्स्ट राउंड के साथ, हमें एक बात तो पता है उनके पास एक थोड़ी सी लीड आ चुकी है जिसके ऊपर वो रिलाय कर सकते हैं. जी बिल्कुल, बहुत प्यारा सा एक ग्रैब एंड थ्रो का यहाँ पे ट्राई किया गया था, एंड वेल दोबारा से ग्रैब एंड थ्रो का यूज किया जाएगा एंड केओ करके फिनिश ऑफ किया जाएगा इन्फर्नो स्पाडा का. एक बहुत स्ट्रॉन्ग बोल वाले के साथ इस मैच में एंट्री की है ज़ेफी ने. लेट्स सी इफ ही इज एबल टू कंटिन्यू दिस. फिलहाल के लिए जस्ट ट्राइंग टू फाइंड एन ओपनिंग एंड कनेक्ट द कॉम्बोज.
हर बार जो लोअर बॉडी पर ये अटैक्स पड़ रहे ना, उन अटैक्स को डॉज नहीं कर पा रहे, पेरी नहीं कर पा रहे, आसानी से पहचान नहीं कर पा रहे। इस बार वॉल स्प्लैट के साथ आगे बढ़ेंगे, कॉम्बो एक्सटेंशन भी लगा था, मगर ज़ेफ़ी जिस तरीके से ये बढ़िया खेल रहे ना, अभी पूरे के पूरे फ्लॉलेस अटैकिंग साइड इनकी तरफ से दिख रहा है। और एग्जैक्टली फ्लॉलेस मैंने कहा था, और एक परफेक्ट ही आ गया जी। बिल्कुल, काफी अच्छे से वहां पे लॉन्च का यूज किया ज़ेफ़ी ने, एंड देन कैपिटलाइज किया वॉल स्प्लैट तक ले जाके। बहुत ज्यादा प्यारा गेम प्ले इनकी तरफ से देखने को मिला, एंड दैट एक्चुअली डिजर्व्ड अ परफेक्ट। दोबारा से लॉन्च के ऊपर कैपिटलाइज करते हुए नजर आने वाले, फिर से वॉल स्प्लैट की तरफ ले जाने की कोशिश, लेकिन एक बार के लिए यू नो साइड स्टेप करके यहाँ पे बाहर जरूर निकल चुके हैं इन्फर्नो स्पाइडर, लेकिन दोबारा से एक बहुत गंदे कोने में पकड़ के इनको पीटा जा रहा है। वॉल स्प्लैट हुए थे वहां पर, ऑफकोर्स हमें पता है जब आप वॉल स्प्लैट होते हो आपके पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं होता, मगर ये देखिए रेजार्ड का इस्तेमाल किया गया है इन्फर्नो स्पाडा की तरफ से। जानते हैं कि कंटिन्यूस कॉम्बोस बार बार आए जा रहे ज़ेफ़ी की तरफ से, बिल्कुल भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे हैं मुझे। तो अब रेजार्ड का इस्तेमाल करके थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस बोरो तो की गई थी, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। 3-0 से दूसरा मैच ही अपने हाथ में ले चुके हैं, अब अकुमा को रोकना तो पड़ेगा। इन्फर्नो स्पाडा का चेहरा देखिए किस तरीके से, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है इनके चेहरे पे, पता नहीं कि एग्जैक्टली जस्ट इनके साथ हुआ क्या। जी बिल्कुल, कुछ भी रीड करने का मौका तक नहीं दिया गया, सीधे सीधे उनको बस लॉन्च किया गया, लॉन्च पे उनके ऊपर कॉम्बो अटैक लिया गया, कनेक्ट किया गया सही से, कई बार एक्सटेंशन करने की भी कोशिश की गई, एंड देन वॉल स्प्लैट का यूज करके कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया। इट वॉज कम्प्लीटली flawless as you said from the side of ज़ेफ़ी, but agar inferno spada ki baat kare, let's see if he is gonna switch around, kyunki wo kai baar jab pehla match haarte hain with master raven to switch karke miguel pe aane ki koshish karte, let's see if that's what he has in store for us, ya fir wo dobara se master raven pe continue karne wale hain। वो तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा हमें, मगर फिलहाल तो देखिए एक टाई हो चुका है। इन्फर्नो स्पाडा अभी भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा एक सीरियस फेस है। ऑन दी अदर हैंड ज़ेफ़ी थोड़े से चिल नजर आ रहे हैं कंपेयर टू इन्फर्नो स्पाडा। इन्फर्नो स्पाडा अभी बस अपनी दाढ़ी को हाथ लगाए सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, बिकॉज अकुमा ने तो इन्हें पूरा का पूरा हक्का बक्का छोड़ दिया। एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क इनके चेहरे पर आ गया है, मगर इस बार एक बहुत बड़ी चेंज लाएंगे यहाँ पर इन्फर्नो स्पाडा। जी बिल्कुल, एक नया कैरेक्टर लेके उतरने की कोशिश करने वाले हैं, एंड दोबारा से अकुमा से सामना होने वाला है। दिस टाइम ही माइट हैव अ बेटर यू नो पॉइंट टू प्रूव, लेकिन देखना होगा किस तरह से अकुमा यहाँ पे सामना करते हैं। इनिशियल अग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है अकुमा की तरफ से, एंड देयर ही गोज, दोबारा से लॉन्च का यूज़ किया, फिर से कॉम्बो कनेक्ट करने की कोशिश, एंड इसी के साथ में वॉल स्प्लैट की तरफ ले जाने की कोशिश जरूर है, लेकिन ब्लॉक किया जाएगा उस पुश को, एंड दोबारा से अग्रेशन दिखाने की कोशिश होगी फ्रॉम दी साइड ऑफ इन्फर्नो स्पाडा। फिलहाल के लिए बस जमीन को चूमते नजर आ रहे हैं दोनों के दोनों, एक के बाद एक जस्ट फॉलिंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड, एंड वेल टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। यहाँ पे इन्फर्नो स्पाडा पूरा का पूरा राउंड चेंज करके ज़ेफ़ी को सेम चीज करते हुए दिखाई देंगे जो ज़ेफ़ी अभी तक करने की कोशिश कर रहे थे। रेज ड्राइव अवेलेबल होने वाला है, एंड वेल देयर ही गोज, फायरबॉल का यूज करेंगे एंड कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले ही उनको पकड़ लिया जाएगा, ओपनिंग यहाँ पे यूटिलाइज की जाएगी, एंड दैट्स अ केओ कमिंग इन फ्रॉम दी साइड ऑफ इन्फर्नो स्पाडा। पहला राउंड बहुत ही शानदार तरीके से अपने लिए ले जाते हुए दिखाई देंगे। एग्जैक्टली, आई मीन देखिए ये मार्डक का पिक जो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पिक है, और फिलहाल तो अभी के लिए इनके हाथ में फिहित में जा रहा है। और जैसे हम सबको पता है कि ज़ेफ़ी अब थोड़ा से ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुके हैं, एक राउंड के हाथ में आ चुका है ज़ेफ़ी, उसी के साथ बार बार एबिलिटीज इस्तेमाल कर करके ऑफकोर्स ट्राई कर रहे थोड़ा सा चिप डैमेज निकालने का, मगर इनका मार्डक तो काफी बढ़िया लग रहा है। अब इन्फर्नो स्पाडा के पास एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट आ चुका है गेम के अंदर, एक्सपेक्ट नहीं किया था अकुमा को काउंटर करने के लिए एक मार्डक लाया जाएगा, मगर इन्फर्नो स्पाडा क्या ही बढ़िया क्रिप्टोनाइट ढूंढा है इन्होंने। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं विद दिस कैरेक्टर, एंड फिलहाल के लिए मार्डक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, बट इस बार ज़ेफ़ी पहला अग्रेशन लेंगे, ऑलमोस्ट हाफ एचपी पे ऑलरेडी ला चुके हैं इन्फर्नो स्पाडा को, एंड मार्डक अभी के लिए खड़े होने की भी दिक्कत आ रही है उनको, कोई भी शॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे यहाँ पे, अच्छे खासे ब्लॉक्स यूज किए जा रहे हैं, एंड दोबारा से लॉन्च पे कैपिटलाइज करेंगे शॉट्स पे शॉट्स, एंड दैट्स गोना बी अ लॉट ऑफ हिट्स कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ ज़ेफ़ी, दैट शट्स इट डाउन। दूसरा राउंड निकल चुका था इन्फर्नो स्पाडा का, यहाँ पे गेम खत्म हो सकता था, लेकिन उस पे एक दोबारा से विराम लगा के ज़ेफ़ी अपने लिए राउंड निकाल चुके हैं। एग्जैक्टली, और मार्डक देखिए ऑलरेडी एक अग्रेशन के साथ शुरुआत करते हुए अकुमा से कोई भी जवाब नहीं ढूंढ पा रहे ज़ेफ़ी। लास्ट टाइम इन्फर्नो स्पाडा के चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क था, मगर इस बार हम ज़ेफ़ी के चेहरे पे देखेंगे, मगर एक बहुत बढ़िया वॉल स्प्लैट तो इन्हें मिला था, मगर अनफॉर्चुनेटली कॉम्बो एक्सटेंशन नहीं पड़ेगा, मगर जैसे ही मैं कहूंगा एक बढ़िया सा लॉन्च मिल जाएगा हाथ में, और इसी के साथ कॉम्बो एक्सटेंशन भी कनेक्ट हो जाएगा। इस बार जानते हैं कि अगर एक ब्रीदिंग स्पेस दी जाए ना तो मार्डक हर बार कैपिटलाइज कर रहे हैं, मगर इस बार
एक तोड़ तो ढूंढा गया था इनकी मूव सेट का और फाइनली हाथ में एक राउंड आ चुका है कुमा के भी। ज़ेफ़ी थोड़ा सा एक साय ऑफ रिलीफ इनके लिए बन सकती है। जी बिल्कुल, दोनों के 2-2 राउंड्स हो चुके हैं। अब लास्ट राउंड इज गोना बी द डिसाइडर कि ये वाला मैप कौन लेके जाएगा। फिलहाल के लिए मार्डुक पे ज़ेफ़ी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अकुमा के जो मूव सेट्स हैं वो काफी ज्यादा हैवी डैमेज दे रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे उनको काउंटर किया जाएगा, सेम मूव सेट से काउंटर किया जाएगा, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा एडवांटेज ज़ेफ़ी की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। मार्डक देखिए, फिलहाल तो एसपी के डिसएडवांटेज में है और जिस तरीके से इन्होंने रीड किया है कि नए पिक को, सरप्राइज एलिमेंट को यहाँ पर पूरा का पूरा डिसअपीयर कर दिया और इस बार वापस से ज़ेफ़ी जीत जाएंगे। मार्डक था इनका एक मिस्ट्री कार्ड, मगर इस मिस्ट्री कार्ड को भी डिफीट कर दिया है ज़ेफ़ी ने। ज़ेफ़ी के पास हर एक चीज का जवाब है और इन्फर्नो स्पार्टा वापस चेहरे पे इनकी थोड़ी सी शिकन नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इन्फर्नो स्पार्टा को मेरे ख्याल से एम लेटर से कुछ खास ही लगाव है। वो मास्टर रेवन खेलते हैं, वो मिगेल खेलते हैं, वो मार्डुक खेलते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स एम लेटर से स्टार्ट होने वाले। बट इन एनी केस, अभी तक कोई भी कैरेक्टर लेके अपने आप को जीत के नज़दीक तो नहीं पा रहे हैं। सो अब अल्फाबेटिकल चेंज आए या ना आए, इनके गेम प्ले चेंज के बिना कुछ नहीं हो पाने वाला। ज़ेफ़ी ने स्टार्टिंग में मेगन तो लाया था देखिए, मगर इन्फर्नो स्पार्टा ने ऑलरेडी 2 कैरेक्टर्स चेंज कर लिए अपने। अब मुझे देखना है कि क्या इन्फर्नो स्पार्टा यहाँ पर कुछ और अलग लाएंगे। चांस तो है, देखिए अगर चाहे तो ला सकते हैं, अगर एक और थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट यहाँ पर गेम के अंदर लाना चाहे तो ला सकते हैं, बिकॉज अभी तक इनके अकुमा पर काउंटर नहीं ढूंढ पाए। हर बार अकुमा एक ऐसा कैरेक्टर है ना, जैसे मैंने मेंशन किया था, इसके मूव्स रीड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है एट टाइम्स। जी बिल्कुल, एंड वेल विद दैट येलो फ्लैश कमिंग ऑन अवर प्लेयर्स, हमें इतना तो पता चल चुका है वी आर गोना बी डाइविंग राइट इनटू द मैच एंड वी आर गोना प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट बैटल। लेट्स सी इस बार अकुमा का कितना जोश यहाँ पे दिखाई देगा। दोबारा से मार्डुक को लेके एंटर करने की कोशिश की जा रही है, एंड वेल इफ़ यू लुक एट द एजिलिटी, मार्डुक डज हैव गुड एजिलिटी, बट उसके बावजूद यहाँ पे ओपनिंग्स पे कैपिटलाइज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। कैपिटलाइज कर पाना तो मुश्किल तो हो ही रहा है, मगर ये देखिए अग्रेशन के साथ शुरुआत, एक बढ़िया से लॉन्च के साथ यहाँ पर ऑलरेडी एडवांटेज अपने हाथ में ले लिया है। वॉल स्प्लैट भी मिल जाएगा, इन्फर्नो स्पार्टा नहीं चाहते थे ऐसी शुरुआत के साथ, ये पूरा का पूरा राउंड इन्हें शुरुआत करना पड़े, मगर देखिए जो हो चुका है वो तो हो गया है, अब इन्हें कैपिटलाइज करना और कम बैक करना है। जी बिल्कुल, सेम फ्रेम्स का मूव यहाँ पे यूज हुआ एक बार, एंड दोनों के दोनों प्लेयर्स उस जगह पे धराशायी होते हुए नजर आए, लेकिन सारा का सारा कैपिटलाइजेशन अभी ज़ेफ़ी की तरफ से आएगा, एंड दैट वाज द ओनली मूव दैट इवन कॉज्ड हिम डैमेज। बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेम प्ले यहाँ पे ज़ेफ़ी की तरफ से देखने को मिला पिछले राउंड में, लेकिन इस राउंड में उसका पूरा बदला लेने के इरादे के साथ मार्डुक घुसे हैं। एंड वेल अभी के लिए थोड़ा सा एडवांटेज जरूर है इन्फर्नो स्पार्टा के पास, पर कितनी देर तक कंटिन्यू होगा वो देखना होगा, क्योंकि ज़ेफ़ी यहाँ पे दोबारा से अपने आप को एक अग्रेसिव मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आएगा ग्रैब एंड थ्रो, विद दैट एक बहुत बुरे हालत में, बहुत बुरे पोजिशन में ज़ेफ़ी फंसते हुए नजर आएंगे। एग्जैक्टली, और ये देखिए अब यहाँ पर ज़ेफ़ी के पास ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा एचपी डिसएडवांटेज है, मगर ऐसी मिस्टेक्स नहीं कर सकते इन्फर्नो स्पार्टा। एक छोटी सी ओपनिंग और उस पर इंस्टेंटली कैपिटलाइज किया जाएगा, हम जानते हैं, हमने बहुत बार देखा है, इवन तो काफी बार ओपोनेंट्स एक स्लीवर ऑफ हेल्थ पर जिंदा रहते हैं मगर एक कमबैक कर जाते हैं। जी बिल्कुल, वो हल्की सी जो हेल्थ रह जाती है वो उनके लिए सिल्वर लाइनिंग ऑफ होप रह जाती है, एंड वो उस पर बहुत अच्छा कैपिटलाइज करते हैं। हाउएवर पिछले राउंड में तो ये नहीं देखने को मिला, इस राउंड में क्या अलग होता है वो देखना होगा। अभी के लिए ज़ेफ़ी लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, हाउएवर पिटाई उनकी भी शुरू हो चुकी है। अब ये देखिए मार्डुक है सामने अकुमा, ओ चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर लग रही है। ऑलरेडी इन्फर्नो स्पार्टा ऑफकोर्स 1-1 का स्कोर तो यहाँ पर बन चुका है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज ये मैचअप जा रहा है, और बार बार लोअर बॉडी पर, अब लोअर बॉडी पर लेग्स पर अटैक कर रहे हैं। ये जानते हैं कि हर बार जब भी मैं लोअर बॉडी पर अटैक कर रहा हूँ काउंटर नहीं ढूंढ पा रहे इन्फर्नो स्पार्टा। ऑन दी अदर हैंड देखिए, जानते हैं कि ये मैचअप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और फाइनली एक नॉकआउट ब्लो आता हुआ। जी बिल्कुल, दोबारा से एक राउंड इन्फर्नो स्पार्टा ने अपने लिए यहाँ पे निकाला ज़रूर है, लेकिन देखना होगा कि कितनी देर तक इनके ये गिमिकी मूव्स यहाँ पे काम कर पाएंगे, बिकॉज बार बार सिमिलर मूव्स के साथ डैमेज डील किया जा रहा है फ्रॉम दी साइड ऑफ इन्फर्नो स्पार्टा। देखना होगा कि ये कितनी देर तक कंटिन्यू हो पाता है, कितनी देर लगती है ज़ेफ़ी को इसको रीड करने में। एंड वेल फिलहाल के लिए इट सीम्स लाइक ही इज ऑलरेडी ऑन द अपर हैंड, रेज ड्राइव का यूज़ किया गया, फेल होने वाली है, बट उसका जो विप पनिशमेंट होना चाहिए था वो यहाँ पे ठीक से डिलीवर नहीं हुआ। हाउएवर एक काफ़ी लो एचपी पे इन्फर्नो स्पार्टा को छोड़ा गया है, खुद की रेज ड्राइव अवेलेबल कर ली गई है, एंड विद दैट कम्स अ ब्लो टर्निंग इनटू केओ फ्रॉम दी साइड ऑफ ज़ेफ़ी। इक्वलाइज्ड स्कोर पे दोबारा आगे खड़े हो चुके हैं। फाइनल राउंड आ रहा है अब, और जैसे कि हम देख सकते हैं ऑफकोर्स
जेफी यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से शुरुआत तो कर देंगे। एच पे एडवांटेज इनके हाथ में आ चुका है, एज ऑलवेज अग्रेसिव खेलना पसंद करते हैं कुमा के साथ, और अभी तो फिलहाल चीजें इनके हित में जाती हुई नजर आ रही है। अगर मार्डक भी क्या ही बढ़िया लॉन्च किया था इन्फर्नो स्पार्टा ने, उस लॉन्च के साथ इनको एक बढ़िया सा कॉम्बो एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। और ये देखिए अब कितनी ज्यादा एच पी खा चुके हैं इन्फर्नो स्पार्टा, अब यहाँ पर थोड़े से तो खुश होते हुए नजर आएंगे बिकॉज एच पी एडवांटेज है इनके हाथ में, जानते हैं अपोनेंट अब काफी ज्यादा वल्नरेबल है। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक मौका जरूर से मिला है, रे आर्ट को कमिट करने की कोशिश की गई थी लेकिन ब्लॉक कर लिया जाएगा। हाउएवर उसके बावजूद यहाँ पे कैपिटलाइजेशन जेफी के हाथ में रहने वाला है एंड लेके जाएंगे इस राउंड को एज वेल एज इस मैप को, दैट टर्न्स द सीरीज फॉर हिज फेवर। 3-1 का स्कोर लाइन रहने वाला है एंड दोबारा सेम हिस्ट्री रिपीट होती हुई, जेफी बीट्स इन्फर्नो स्पार्टा ऑन अ 3-1 स्कोर लाइन। इट्स गोना बी प्रिटी डेवास्टेटिंग, सेम इंसान से बार बार सेम तरीके से हारना, that has somewhere got a pinch, right? Oh, most definitely it will, because again Inferno Spara ne is bari kafi hi zyada, you know, close takkar ka mamla zarur diya, but again you're playing against Zephy and Zephy is on a rise, Zephy is on a roll, to wo itni aasani se to haar manne bhi nahi wale the, and that can be clearly showcased as history repeats itself once again in the Masters League phase 2, and Inferno Spara sadly abhi bhi it's not looking good for him because phase 2 ke andar I honestly expected that Inferno Spara at least if nothing else ek win to unko mil hi jayegi, but sadly ye to abhi tak nahi prapt ho paya, but again this is just day 12, phase 2 ki journey abhi bhi continue hoti rahegi, maybe there'll be another lucky day. Absolutely, abhi bhi mere khayal se shayad 3 matches baki hai Inferno Spara ke liye, so he will definitely have the chance to go ahead and you know make a statement. However, जितना ज़्यादा लेट होगा उस स्टेटमेंट के आने में, उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस स्टेटमेंट का एक्चुअल कोई रिजल्ट बना पाने में। एक्चुअली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड अगेन इट इज लुकिंग वेरी टफ फॉर हिम, बट उसी के साथ साथ यहाँ पे रिकैप करते हैं द मैच दैट वी जस्ट विटनेस्ड बाय गुड टाइम्स बाय किंगफिशर। जी दिस वॉज अ वेरी नाइस मूव कमिंग इन फ्रॉम जेफी, लाइक ही केम इन विद अ वेरी अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर एंड उस कैरेक्टर को लेके यहाँ पे अपने मूव सेट्स को थोड़ा सा यू नो यूटिलाइज करने की कोशिश की जेफी ने, जस्ट टू ड्रॉ आउट द प्ले स्टाइल फ्रॉम द साइड ऑफ इन्फर्नो स्पार्टा। कम्प्लीटली उसी फोकस के साथ यहाँ पे घुसे ऐसा लग रहा था, बिकॉज वंस ही लॉस्ट दिस ही न्यू एग्जैक्टली इन्फर्नो स्पार्टा क्या क्या करने के केपेबल है, क्या क्या मूव सेट्स अपने पास यू नो लेके बैठे हुए हैं, किस तरह का प्ले स्टाइल है, एंड देन अकुमा को लेके दोबारा रिंग में उतरे एंड पनिश पे पनिश दिया गया। Well, again, you know, इस पूरे के पूरे गेम के अंदर द वन थिंग दैट आई वाज नोटिसिंग वाज के इन्फर्नो स्पार्टा का गेम एक्चुअली में पहले से इम्प्रूव हुआ है, यू नो, बेस्ड ऑन जिस तरीके से फेज वन के अंदर इनके मैचेस जा रहे थे कंपैरेटिवली फेज टू के अंदर, स्पेशली नाउ इन द मिड पैक जब हम पहुंच चुके हैं ही इज डूइंग प्रीटी गुड फॉर हिमसेल्फ। लेकिन अभी भी ऑफकोर्स जैसे हमने पहले बताया था कि इनके सामने जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही ज़्यादा difficult hai, and so therefore the one thing that he's actually gaining from all of this is the experience that's making him a better player. Ji bilkul, and that experience is gonna help him kyunki next season bhi jaisa ki aapne kaha jaldi aane wala hai, and he can again participate again, make his you know stand. However, we do know ki Inferno Spider jab bahut zyada zarurat hoti hai tab zarur se step up karte hai, because he did make it through you know promotion and relegation, so you never know, next 4 matches, next 3 matches, whatever is remaining, he might just turn it into something that brings him to the land. It's very hard, but it's not impossible just yet. Well, again, land to pata nahi pahunch payenge ki nahi, lekin definitely main ye zarur chahunga that you know at least, because agar overall ranking ki baat kare to wahan pe inke paas mein 3 points matlab ek bhi win nahi hai, right? So therefore he's sitting at 0 points, and wahan pe wo bahut zyada important ho jata hai to have at least 3 points, right, compared to all the other opponents. Jaise jaise aap start karte ho, and once you get that in the bag to automatically you feel a little bit more comfortable, right? And आपको थोड़ा सा momentum boost भी मिल पाता है, but अभी again phase one से जैसा आपने बताया, right? हारते जा रहे हो, फिर भी you push on, हारते जा रहे हो, फिर भी you push on, so it takes a mental toll, I'm sure. जी, it definitely does, and I guess उस mental toll से breakthrough करना बहुत ज़्यादा difficult रहने वाले हैं. Oh well, we'll find out soon enough, because अभी के लिए हम बात करते हैं towards the overall standings itself, and Inferno Spara के 4 game यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं. उसी के साथ साथ of course when it comes down to the way his competition played, well, Zephy has pushed himself all the way to the third. तो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने जो राउंड डिफरेंस का इनको बैकलैश मिल रहा था वो इन्होंने कवर कर लिया इस गेम से, एंड नाउ ही इज़ गॉट ओनली वन फाइनल गेम रिमेनिंग. सो Zephy फॉर नाउ हैज़ मूव्ड इन टू द टॉप 4, लेकिन अब बात आ जाती है कि दूसरे जो इतने सारे प्लेयर्स हैं उनके इतने सारे जो गेम्स बचे हुए हैं वहाँ पे पूरा का पूरा Zephy का जो यहाँ पे लैंड पे आने का ड्रीम है दैट विल बी बेस्ड ऑन द अदर प्लेयर्स गेम प्ले.
Absolutely. And to be very honest, लग नहीं रहा कि वो possibility यहाँ पे रहने वाली है उनके पास. Because look at this, Lovneet and Tejan, two very strong, you know, contenders of this tournament. Yes. उनके अभी दो और तीन matches ही हुए हैं. Exactly. They have a huge chunk of matches remaining to play. And उसमें भी उनका जो stat है, that is looking pretty good. They are already in positive numbers when it comes to rounds. So I'm pretty sure कि when they play their next matches, they're gonna make their way up and Zephy कहीं ना कहीं push down जरूर यहाँ पे feel करेंगे. Oh yes. Exactly. And the only two people that I'm confused about in being top four, right, that is Shubham and Kemar Arslan. उसके अलावा I think it's already written in stone that Rohit Jain, Tejan and Lovneet are gonna be there. Absolutely, because उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने matches खेले हैं और अभी भी उनके इतने सारे games बचे भी हुए हैं. So we will see कि exactly क्या होने वाला है. अभी तो सिर्फ day 12 है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा phase 2 जो है 16 मार्च तक खत्म भी हो जाएगा. So उतना ज़्यादा time भी नहीं बचा है. पर उसके साथ अब हम यहाँ पे Tekken 7 का segment समाप्त करेंगे. We'll go on a short little break. Stick around. We'll be right back with WCC3. We'll be right back.
Kingfisher, the king of good times. हेलो एंड स्वागत है आप सबका यहाँ पे ऑफ कोर्स किंगफिश इंडिया प्रीमियरशिप के मास्टर लीग फेज 2 के डे 12 पे. यप, दैट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्ड्स राइट देयर, बट बेसिकली डे 12 हो चुका है हमारा फेज 2 के अंदर, एंड दैट मींस काफी दिन नहीं बचे हैं फॉर द प्लेयर्स टू मूव इनटू द टॉप 4, बिकॉज़ टॉप 4 ही जाएंगे हमारे लैंड पे. एंड अब हमारी शुरुआत होने वाली है WCC3 की, सो लेट्स ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस द फेलो कास्टर एंड एनालिस्ट जॉइनिंग अस ऑन द डेस्क. इट इज गोना बी अहाना वंस अगेन. सो सबसे पहले तो ये बताइए दैट WCC3, हाउ मच आर यू एंजॉयिंग द गेम? Well, I'm absolutely loving it. It's cricket after all, and cricket hum sab ki dhadkanon mein basta hai somewhere or the other. And like, I started watching long ago. I mean, it was difficult to find, you know, girl friends who would like come and watch it with you. Right. But it was still fun. Like, me and Dad, that was one of our favorite things to do, sit together and just watch cricket. Unka like leg was fractured. Right. He was on bed rest. So, bas baith ke match hi dekhte rehte the. Well, again, you know, हर एक घर के अंदर यहाँ पे ऑफकोर्स इंडिया के अंदर स्पेशली होता ही जैसे ही क्रिकेट मैच आया तो एवरीबडी सुपर एक्साइटेड, राइट. उसी के साथ साथ यहाँ पे जो WCC का जो सेगमेंट है उसके अंदर भी हम सुपर डुपर एक्साइटेड जरूर हैं, बिकॉज जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ही बड़े वेल अगेन फेज 2 के अंदर काफ़ी बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं एक्चुअली कम्पेयर टू फेज 1. पर अभी यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मैट के बारे में, बिकॉज फॉर्मैट जो है वो यहाँ पे ये दर्शाने वाला है दैट जैसा मैं पहले बता रहा था मास्टर लीग फेज 2 के अंदर You have only a few select days remaining. March 16 तक यहाँ पे ऑफकोर्स चलने वाला है हमारा phase 2. And that means that जो selected matches बचे हुए हैं यहाँ पे players के who are not doing well, उनको बहुत ही ज़्यादा जोर शोर जो मर्जी करके they have to be able to capitalize and get the wins अगर उनको land finale पे पहुँचना है. Land finale पे क्यों पहुँचना है? Well, एक तो experience, एक ऑफकोर्स you're right there in the moment. Plus the money part, that is also another big part that is of course being rolled over for all of these 8 players. So agar money ke bare mein baat karte hain to prize pool ki taraf aage badhenge jahan pe 2,10,000 ka yahan pe prize pool set kiya hai for the winter season. Ahana, absolutely, and that is quite a lot of money, specifically if you are playing a game like WCC3, like matlab you're doing what you like, you're doing what you love, and it's paying for you. Why not? Indeed. Because यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं मास्टर लीग फेज 1 and 2 के अंदर 40,000 रुपए डिवाइड कर दिए गए हैं, बट लैंड फिनाले पे 1,65,000 रुपए. सो दैट इज क्वाइट अ लॉट. 1,65,000 बिटवीन 4 पीपल इज क्वाइट अ लंप सम, एंड सिर्फ 2 ओवर खेलने हैं आपको, एंड 12 गेंदों के अंदर बहुत जोरों शोरों से अपने यहाँ पे रन बहुत ज़्यादा बढ़ाइए, एंड जितना ज़्यादा आप यहाँ पे ऐसा खेलोगे तो उतना ही ज्यादा दूसरे जो आपके प्लेयर्स हैं वो डरेंगे भी आपसे प्रॉब्ली. जी बिल्कुल, एंड वो खौफ यहाँ पे फिलहाल तो तेजस मेहरा ने सबसे ज्यादा बना के रखा हुआ है. जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑफ कोर्स ओवरऑल रैंकिंग की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे जो स्टोरी बोर्ड है वो भी कहीं ना कहीं यही दर्शाएगा दैट तेजस मेहरा, जैसे यहाँ पे एडन ने बताया, इज द प्लेयर हु इज लीडिंग द चार्ज. उनके सिर्फ 2 गेम यहाँ पे बचे हैं लेकिन 12 अंक उन्होंने कमा लिए हैं अभी तक, एंड नेक्स्ट टू हिम is only 6. So there is no comparison. Tejas Mehra to guaranteed wahan pahunch chuke hain land finale pe. Ab bas ye dekhna hai ki dusre players unke takkar ke kaun hone wale hain. Ji bilkul. And well, just to remind the audience, phase 1 mein jo final standings aayi thi unme Sameer Arora was on position 3 and Sharma was on position 7. Right. And aaj ka game agar Sameer Arora jeette hain तो दोबारा से सेम एग्जैक्ट स्टैंडिंग्स दोनों की हो जाएगी. समीर अरोड़ा विल क्लाइंब अप वन पोजीशन एंड शर्मा विल बी गोइंग डाउन वन पोजीशन, इक्वलाइजिंग टू द प्रीवियस यू नो स्कोर लाइन. वेल आई मीन अगेन आई कैन से एंड अग्री विद यू दैट मे बी समीर अरोड़ा का यहाँ पे दिन होगा एंड वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से गेम जीत के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन शर्मा जो है उनके 6 अंक है तो वो नीचे तो नहीं गिरने वाले अभी तो नहीं, एटलीस्ट डिपेंडिंग कि उनके नीचे वाले जो प्लेयर्स हैं वो कैसा खेलते हैं. अगर वो अच्छा नहीं खेलते तो वेल ऑटोमेटिकली शर्मा इज गोइंग टू बी ऑन द 6th स्पॉट, व्हिच अगेन इज अ गुड थिंग, राइट. बिकॉज ये मैं पहले भी बताने वाला था, प्राइस पूल के अंदर अगर आप नीचे हैं 4th से 5th, 6th, 7th, 8th पे हैं तो प्राइस पूल के अंदर हमने ये बात करी थी दैट मास्टर लीग फेज 1 and 2 कंबाइंड 40,000 रुपए का प्राइस पूल है. सो 5th, 6th, 7th, 8th पोजिशन वाले प्लेयर्स को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑफकोर्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. सो बींग अ टॉप ऑन द 6th इज मच बेटर देन बींग डाउन साउथ ऑन द 8th. That's true. काफी you know, काफी ज्यादा साथ उनका नसीब ने भी यहाँ पे दिया था. अब अगर उस पे वो खुद भी कैपिटलाइज कर लें तो बहुत अच्छे से you know, एक अच्छी पोजीशन अपने लिए अक्वायर कर सकता है. Absolutely. But उसी के साथ में Aiden, the first question that I have is that of course यहाँ पे BO3 का सीरीज होने वाला है. What exactly are you expecting the final result to be? 2-1
Or is it a clear-cut 2-0? Do you want me to sugarcoat it or do you want me to be honest? Well, let's be honest. 2-0, Sharma loses. Oof. Okay, and well, I feel very bad saying that because I'm another Sharma. Well, we'll find out. We shall find out. Let's jump into the game. And yahan pe, of course, toss. किची क्षण शुरू होने वाला है. यस इट डज स्टार्ट राइट देयर. एंड यहां से हमें पता चल जाएगा कौन होएगा बैटिंग पे, कौन करने वाला है बॉलिंग टू स्टार्ट विद. जी बिल्कुल, यहां पे शर्मा ने टॉस जीता है तो शर्मा विल गेट द चांस टू चूज व्हाट ही डज. एंड वेल देयर वी सी प्लेयर्स अभी फील्ड को अक्वायर करने वाले हैं एंड समीर अरोड़ा बैटिंग पे उतर चुके हैं. वी ऑलरेडी हैव कबीर ऑन द लाइन. एंड बोलिंग के लिए यहाँ पे शर्मा ने पिक किया है राइट आर्म फास्ट बोलर को. अपनी फील्ड को यहाँ पे बहुत जल्दी से एडजस्ट कर लेंगे. एंड वेल लुक एट दिस, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे शर्मा की फील्डिंग लाइनअप पे देखने को मिल रहा है. पिछली बार तक उन्होंने थर्ड मैन पे दो फील्डर्स लगा रखे थे एंड इस बार ओके ही स्विचिंग इट अराउंड. दोबारा से सेम सेटअप पे ले आए अपने फील्डर्स को. वेल फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें लग नहीं रहा कि यहाँ पे शर्मा को खास ऑप्शन मिलने वाला है. ही वेंट इन एंड वेल एक छक्के के साथ यहाँ पे अपने लिए एक बहुत अच्छा उद्घाटन इस गेम के लिए कर चुके हैं समीर अरोड़ा जी. जी जी, उद्घाटन तो देखिए काफ़ी बढ़िया हो गया है. समीर अरोड़ा जी ऐसे प्लेयर है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है ऑफकोर्स, तो एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर खेलेंगे और एक्सपीरियंस के साथ बल्ला घुमाएंगे. जी बिल्कुल, दूसरी गेंद आती हुई यहाँ पे अगर रुख नहीं बदलता है तो समीर अरोड़ा का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिल जाएगा. एंड एक चौके के साथ 10 रन दो ही गेंदों में यहाँ पे अपने लिए ऑलरेडी कैपिटलाइज कर लिया. अगर इस रफ्तार से चलते रहे तो ही माइट बी एबल टू सिक्योर अ वेरी गुड टारगेट, जो चेस करने में शर्मा का थोड़ा डिफिकल्टी वाला सिचुएशन रहेगा. अभी तो ये देखिए अगली गेंद आती हुई तीसरी गेंद होगी. ये ओवर की ऑलरेडी 10 रन तो बन चुके हैं मगर इस बार लॉन्ग ऑन पे की तरफ खेलने का प्रयास और उस बार होंगे फील्डर तैनात. इसके वजह से ज़्यादा रन तो नहीं आएगा, सिर्फ एक रन के साथ संतुष्टि. जी बिल्कुल, इनके मोमेंटम को यहाँ पे ज़रूर से तोड़ने की कोशिश की गई है एंड जो गति का बदलाव यहाँ पे शर्मा की तरफ से आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिंग है इस चीज़ में. एक लंबी सी गेंद दोबारा से फेंकी जरूर गई लेकिन इट्स नॉट गोना अमाउंट टू एनीथिंग. दोबारा से रनिंग बिटवीन द विकेट से काम चलाना पड़ेगा एंड एक और चिल्लर में मिला हुआ रन इनके पास आएगा. एग्जैक्टली, और अब आएगी हमारी थोड़ी सी यहाँ पर फील्डिंग स्टांस में चेंज. जानते हैं कि देखिए बैट्समैन यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं कि फील्डिंग्स के बीच में से शॉट्स निकाले. लॉन्ग रन की तरफ भी एक शॉट खेला था, इसकी वजह से जैसे कि हमने देखा था थोड़ी यहाँ पर फील्डिंग भी चेंज करते हुए नजर आए थे. मगर ये देखिए बढ़िया सा सीधा 6 रन सीधा बल्ले पे आकर बॉल रुकी थी, उसके वजह से समीर अरोड़ा ने सीधे बल्ले घुमाए और एकदम एग्जैक्टली 6 रन इनके हाथ में आ चुके. 5 गेंदें हो चुकी, 18 रन बन चुके हैं. जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा ऑफ साइड का शॉट था वो जो एक छक्के में कन्वर्ट हुआ है एंड इस बार लेग साइड पे भी छक्का मार चुके हैं. ही इज़ गोना मेक श्योर कि दोनों ही जहानों में उनका बोलबाला यहाँ पे रहे. फिलहाल के लिए बहुत अच्छे स्कोर लाइन के साथ अपने आप को पहुंचा चुके हैं आगे एंड इट लुक्स लाइक 24 रन्स ऑलरेडी इन वन ओवर इज़ अ गुड स्कोर टू गो अहेड विद. शर्मा इस ओवर में कुछ चेंजेस ज़रूर लाना चाहेंगे, ही विल वांट टू मेक अ डिफरेंस लेकिन यहाँ पे कैच नहीं होने वाला है. वो एक हल्का सा टप्पा जो बीच में पड़ गया दैट इज गोना प्रिवेंट द विकेट लेकिन जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स है वो यहाँ पे नहीं हुई है. 24 रन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, दूसरी ओवर का पहले गेंद भी हो चुके हैं, इसका मतलब अब दूसरी गेंद आएगी यहाँ पर. और जैसे कि हम देख सकते हैं शर्मा जी की कल तो पारी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल सी वे में एंड हुई थी मगर शर्मा जी अपने आप को रिडीम करना तो ज़रूर चाहेंगे. और एक और समीर अरोड़ा जी तो यहाँ पर धो रहे हैं, शर्मा जी कुछ भी नहीं कर पा रहे, बार बार चौके छक्कों की बरसात आ रही है. जी बिल्कुल, दोबारा से एक बार बल्ला उठा दिया गया है एंड इस बार फाइन लेग की तरफ शॉट लिया जरूर जाएगा लेकिन इट्स नॉट गोना कन्वर्ट इनटू मच. एक रन मिलेगा इन्हें यहाँ पे सिर्फ, 31 का स्कोर लाइन, स्टिल नॉट बैड. 3 गेंदें और बाकी हैं एंड इसमें भी एक अच्छा क्रॉस हो सकता है ओवर 40. चांस है, देखिए अगर एक और यहाँ पर 6 रन मिल जाते हैं सीधा बाउंड्री के बाहर गेंद जाती है देन चांस है कि 40 तक पहुँच जाए. मगर समीर अरोड़ा ऑलरेडी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक कंफर्ट जोन के अंदर पहुँच चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा रन ऑलरेडी बना चुके हैं. मगर इसी के साथ जैसे मैं बात कर रहा था, मैंने एक बात की थी कि अगर 6 रन मिल जाए देन चांस है कि 40 तक भी पहुँच जाए. 37 रन तो यहीं पर बन चुके हैं, अब बस चाहिए 3 और रन, इसका मतलब 3 रन के बाद 40 रन को भी छू देंगे. जी बिल्कुल, एंड दो आखिरी गेंदें बची है इनके हक में.
शर्मा इस बार बहुत ज़्यादा संभल के खेलना चाहेंगे, वॉन्ट टू मेक श्योर कि यू नो थोड़ा सा ल्योर किया जाए बैट्समैन को एंड उसी तरह से अपने फील्डर्स की तरफ हिट लगवाने की कोशिश की जाए ताकि एक विकेट निकाल सके या फिर एटलीस्ट डॉट बॉल डाल सके। फिलहाल के लिए एक काफ़ी ज़्यादा यू नो शॉर्ट लेंथ की बॉल डाली है एंड कोई अमाउंट नहीं निकला उसका। शॉर्ट सिलेक्शन में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत होगी, समीर और अजीब गेंद को भाप नहीं पाए, सोचा था कि मे बी एक लो पेस के साथ गेंद आएगी मगर वैसे नहीं था, गेंद की पेस भी काफी ज्यादा मीडियम थी उसकी वजह से उसका शॉट सिलेक्शन खराब हो गया मगर फर्क नहीं पड़ता। एंड में एक और 6 रन के साथ यहां पर क्लोज आउट कर देंगे पिछली इनिंग्स को और इसका मतलब 44 रन्स टू विन यहां पर शर्मा जी के लिए सिर्फ 2 ओवर में। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा है शर्मा जी को थोड़ा सा चेस करने में दिक्कत तो आती है, देखना पड़ेगा कि इस बार किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। किशन आने वाले हैं उनकी तरफ से बैटिंग के लिए एंड ही इज़ गोना बी ऑन द क्रीज, उनके साथ में अनूप एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं। लेट्स सी किस तरह का गेम यहाँ पे इनकी तरफ से देखने को मिलता है। दोबारा से राइट आर्म फास्ट बॉलर कमिंग इन फ्रॉम दिस साइड ऑफ अरोरा। शर्मा जी के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर चिंतित हूँ, देखिए बिकॉज जिस तरीके से इनकी बॉलिंग गई है ना, अगर उतनी ही बढ़िया इनकी बैटिंग नहीं गई ना देन प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए बिकॉज बॉलिंग तो इनकी काफ़ी ख़राब गई है, अब इन्हें चाहिए एक बढ़िया बैटिंग। अब बढ़िया बैटिंग अगर यहाँ पर नहीं हुई देन जो लक्ष्य है वो तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो उसको बस भूलना पड़ेगा। पहली गेंद बहुत बढ़िया थी, गति में परिवर्तन, ऐसा दिखाया कि शॉर्ट पिच गेंद डाल रहे थे मगर नहीं, गति थोड़ी सी धीमी कर दी, इसके वजह से सीधा पैर पर जाके बॉल टकराई। जी बिल्कुल, इस बार एक लंबी रेंज की यू नो बॉल यहाँ पे फेंकी जाएगी लेकिन इसका कैच होना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। हाउएवर रनिंग बिटवीन द विकेट्स से इतने ज़्यादा रन्स नहीं मिल पाते हैं आपको कि आप एक 44 जैसे लक्ष्य को चेज कर पाएँ, तो उस एक रन से यहाँ पे खुश रहना पड़ेगा फिलहाल शर्मा जी को एंड थोड़ी और मेहनत भी करनी पड़ेगी टू एक्चुअली कन्वर्ट इनटू समथिंग। खोल के मारने की प्रयास थी मगर प्रॉब्लम ये हुआ कि हाथ तो खोलने का ट्राई किया था मगर गलती से सीधा फील्डर के हाथ में गेंद दे बैठे। देखिए जानते हैं कि मुझे अब कुछ भी करके बढ़िया और एक अच्छा सा परफॉर्मेंस देना है मगर प्रॉब्लम ये हुआ कि वो शॉट सीधा फील्डर के हाथ में जा गिरा। जी बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें ज़रूर हो रही है शर्मा जी को, बट देखना पड़ेगा कि क्या ये शर्मा जी के बेटे वही कर पाएंगे जो सारे शर्मा जी के बेटे कर रहे हैं। लेकिन इन्हें अरोड़ा जी की नाक में दम करने की ज़रूरत है फिलहाल, बट अभी तक तो नाकामयाब नज़र आ रहे हैं। एक छक्का ज़रूर आएगा इनकी तरफ से, एक अच्छी ओपनिंग यहाँ पे इनके लिए क्रिएट ज़रूर हुई है, बट विल ही बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट क्योंकि फिलहाल बहुत ट्रेल बिहाइंड कर रहे हैं। 24 रन बन चुके थे अरोड़ा जी के पहले ओवर में और इनके 4 गेंदों में सिर्फ 7 बने हैं। हमने पहले ही कहा था शर्मा जी को बहुत ज़्यादा रिसर्च की यहाँ पर ज़रूरत है, थोड़े और ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा WCC के अंदर तब जाके ये कुछ कर पाएंगे। फिलहाल तो शर्मा जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फेज टू के अंदर इन जनरल और ये देखें सीधा फील्डर के हाथ में कैच और फील्डर ने भी स्वैग के साथ पकड़ा एक हाथ में, क्या ही कहे। वेल काफ़ी ज़्यादा ऊंधा प्रदर्शन यहाँ पे समीर अरोड़ा जी की तरफ से, शर्मा जी काफ़ी दिक्कतों में एंड अब तो ये लक्ष्य लाइक इम्पॉसिबल टू कैचअप हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी डबल डिजिट हिट नहीं किए शर्मा जी ने अभी तक, सो ही हैज़ मोर देन यू नो 36 रन्स टू गो फॉर, नॉट गोना वर्क आउट फॉर हिम एट ऑल। जी अब यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंद डालने की कोशिश थी मगर वापस शॉर्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। शर्मा जी आपको काम तो करना पड़ेगा अपनी स्किल्स पर, यह तो तय है मगर कितना काम करना पड़ेगा ये तो इस मैच के बाद ही पता चलेगा बिकॉज अभी तक जितनी भरपाई आपको करनी पड़ी है ना रन्स की वो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। देखिए सिर्फ 8 रन बने हैं, दूसरी ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर शुरुआत होने वाली है और आपके सिर्फ 8 रन बने हैं शर्मा जी, अब आपको खोल कर खेलना पड़ेगा। जी वेल, यहाँ पे आपकी बात सुन तो ली, उन्होंने दोबारा से शॉट लगा तो दिया है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लेकिन ये शॉट सीधा का सीधा कैच में कन्वर्ट होगा। फील्डर्स की पोजीशनिंग का जो अवेयरनेस है वो शर्मा जी की तरफ से बहुत ज़्यादा कम हो रहा है एंड ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन सेलेक्टिंग द शॉट्स, बहुत कम रन उनकी तरफ से आ रहे हैं। अगले गेम में तो मेरे ख्याल से शर्मा जी अगर पहली बैटिंग भी कर लेंगे तो फिर यू नो सारे ओवर्स खेलने भी नहीं पड़ेंगे अरोड़ा जी को। जी देखिए अब ओवर के बारे में क्या होगा वो तो पता नहीं है मुझे मगर अब यहाँ पर शर्मा जी क्या करेंगे वो मुझे जानना है बिकॉज फेज टू के अंदर देखिए गंभीर वातावरण तो है मगर इस वातावरण के साथ आप अगर डील नहीं कर पाते हैं देन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यू नो बिकॉज आप जब नए आते हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए आप कोई नई कंट्री में जा रहे हो, दुबई में जा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर,
तो और आप रहते थे इमेजिन करिए स्विट्जरलैंड में जहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होती है और आप सीधा दुबई में गए तो बहुत ज्यादा अचानक से हीट बढ़ जाती है, आपको समझ में आता क्या करे, आपको ऐसा लगता है कि आप एसी के अंदर जाके बैठे हर बार। तो अभी फिलहाल शर्मा जी के साथ वैसा हो गया, शर्मा जी स्विट्जरलैंड से आकर बैठे दुबई में, तो बहुत ज्यादा हीट है फिलहाल, डूब हीट इनसे हैंडल नहीं हो रही, उसके वजह से बार बार विकेट गंवा रहे और रन नहीं बन रहे। जी बिल्कुल, दोनों ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं एंड शर्मा जी का गेम भी 34 रन से यहाँ पे अरोड़ा जी जीत चुके हैं। 34 रन इतने कई लोग पूरी पारी में बनाते भी नहीं है जितने से ये जीत चुके हैं। अरोड़ा जी आई मीन कुशन की अगर बात की जाए तो इनके पास पूरा का पूरा पलंग है और बहुत ही ज्यादा कुशन है। देखे इनके पास एक तो ऑलरेडी इनके पास आ चुका है, इसका मतलब एक और चाहिए, उसके बाद ये पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अभी शर्मा जी के पास ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है शर्मा जी को। समीर और राजी ऑन दी अदर हैंड भाई देखिए ये प्लेयर जैसे मैंने मेंशन किया था बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जब भी आते हैं मार के खेलते हैं तो बहुत बढ़िया खेलते हैं इन जनरल। तो समीर और राजी एक्सपीरियंस के साथ इनकी बल्लेबाजी क्या ही बढ़िया थी, इनकी गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया रही है और शर्मा जी हक्के बक्के रह गए। जी बिल्कुल, हाउएवर शर्मा जी ने एक काम तो ज़रूर से कर दिया, उन्होंने नया रिकॉर्ड यहाँ पे सेट कर लिया। 9 रन में किसी ने 9 रन जितना छोटा स्कोर लाइन नहीं क्रिएट किया है 2 ओवर्स में, सो कूडोस टू हिम फॉर दैट। दैट्स द लोएस्ट स्कोर लाइन वी हैव सीन इन ऑल ऑफ WCC3। सो या जो भी छोटी मोटी खुशियाँ उन्हें हम दे सकते दे देते। देखिए अब आए हैं कबीर उनके ओपोनेंट की तरफ से, लास्ट टाइम इन्होंने ही बहुत ज़्यादा धोया था, वापस क्या यही देखने को मिलेगा, वापस इतिहास दोहराएगा या नहीं ये तो हमें अभी पता चलेगा। सिमिलर से फील्डिंग है जो लास्ट टाइम हमने स्टांस देखा था, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ भी लगाया हुआ है इन्होंने प्लेयर, बाकी ज़्यादा देखिए डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट की तरफ भी प्लेयर्स तैनात है, फाइन लेग की तरफ भी एक प्लेयर तैनात है, ऑफ साइड की तरफ अब दो लगा देंगे, इसका मतलब लॉन्ग ऑफ की तरफ से जो प्लेयर था वो हटा चुका है, इसका मतलब लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पूरे के पूरे ओपन है एंगल्स है जहाँ पर आप अपने शॉट्स खेल सकते हो और मे बी आपको एक चौका भी मिल जाए। जी बिल्कुल, कोशिश तो की गई थी लेकिन इस बार फील्डर तैनात थे तो चौके में तो नहीं कन्वर्ट होने वाला है, लेकिन दोबारा से फील्डिंग थोड़ी सी चेंज अप करने की कोशिश की जा रही है। हाउएवर रिक्वायरमेंट नहीं था, अलग ही तरफ शॉट गया था, अलग ही तरफ की फील्ड को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन एनी केस दूसरी गेंद का आगाज यहाँ पे होने वाला है। शगुन का एक रन तो पहली बॉल में निकाल चुके हैं अरोड़ा जी, इस बार क्या करते हैं देखना होगा। ऑफ साइड पे यहाँ पे उठाया जरूर गया लेकिन दैट इज गोना कन्वर्ट इनटू अ विकेट। ओ शर्मा जी ऐसा लग रहा है इस बार क्रिप्टोनाइट हाथ लग चुका है और इस बार शर्मा जी जिस तरीके से रोक रहे हैं ना समीर अरोड़ा जी के एक्सपीरियंस को, ऐसा लग रहा है पहला मैच पूरा का पूरा एक ट्रायल मैच जैसे था, ट्रायल लिया समीर अरोड़ा की प्ले स्टाइल का, किस तरीके से खेलना जानते हैं, किस तरीके की शॉट सिलेक्शन है और अब एटलीस्ट दूसरी ओवर के अंदर तो काफ़ी बढ़िया स्कोर नज़र आ रहा है हमें। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रखी हैं यहाँ पे समीर अरोड़ा जी के रस्ते में इस बार शर्मा जी ने, देखते हैं कि वो एक अच्छा स्कोर लाइन सेट भी कर पाते हैं या नहीं, बट अभी के लिए तो एक रन से खुश रहना पड़ेगा उन्हें। एक रन पे एक विकेट, दो बॉलें हो चुकी हैं, बुरी हालत है अभी अरोड़ा जी की। बुरी हालत तो यहाँ पर अरोड़ा से ज़्यादा मैं बोलूँगा शर्मा जी की है। देखिए इवन दो अरोड़ा जी का बल्ला अभी फिलहाल तो नहीं चल रहा है मगर इनके पास गेंदे काफ़ी है और ट्राई कर सकते हैं। देखिए पहली ओवर के अभी भी 3 गेंदे बाकी है, 3 गेंदों के अगर मान लीजिए 2 चौके भी आ गए तो भरपाई तो हो ही गई है। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा एक स्कोर सेट करने का मौका तो इनके पास अभी भी है बिकॉज गेंदें बहुत सारी बाकी हैं। बहुत अच्छे से उठाया है एंड बिल्कुल जोर से एक छक्का लगाया है, लेग साइड पे खेली गई है गेंद, बहुत ही अच्छा परिणाम लेके आएगी एंड अब एक रन के 11 हो चुके हैं। क्या ही बढ़िया शॉट मारा है इन्होंने, एक और बार वापस लॉन्ग की तरफ खेलने का ट्राई किया था मगर वहाँ पर एक फील्डर तैनात था लॉन्ग ऑन की तरफ। 5 गेंदें हो चुकी है भी बाकी, अगर यहाँ पर छक्का लग जाता है देन शर्मा जी का स्कोर काफ़ी बढ़िया बन जाएगा। देखिए और जैसे मैंने कहा था शायद वैसा ही हो सकता है, छक्का तो नहीं लगेगा लगत मगर चौका तो लग चुका है, इसका मतलब 15 रन एक ओवर में, स्कोर काफ़ी बढ़िया है, देखिए डिसेंट सा स्कोर यहाँ पर बना लिया। जी बिल्कुल, 15 रन एक ओवर में नॉट बैड एज लॉन्ग एज ही इज एबल टू कंटिन्यू द मोमेंटम ऑन द नेक्स्ट वन, बट दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, लेट्स सी इस ओवर में क्या हाल रहता है शर्मा जी का एंड किस तरह से उभर के आते हैं अरोड़ा जी, बिकॉज फिलहाल तो शर्मा जी थोड़े इनकंसिस्टेंट लग रहे हैं, लाइक कोशिश भी कर रहे हैं अगर थोड़ी अच्छी बॉलिंग की थोड़ी अच्छी फील्डिंग की तो वो बहुत इनकंसिस्टेंट रह रही है एंड उनको खास कोई परिणाम मिल नहीं पा रहा क्योंकि जहाँ भी भूल करते हैं वहीं पर एक बुरा छक्का या चौका उनके मुँह पर आके पड़ता है। देखिए
सातवीं गेंद भी हो चुकी है, इसका मतलब दूसरी ओवर की पहली गेंद हो चुकी है। अब दूसरी गेंद आई थी मगर सीधा हवे में दिखेगी, क्या ही डिलीवरी तो अच्छी थी मगर उसके ऊपर जो शॉट खेला गया था ना वो बहुत बढ़िया था। अब तीसरी गेंद आएगी दूसरे ओवर की। जी बिल्कुल, चौका यहाँ पे निकाल लिया गया है दोबारा से समीर अरोड़ा जी के द्वारा, फिर से एक बार बहुत जोर से उड़ाई गई है। इस बार पक्का ऑडियंस के बीच में जाने वाली है ये गेंद, एंड दैट इट इज 6 लगेगा यहाँ पे इनकी तरफ से। एंड मेरे ख्याल से अब हो चुका है गेम खत्म शर्मा जी के लिए, इट्स ऑलरेडी डन एंड डस्टेड। अब तो देखिए, अब तो मॉलिश हो रही है। दूसरी ओवर के तीन रन, तीन बॉल बाकी है, तीन गेंदे बाकी है, एक और गेंद यहाँ पर थोड़ा सा प्रयोग करना चाहते हैं, गति में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं शर्मा जी, मगर कैसी भी गेंद डाले हर बार समीर अरोरा एक बड़े शॉट खेलकर उस गेंद को काउंटर कर रहे हैं, मगर इस बार वैसा नहीं हो पाएगा। शर्मा जी की तरफ से एक बहुत बढ़िया गेंद आई थी जिसके वजह से समीर अरोरा एक और विकेट यहाँ पर गवा बैठेंगे। जी बिल्कुल, हाउएवर जैसा आपने कल कहा था विकेट्स की यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, विकेट लूज करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज द बॉल दैट यू वेस्ट इन डूइंग दैट, क्योंकि आपके पास गेंदें बहुत कम है एंड रन अच्छे खासे बनाने होते हैं टू एक्चुअली मेक समवन प्रेशराइज्ड। यहाँ पे दोबारा से एक बढ़िया सी बॉल आएगी, घुमा के बल्ला उठाया जाएगा एंड दोबारा से छक्का मारने की कोशिश, सिर्फ चौके में तब्दील हो पाएगा लेकिन गुड इनफ फॉर अ स्टार्ट। बहुत बढ़िया, देखिए चौका आया है और जैसे कि आप देख सकते हो एक और आखिरी गेंद बाकी है, 30 रन बन चुके हैं समीर अरोरा जी। एक्सपीरियंस तो इनके पास काफ़ी सारा है मगर उस एक्सपीरियंस पर डिलीवर भी कर पा रहे हैं। देखिए एक और बढ़िया गेंद तो आई थी मगर गेंद सीधा हवे में उछाली है और बाउंड्री के उस पार चौका। जी बिल्कुल, यहाँ पे 35 रन का टारगेट दिया गया है शर्मा जी को दो ओवर्स में। पिछला गेम जैसा रहा था उस तरह से कंसिस्टेंट ना रहे तो शायद मुमकिन भी है, लेकिन शर्मा जी है तो मुश्किल तो ज़रूर है। देखिए कोई भी चीज़ मैंने ज़िंदगी में सीखी नामुमकिन तो नहीं होती। जी बिल्कुल, अनलेस वो एक कोई फिक्शनल चीज़ है जो आप लगा के बैठे सुपर पावर्स वगैरह दें तो वो ऑफकोर्स, मगर जी हाँ जो चीज़ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के अंदर है वो चीज़ नामुमकिन नहीं है। देखिए अभी भी चांस है यहाँ पर कम बैक करने का और कम बैक कर सकते हैं, ठीक है, अनलेस जो लास्ट टाइम जैसा खेला था और अभी तक जैसे खेलते आ रहे वैसा खेल देते हैं सब कुछ यहाँ पर ख़राब हो सकता है। तो इसका मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा खेल लो। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जी, हमें देखिए सत्य है, फेज टू है, हमें क्रिटिकल तो होना पड़ेगा। हम कब तक मतलब कहेंगे ओ आपके पास चांस है आपके पास टाइम है, नहीं भाई आपके पास समय नहीं है और यही तो प्रॉब्लम है, आपको जगना पड़ेगा और अगर जग गए हो तो खड़े हो जाओ। ओके वेल, फिलहाल के लिए एक शॉट लेने की कोशिश की गई है लेकिन चौके पर पहुंच जाएगा, दोनों के दोनों फील्डर्स थोड़ी सी आपस की मुठभेड़ में यहाँ पे भिड़ गए एंड कोई भी पहुंच नहीं पाया उस बॉल तक। अ बेनिफिट फॉर शर्मा जी नॉनदलेस। देखिए अब ये मैच तो आई नो कि वन साइडेड हो रहा है मगर फिर भी काफ़ी रोमांचकारी है और अनफॉर्चुनेटली इनके हमें फिलहाल तो वेबकैम्स एक्सप्रेशंस दिखाई नहीं दे रहे, नहीं तो समीर अरोरा जी के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं ना बहुत लाइवली फील कराते हर एक इंसान को। एक्सपीरियंस है उसके वजह से जानते हैं कि कितनी एक छोटी सी गलती से कितना बड़ा डिफरेंस बन सकता है स्कोरबोर्ड के अंदर। मगर ये देखिए शर्मा जी के पास 5 रन हो चुके हैं, उसमें से एक गेंद पर उन्होंने चौका मारा था, दूसरा गेंद वाइड गया। जी बिल्कुल, अभी 5 और गेंदें इस ओवर में रहने वाली है उनके पास कैपिटलाइज करने के लिए। लेट्स सी कैसा उनका प्रदर्शन यहाँ पे रहेगा, बिकॉज जितनी अच्छी रीड होती जाएगी समीर अरोरा जी की उतनी ज़्यादा दिक्कतें पड़ेगी, ये सीधा फील्डर के हाथों में विकेट यहाँ पे निकल जाने वाला है एंड शर्मा जी दिक्कत होगा। बिल्कुल, क्या ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर गेंद को सीधा हाथ में लपका है, क्या ही बढ़िया कैच थी। अब आएंगे हमारे अनूप भाई, इनकी तरफ से शर्मा जी की तरफ से अनूप भाई आएंगे और लास्ट टाइम भी आए थे अनूप जी, ज़्यादा स्कोर यहाँ पर नहीं स्कोर कर पाए। शर्मा जी अब चाहेंगे जो ऑफ फॉर्म में प्लेयर्स चल रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्म करें। दो गेंदें हो चुकी समीर अरोरा जी की, समीर अरोरा जी की गेंदबाजी से नथिंग टेकन हुए, क्या ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। देखिए गति में मिश्रण लाया था इस बार मगर उस चीज़ को भी भाप दिया है, क्या ही बढ़िया कैच पकड़ा है समीर अरोरा जी की फील्डिंग और जितनी फुर्ती है इन प्लेयर्स के अंदर, ऐसा लग रहा है कि ये प्लेयर्स आज किंगफिशर स्ट्रॉन्ग पावर सोडा पीकर आए। जी बिल्कुल एंड वेल अगर ये शेयरिंग इज कैरिंग में बिलीव करते हो और थोड़े से घूंट शर्मा जी के प्लेयर्स को भी दे दें तो शायद शर्मा जी के प्लेयर्स थोड़ा अच्छा डिलीवर कर पाए यहाँ पे,
बट फिलहाल तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलों में नज़र आ रहे हैं। 5 रन हुए हैं, 4 गेंदें ऑलरेडी निकल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों वाला माहौल इनके लिए, एंड इसी के साथ एक डॉट बॉल, नथिंग गिवन अप। 4 गेंदें हो चुकी है 2 विकेट के नुकसान पर, अब शर्मा जी को जगना पड़ेगा। 4 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 5 रन बने हैं यहाँ पर। समीर अरोरा जी, अब 5वीं गेंद भी हो चुकी है, शर्मा जी जग जाइए। ओह नो, प्रॉब्लम है तो जी, बिल्कुल थोड़ा सा बाहर की तरफ इस बार गेंद को डाला जाएगा। नाइस, एंड इसका कैपिटलाइजेशन कर लिया है शर्मा जी ने, छक्का यहाँ पे निकलेगा उनके बल्ले से, एंड उनके स्कोर बोर्ड को दिखाएगा थोड़ी सी डबल डिजिट्स वाली उम्मीद, बिकॉज पिछली बार तो सिंगल डिजिट पे पूरे ओवर्स इनके खत्म हो गए थे। देखिए जैसे मैंने बोला था, अब इन्हें खुलकर खेलना पड़ेगा, और वो तभी खेल पाएंगे जब अपनी मेंटालिटी को रिसेट कर पाएंगे, और जो सारे के सारा जो इनका मनोबल फिलहाल नीचे गिर चुका है, उन्हें वो वापस ऊपर लाना पड़ेगा। उसके लिए यूजुअली यू नो टीम्स के अंदर कोचेस होते हैं, मगर WCC एक ऐसा गेम है ना जो हर एक सोलो प्लेयर होता है, तो कोच आप तो रख नहीं सकते, तो आपको ही अपना कोच बनना पड़ता है। हर बार सोलो गेम के अंदर वैसा ही होता है, आपको ही अपना कोच बनना पड़ता है, और आपको ही खुद को अपनी मेंटालिटी को रिसेट करना पड़ता है, बिकॉज आपका कैप्टन कोई नहीं होता, आप खुद ही आपके कैप्टन होते हैं, आप खुद अपना गेम चला रहे हो, और अगर आप खुद इतने सक्षम नहीं हो पाओगे कि अपनी मेंटालिटी को रिसेट नहीं कर पाओगे, देन प्रॉब्लम तो बनेगी, और फिलहाल शर्मा जी के साथ वही होते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल, काफी तेज रफ्तार की गेंद यहाँ पे आई, एंड एक ही हाथ से इस गेंद को रोक लिया जाएगा, एक कैच आउट के साथ अंपायर की उंगली यहाँ पे उठेगी। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर शर्मा जी। दूसरा ओवर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पर इनकी नींद पूरी नहीं हो रही। अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे चीजें दिखेगी, और जैसे कि आप देख सकते हो 12 गेंदें ऑफकोर्स टोटल होती है यहाँ पर, उनमें से 8 गेंदें तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब 9वीं गेंद भी होगी, इसका मतलब वो तो कैच आउट हो गया, अब तो इम्पॉसिबल है। देखिए शर्मा जी एक और मैच हारते हुए, मगर जैसे कि आपने भी कहा था, यू नो इन्हें 2 फोरफिट मिल चुके हैं, 2 फोरफिट मिले थे, तो उसके साथ ये आगे भी बढ़े थे ओवरऑल रैंकिंग्स के अंदर, मगर अब जिस तरीके से इनका रन रहा है ना, जितनी तेजी से ऊपर बढ़े थे उतनी तेजी से नीचे भी गिर जाएंगे, तो अब उन्हें कहीं तो अपना मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। भाई देखिए, आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, आपको गेम के अंदर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरीके से आप खेल रहे हो ना, मुझे नहीं लगता आपके बेसिक्स भी ज़्यादा स्ट्रांग है। एब्सोल्युटली, यहाँ पे शर्मा जी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत जो हमें देखने को मिल रही है, दैट इज़ कि उनको जो इतना बड़ा हेड स्टार्ट यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ था, उस पर कैपिटलाइज करने की क्षमता वो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। 2 रन निकले हैं, 4 गेंदें हो चुकी हैं, एंड इस ओवर में अगली 2 गेंदों में इनको रहने वाली है 22 रनों की दरकार। नहीं हो सकता, ये गेम डन है ऑलरेडी। एग्जैक्टली, 5वां गेंद था, वहां पर भी एक कैच आउट हो चुका है, देखिए एक्सपीरियंस बोलता है, और फिलहाल तो समीर अरोरा जी का एक्सपीरियंस ही यहां पर काम कर रहा है। जितनी वैल्यू यहां पर अपने आप के लिए निकाल के गए हैं ना, देखिए काफ़ी बढ़िया चीज़ यहां पर नज़र तो आ रही है इनके लिए। समीर अरोरा जी, क्रैड भाई इनकी बहुत तारीफ तो करते हैं, आज पता चल गया। आई मीन ऑफकोर्स मैं भी जानता था कि बढ़िया प्लेयर है, मगर आज जिस तरीके से जीते ना, डोमिनेटिंग वे में, आज पता चला कि इस प्लेयर का कैलिबर क्या है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आखिरी गेंद आती हुई इस सीरीज की, छक्का लगा जरूर दिया गया है, लेकिन कोई अमाउंटिंग इस छक्के की नहीं होने वाली, बिकॉज इट्स नॉट गोना कन्वर्ट इनटू एनीथिंग। 15 रन से इस बार दोबारा से एक हार की शिकस्त झेलते हुए शर्मा जी, 2-0 का स्कोर लाइन रहने वाला है, एंड समीर अरोरा इस गेम को अपने हक में ले लेंगे। एग्जैक्टली, देखिए अब सीरीज तो खत्म हो गई, समीर अरोरा यहाँ पर जीत तो गए हैं, मगर शर्मा जी को आपको कुछ टिप्स तो देने पड़ेंगे, देखिए बिकॉज मैं तो पूरे टाइम देते आ रहा हूँ। वेल, टिप्स पे अगर वो ध्यान दे रहे होते, आपकी टिप्स पे भी अगर ध्यान दे लिया होता, तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा बेटर सिचुएशन होती, इतने ज़्यादा बुरी तरीके से नहीं हार रहे होते। हाउएवर, अगर आप सुन रहे हैं शर्मा जी, तो प्लीज़ रिसर्च अ लिटिल बिट मोर, डाइव डीपर इनटू द गेम, एंड प्रॉब्ली हैव अ फ्यू सिप्स ऑफ पावर सोडा, बिकॉज आपको फिलहाल उस शक्ति की, उस एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है। जी एब्सोल्युटली, उसी के साथ साथ यहाँ पे शर्मा जी तो एक और लॉस लेते हुए, लेकिन समीर अरोरा आगे बढ़ते हुए बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे, ऑफ कोर्स 2 इनिंग्स स्विफ्टली उन्होंने खत्म करी, बट इस सब को रिकैप करते हैं स्विफ्टली एज वेल बाय मूविंग इनटू गुड टाइम्स बाय किंग फिशर ऑफ कोर्स, जहाँ पे ऑफ कोर्स जिस तरीके का यहाँ पे फर्स्ट मैच में 44 का टारगेट सेट कर दिया था वहीं पे, एंड अगेन ये मैं ऑडियंसेस को बताना चाहूँगा, जो शर्मा जी हैं जिनके बारे में हम इतना ही बात कर रहे हैं, उज्ज्वल शर्मा, एक टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गेम खेला भी था, परखा भी था, एंड लैन तक पे खेला था इन्होंने, लेकिन अब यहाँ पे KIP के मंच पे
इनसे थोड़ी डिफिकल्टीज ऑफ कोर्स हम देख पा रहे हैं और वो डिफिकल्टीज होपफुली जैसे ऑफ कोर्स यहां पे नेक्रो भी बता के गए थे ही शुड बी एबल टू ओवरकम आफ्टर दिस फेज इज डन. एब्सोल्युटली इस फेज के अंदर तो खैर कितनी भी कोशिश कर लें अब कुछ बचा नहीं है उनके लिए करने को. वेरी सॉरी टू से दिस लेकिन If we are being honest, if we are being blunt, इनका गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका है. ये हो गए zombie 10 हो गए, कोई उम्मीद की रेखा उनके लिए है नहीं. डेंजर जोन थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको भी अभी एक काफ़ी ऊंची चढ़ाई चढ़ने की जरूरत है एंड डिस्ट्रॉयर भी कहीं ना कहीं नीचे गिरते हुए नजर आएंगे once the game start rolling in for the other players. That is so true and वही सेम चीज को मद्देनजर रखते हुए of course we know that जो टॉप फोर प्लेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट अब कंफर्म्ड हो गए हैं. मतलब ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं बिकॉज जो टॉप फोर हैं वही जाने वाले हैं आगे सीधा लैन की तरफ एंड इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे यहाँ पे ऑफकोर्स एरन ने भी बोला these players they will need to work a lot more on the game on their skill and timing and also reading because yahan pe jis tarike se yahan pe game khela gaya sharma ke dwara throughout phase 1 and phase 2 it has not been up to the mark at all and I'm guaranteed chahte the aur har bari har ek game ke andar humne bola bhi hai that we would want him to do better next time lekin wo next time aaj tak to nahi aaya ji bilkul and well आई मीन नेक्स्ट टाइम रहने वाला हमेशा है सभी के पास पर उस नेक्स्ट टाइम पे जब तक आप कैपिटलाइज नहीं करोगे आपके हाथ से वक्त रेत की तरह फिसलता ही रहने वाला है एंड यू माइट रियली वांट टू यू नो इंस्टेड ऑफ क्लेंचिंग ऑन टाइम वर्क ऑन प्रैक्टिस. Absolutely. उसी के साथ में यहाँ पे हम ओवरऑल रैंकिंग्स की तरफ आ चुके हैं जहाँ पे समीर अरोरा विल फाइंड हिमसेल्फ ऑन द सेकंड स्पॉट. यहाँ पे चार गेम उन्होंने खेले हैं, 9 उनके यहाँ पे अंक हैं. उसी के साथ साथ ऑफ कोर्स टॉप पे तो लीड अभी तेजस मेहरा ही कर रहे हैं लेकिन समीर अरोरा नॉट दैट फार बिहाइंड. तो एक तरह से हम ये कंफर्म्ड बोल सकते हैं दैट ये दोनों तो जा ही रहे हैं लैन पे. उसी के साथ साथ अब देखना ये पड़ेगा कि शेर जिन्होंने सिर्फ 2 गेम खेले और 2 गेम जीते हैं अब आने वाले दिनों के अंदर इनका बैक टू बैक हर रोज गेम गारंटेड होगा. जी बिल्कुल एंड वेल आई एम प्रिटी श्योर कि शेर और उदय जी इसको हम क्लाइंब अप करते हुए देख सकते हैं इस यू नो रैंक कार्ड पे. हाउएवर इफ आई एम गोना सी समथिंग डिफरेंट जी अगर रैंक कार्ड उससे अलग होता है तो आई एल बी वेरी हैप्पी टू सी वन ऑफ द पीपल जो मुझे लग रहा है ऑलरेडी कि नहीं आ पाएंगे टॉप फोर में एक्चुअली यू नो वर्क इट थ्रू एंड मेक इट टू द टॉप फोर स्टिल. Exactly. And वही सेम चीज़ मेरी भी तरफ से उम्मीद तो यही रहेगी. बट ऑफकोर्स यहाँ पे अगर आज के दिन के बारे में बात करें तो काफ़ी स्विफ्ट एंड काफ़ी ईजीली यहाँ पे अरोरा जी ने ऑफकोर्स पछाड़ दिया अपने ओपोनेंट को एंड देयर वाज नो वे कि समीर उन्होंने ट्राई ज़रूर किया लेकिन शर्मा जी वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, बिल्कुल भी टारगेट के क्लोज भी नहीं आ पाए एंड दैट इज़ वेयर ऑफकोर्स ही लॉस्ट द एंटायर थिंग. बट जैसे यहाँ पे एरन ने भी बताया फिंगर्स क्रॉस रखेंगे हम हमारी तरफ से कि वहाँ पे जो लीडर बोर्ड को हम इतना सॉलिडिफाई करके बता रहे हैं दैट यस स्टेजेस इज कंफर्म्ड, यस शर्मा जी इज कंफर्म्ड, माय अपोलॉजीज समीर अरोरा जी इज कंफर्म्ड. हो सकता है चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले बट वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट फ्यू कमिंग डेज. लेकिन अभी के लिए हमारा जो ये WCC 3 का सेगमेंट है ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे स्ट्रीम खत्म नहीं हुई है बिकॉज चेस अभी भी बाकी है. सो वी विल बी राइट बैक विद द चेस गेम.
Kingfisher, the king of good times. हेलो एंड स्वागत है आप सबका यहाँ पे डे 12 ऑफ केआईपी मास्टर लीग फेज 2। वहाँ पे ऑफ कोर्स जो जर्नी है चेस के अंदर बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो गई है अब, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द प्लेयर्स वेल बहुत ही ज्यादा कंपेरेटिव स्पिरिट ऑफ कोर्स अब देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर चेस की बात करें तो वेल एंटरटेनिंग ज़्यादा होता है, लेकिन उसी के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड भी अब हो चुका है, बिकॉज जब शुरुआत हुई थी यहाँ पे जर्नी की तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर अस टू बिकॉज टैग अलॉन्ग विद द प्लेयर्स, बिकॉज हमें पता नहीं था कि किस टाइप का कैलिबर रखते हैं, किस टाइप का गेम प्ले लेके आने वाले। बट नाउ दैट वी हैव सीन एवरीबॉडी एंड देयर मूव्स एंड हाउ दे रोल एंड हाउ दे प्ले, it is getting really really intense in the chess segment. uske sath mein yahan pe format ki taraf badhenge, format ke bare mein baat karenge, jo of course chess hai, chess hamara yahan pe game sirf phase 2 ke andar hi aaya hai. so therefore when it comes to the format you'll clearly see that master league phase 2 ke andar jo dates thi hamari 22nd february se shuruaat hua tha, 16 march tak chalne wala hai hamara master league phase 2, and that is where we've introduced chess of course. ab yahan se jaisa hum pehle bhi bata chuke hain ki char sirf top 4 players will qualify for the LAN, and 25 aur 26 march को ये LAN फिनाले खेला जाएगा, जहां पे ये प्लेयर्स भी ऑफ कोर्स आएंगे, एज वेल एज यू गाइस हु वाचिंग द स्ट्रीम विल बी पार्ट ऑफ द एंटायर सागा। अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो स्टोरी लाइन पे आ जाती है बात कि क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए, बिकॉज डीप बिशप का हम गेम देख चुके हैं, जेलस का गेम देख चुके हैं, मतलब प्लेयर्स तो सारे के सारे खेल चुके हैं अरुण का, बट ओवरऑल यहाँ पे क्लियर डिस्पैरिटी दिख रही है इन टर्म्स ऑफ द वे इट हैज ऑल बीन क्रिएटेड एटलीस्ट एज फार एज द स्टोरी बोर्ड इज कंसर्न्ड। अब उसी के साथ साथ यहाँ पे हम प्राइस पूल के बारे में भी बात कर लेते हैं। फॉर द विंटर सीजन 210,000 रुपए का प्राइस पूल रखा गया है, 45,000 फॉर मास्टर लीग फेज 2 पार्टिसिपेंट्स, एंड उसके साथ में 165,000 फॉर द LAN फाइनलिस्ट जो रहेंगे चार द टॉप 4 ऑफ द लीड बोर्ड। एंड उसी के अंदर हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पे ऑफकोर्स गेम वो खेलने वाले हैं, या फिर हमारी तरफ से एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी मे द बेस्ट मैन मूव अहेड, ऑफकोर्स जनरल भी हर बार यही बोलते हैं, बट लाइक आई सेड व्हेन वी स्टार्टेड द चेस सेगमेंट, अब थोड़ा सा पेचीदा हो गया ये वाला मामला, बिकॉज जिस तरीके के प्लेयर्स का यहाँ पे कैलिबर हम देख पा रहे हैं फ्रॉम वन टू द अदर, इट इज़ गेटिंग अ लिटिल डिफिकल्ट टू एक्चुअली यू नो फिगर आउट कि क्या यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ फेज 2। अभी क्लियरली उदित जैसा आप देख सकते हैं इज ऑन टॉप, ही इज लीडिंग द चार्ज, सेम विद जेलस जैसा भी मैंने बताया दैट जेलस के भी गेम हम देख चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से खेलते हैं, एंड सो इज द केस फॉर आई एम सिडमन डी बिशप। अब उसके बाद में जो यहाँ पे प्लेयर्स हैं स्टेन अरुण सनी टेकन एंड गेमर्स एक्सेस not doing so good for them, again the difference is there, lekin yahan pe fir bhi chances hain, like for example agar aap stem ke bare mein baat kare sirf 3 game khele unke paas abhi bhi bahut zyada chance hai for the upcoming games to be able to go in his favor and he can then climb up the ladder, because 7 games in total agar be played by these lads, and usi ke sath sath agar aaj ke matchup ke bare mein aaj ke game के बारे में बात करें तो वहीं पे हम स्केड्यूल की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, एंड स्केड्यूल यहाँ पे बताएगा हमें कि आज का गेम जो होने वाला है स्टेम 23
वर्सेस जेलस 33 के बीच में। जेलस अभी आपने देखा 3 गेम खेल चुके हैं, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपना यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हो आप दबदबा बना रखा है, बिकॉज ही इज वन ऑल द 3 गेम्स। वेर इज फॉर स्टेम दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल गेम, यहाँ पे सिर्फ एक ही गेम जीते हैं स्टेम। यस ही डज हैव अ चांस टू टेक दिस वन एज वेल, बिकॉज इनका गेम प्ले बहुत पेचीदा है, बट इज गोइंग टू वर्क टुडे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज क्या इनका दिन है या फिर is it going to be a zealous 33 day? Is he, Stem, going to make jealous or not again? We'll find all of that out jab hamara game shuru aaye to ye. And uske sath sath of course aap bhi participate kar sakte hain chat ke andar zarur, of course chat karte rahiye. Jaise yahan pe General Modi will start analyzing and casting, you can participate as well and let us know और लेट हिम नो कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके का मूव वहाँ पे खेलना चाहिए था स्टेम को या फिर ऑफ कोर्स जेलस को, या आपके ख्याल से कौन रहने वाला है यहाँ पे विजेता बिटवीन दीज टू प्लेयर्स एज फार एज द स्टार्ट्स आर कंसर्न्ड। वेल जेलस 33 लुकिंग वेरी डोमिनेटिंग विद अ फोर्स टू बी रेकन विद ऑन द अदर फ्रंट फॉर स्टेम। दिस इज द मोमेंट वेर ही कैन चेंज हिज स्टोरी लाइन एंड हिज जर्नी इन मास्टर लीग फेज 2, बिकॉज देख चुके हैं हम वहाँ पे स्टार्ट्स के अंदर दर एक गेम उन्होंने जीती है, 2 गेम हार चुके हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टेम के लिए भी ये वाला गेम। Somehow he has to just be able to, you know, put all of his brain in that game that is going to be starting right about now. And usi ke saath saath hame bhi pata chal jayega ki does 1023 have what it takes to make it into, of course, the LAN itself. And agar LAN pe bhi nahi pahunch pate ho, that is also okay. You still need to be able to climb the ladder. Abhi Stem ke paas mein 3 points hai. And agar wo 6th position se aur upar chale jayenge, so that means jo hamara Master League Phase 2 ka abhi aapne price pool mein dekha tha, 40,000 jo setup kiya gaya hai, uske andar se bada अंक उनको मिलेगा। सो इट्स बेसिकली डिवाइडेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड द वन ऑन टॉप ऑफ कोर्स gets paid a little bit more than the one at the bottom. So definitely har ek game ke andar you want to be the one pushing on and away from the 8th position. Ab time aa chuka hai because the game is ready as I'm being told by the production. Let's move on to General Modi and find out in dono ke beech mein kya rehne wala natija. To the round 16 of Kingfisher India Premiership Tournament. आज का मैच है between Stem versus Zealous 23. लास्ट में हमने देखा था कि स्टेम अपनी लास्ट गेम जीत चुका है और जीलस अपनी लास्ट गेम हार चुका है, तो बहुत ही इवन कॉन्टेस्ट होने वाला है। हैव वी बिगिन द मैच? नो वी आर गेट टू बिगिन द मैच। क्या लगता है, जीलस विद द व्हाइट पीसेस, स्टेम विद द ब्लैक पीसेस, कौन जीतेगा? एंड जीलस हैज बिगिन विद d4। देखते हैं स्टेम क्या खेलता है। विल स्टेम डेवलप हिज नाइट? यस ही डज। एकदम ही पूरा करके आया ओपनिंग ओवर, बढ़िया c4। क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड वेरिएशन। अब बिशप इधर आएगा, नाइट इसने डेवलप कर दिया। इसने क्या किया, इसने क्या किया? ओके, इसने पॉन e6 खेला है, ठीक है। अब बिशप को डेवलप कर दो, उसके बाद ये नाइट भी डेवलप कर दो, इधर प्रेशर क्रिएट करो इस पर, ये मार के इधर सेंटर भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया गेम। स्टेम वर्सेस जीलस, स्टेम विद 2000 रेटिंग एंड जीलस विद 2100 रेटिंग। एकदम ही इवन कॉन्टेस्ट है ये, बट जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जा रहा है हमको पता चल रहा है कि सब लोग एकदम ही इवनली मैच्ड है। ऑन अ गिवन डे कोई भी प्लेयर किसी को भी हरा सकता है यार। बस अभी तक उदित कामदार है जो एक भी मैच नहीं हारा, बाकी सब बहुत ही बढ़िया खेले। लेट्स गो, अब हमें क्वीन से इधर आना है और फिर ये नाइट को इधर आने से रोकना है, वरना नाइट इधर आएगा, इस पर प्रेशर क्रिएट करेगा। या तो हम अभी इस बिशप को भी इधर ला सकते हैं, फिर नाइट अगर आया तो इसको मार देंगे हम। लेट्स सी, आई थिंक बिशप को चल दे तो भी सही है। वैसे आई थिंक वो बिशप को चलेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्वीन अगर इधर चली तो ये ब्रेक करके सेंटर पे ब्रेक करके नाइट से इधर आ जाएगा एंड ही डज अ गुड मूव। उससे बिशप इधर आ जाए तो ब्रिलियंट मूव भाई भाई। ओके, अब इधर पॉन ब्रेक मार देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, पॉन डबल अप हो जाएंगे थोड़े टेम्पररीली, बट जैसे ये मारेगा तो पॉन इधर सिंगल अप हो जाएंगे। इसको मार दो भाई, और तो कोई मूव है ही नहीं अभी आपके पास। चेक है भाई, चेक में इतना ना पूछे बिकॉज इट इज फोर्स्ड मूव। नाइस, अब वो क्या करेंगे? मेरे हिसाब से वो क्वीन से इधर आ सकते हैं, तो थोड़ा रिस्की लग रहा है मेरे को ये पोजीशन। अगर क्वीन से इधर आ गया फिर बहुत ही खतरों से खाली नहीं है ये। उसके बाद फिर ये बिशप को इधर लाना पड़ेगा, वरना ये मार देगा इसको और ये बिशप इधर हैंगिंग हो जाएगा अचानक से।
देखना, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा स्टेम को और जीलस को अपना बिशप वापस लाना पड़ेगा, या तो इधर से हम अगर पॉन से पुश भी कर दे तो भी ये बिशप वापस आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया गेम, एंड ये मार देगा, इधर से मार देंगे, क्वीन मार देंगे, हम क्वीन से मार देंगे या फिर इधर ना, ये इधर कॉन्स्टेंटली प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। बट अगर अब क्वीन इधर आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, तो अब तो ये बिशप भी इधर नहीं आ सकता वापस। अब अगर हम फिर इधर आए, ठीक है, फिर हम अगर इधर आए तो ये पॉन मार देगा, पॉन। अगर हम इधर आए वो ओनली मूव, वरना अगर हम इधर आते तो ये नाइट से ये इधर आ जाएगा एंड इट इज ऑल ओवर। भाई धीरे धीरे स्टेम की पोजीशन बेहतर होती जा रही है, स्टेम आई थिंक इज इन अ गुड पोजीशन। अब अगर ये पॉन से मारता है, मैं इससे मार दूंगा, फिर वो नाइट से इधर प्रेशर क्रिएट करेगा और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जा रहा है भाई स्टेम पे। वो नाइस इंटरमेजो, इट इज कॉल्ड अ इंटरमेजो। ये पहले मैंने क्या बोला, पहले इसको मारेंगे, बट अगर मैं पहले इसको मार दूं, फिर वो ये मारेगा तो ये बिशप से मैं इधर ला दूंगा तो बिशप भी बच जाएगा और ये पॉन को भी मार देंगे हम। ओ ब्रिलियंट मूव भाई, अगर ये इसे देख ला इट वुड बी अ ग्रेट मूव। आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूव है, वरना तो हालत धीरे धीरे खराब होती जाएगी। खेल दो भाई, आई थिंक वो सोच रहे उनके पास से 8 मिनट, पूरे 8 मिनट आराम से सोच रहे, और स्टेम नहीं सोचा भाई। अब तो ये चेक पॉन पुश कर देगा, ये भी इधर आ सकता है। इसके पीसेस, दोनों के पीसेस देखो भाई, ये बिशप क्या कर रहा है इधर, ये बिशप के पास कहीं भी जाने की कोई जगह ही नहीं है, ये बिशप भी अभी ऐसा ही, क्या मतलब दोनों एकदम वियर्ड गेम प्ले खेल रहे हैं। दोनों एक साइड से पूरा ओपन कर दिया है, एक साइड एकदम ही क्लोज रखा है। इसको अभी भी कैंसिल करने के लिए 3 मूव लगेंगे, विच इज रियली टफ। अब अगर मैं नाइट सैक कर दूं, अगर क्वीन से मारता है मैं ये मार दूंगा और फिर मेरे को रुक भी मिल जाएगा। ओ नहीं, इधर आएगा, उसके बाद भी ये मूव तो खेल सकते हैं भाई, उसके बाद भी इट इज नॉट ओवर। बट फिर भी मैं खेलूंगा, हाँ खेल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद नाइट इधर आएगा और नाइट से डिस्कवरी आ जाएगी जो बहुत ही खतरनाक हुई, क्योंकि क्वीन कहीं जा नहीं सकता, किंग कहीं जा नहीं सकता। भाई गेम धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा है स्टेम के लिए। स्टेम कैन पावर भाई, स्टेम कैन अटैक, स्टेम कुछ भी अटैक कर सकता है भाई, कोई भी, लिटरली कोई भी मुंह खेले स्टेम उसके लिए अच्छा है अभी। बस ऐसे मतलब क्वीन इधर ना रख दे, क्वीन अगर इधर रख दिया तो वो अच्छा नहीं है, बाकी कुछ भी खेले स्टेम उसके लिए अच्छा है भाई। कम ऑन स्टेम भाई, पहले तो जीलस को अपना क्वीन बचाना है, जीलस इधर जाएगा, ओनली मूव भाई, और कोई मूव भी नहीं है आपके पास, अब कहाँ ही जाओगे। अगर वो इधर जाता है तो फिर मैं नाइट से इधर आ जाऊँगा, फिर तो और हालत ख़राब है। नाइट को वापस ले आओ, कोई टेंशन की बात नहीं, नाइट को वापस ले आओ इधर, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पीछे जाओ, बैक टू बेसिक्स, जहाँ पे पहले थे वहीं पे चले जाओ, एकदम इजी गेम। स्टेम इज लिटरली क्रशिंग मैन, ही इज जस्ट ऑसम बड़ी। नाइट को पीछे ले जाओ, ज़्यादातर टाइम पे हमें पीछे जाने वाले मूव दिखते नहीं है, बट स्टेम को दिख गया है मूव, ब्यूटिफुल। अब मैं वापस से जाओ, ट्राइंग टू एनफोर्स अ ड्रॉ, अगर ड्रॉ बाय रिपीटेशन हो गया इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जीलस को, बिकॉज जीलस नोज समवेयर दैट ही इज लूजिंग, उसकी पोजिशन बहुत ही खराब है। अगर स्टेम इधर से ड्रॉ करता है देन आज रात को डिनर नहीं करेगा भाई स्टेम, इतना ऐसा दुखी हो जाएगा भाई कि मैंने क्या कर दिया। वो दो रिपीटेशन रिपीट ट्वाइस, नहीं जीलस से रिपीटेशन, भाई क्या कर रहा है जीलस, जीलस से फ्री पॉल दे भाई जीलस, यार रिपीट कर लेता भाई, ये क्या क्या फ्री पॉल, क्यों भाई ये क्या मुंह है जीलस का, पता नहीं क्या कैलकुलेशन था यार ये।
सीलर्स ने ड्रॉ रोकने के लिए जीलर्स भी लाइक मैं हार जाऊं तो चलेगा भाई, बस ड्रॉ नहीं करना है मेरे को। काफी अटैकिंग स्पिरिट बाय जीलर्स भाई, बहुत ही बढ़िया। अब बिशप से नाइट मार दो, बिशप से नाइट मार दो, ये पॉन से मारेगा, एक नाइट कम हो जाएगा भाई, उससे अटैक का चांस धीरे धीरे कम हो जाएगा, वरना अभी दो नाइट्स टू स्ट्रॉन्ग। नाइस मूव। अब मैं ये खेल दूं और फिर इस नाइट पे अटैक कर दूं। अगर ये नाइट गलती से इसको मार दिया तो फिर मैं ये खेल दूंगा और ये नाइट हो जाएगा ब्लॉक एंड ट्रैप एंड मर ही जाएगा वो नाइट। कम ऑन, मार दो इस पॉन से, और कोई मूव ही नहीं, और क्या ही करोगे। नाइट इधर ले जाना है, ले जाओ, वी विल बी वेरी हैप्पी अगर नाइट इधर ले जाते हो तो। आप ले जाओ नाइट को इधर, हम क्वीन से इधर आएंगे। नहीं ठीक है, ओके होए इंजन से। ओ मेरे को समझ रहा है, मेरे को समझ रहा है भाई, देखो इधर क्या प्यारा था। ठीक है, अगर नाइट इधर आता है मैं क्वीन से इधर आऊँ, मैंने क्या बोला कि नाइट ट्रैप हो रहा है, नाइट कहीं पे भी जाए मर जाएगा, बट वही तो प्लान है। नाइट से इधर चेक देके मैं सैक कर दूंगा नाइट, कि तू अगर क्वीन से लेगा मैं इधर से रुक ले लूंगा तेरा। ओ भाई क्या ही प्लान, और अगर क्वीन से नहीं लेता है तो भी रुक तो मर ही रहा है। ब्यूटिफुल प्लान, बट वो नहीं हुआ है गेम में, गेम थोड़ा आगे निकल चुका है। अब कैसल करने का प्लान है, बट कैसल नहीं करना चाहिए, अगर कैसल किया इधर तो रुक इधर से घुस जाएगा, खत्म हो जाएगा गेम। कैसल मत करो भाई, शॉर्ट कैसल इज वेरी रिस्की, वेरी 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 रिस्की, कैसल मत करना भाई। ये नाइट से हम इधर जाए, ओके ओके, एंजिन इज सेइंग कैसल, बट इट इज रियली रिस्की यार। अब मैं लॉन्ग कैसल कर दूं और फिर दो रुक इधर घुसा दूं, इधर एक बैटरी बना दूं रुक्स की, फिर तो खत्म है इधर गेम, फिर क्या ही कर सकता है वो प्लेयर। फिर तो जीलस बस राह देखेगा अपना, डिफीटो ने कहा और उससे कैसल कर दिया है। एंड ये स्प्लिट दिस, अब इधर इधर बिशप इधर, फिर मैं इधर, फिर ये बिशप से इधर, फिर ये पॉन। भाई I think it is all over, यार। Zealous is losing clearly. इधर से बचना बहुत ही मुश्किल है। Nice move. अब तो कैसे ही बचेगा भाई? अब तो खत्म है। It is all over, my friend. Zealous एकदम ही opening से ही out of play हो गए भाई Zealous. क्या ही domination by Stem. स्टेम लास्ट गेम भी बढ़िया डोमिनेट करके जीते थे, ये गेम भी बढ़िया डोमिनेट किया है भाई। बस एक मैच जीते और पूरा टूर्नामेंट उनका लाइन पे आ गया, उससे पहले कंटिन्यूअस दो गेम हार गए थे स्टेम। स्टेम इज प्लेइंग ब्यूटीफुल। मार दो इसको, और कोई मूवी नहीं है, मार दो, ये पॉन मर रहा है, अब फिर क्या। नाइस, अब ये पॉन पे भी वीकनेस, इधर भी वीकनेस, अब ये मार ये खेल के। अरे एक्सचेंज मत करो यार, एक्सचेंज करोगे तो फंस जाओगे। व्हेन यू आर लो इन मटेरियल नेवर एक्सचेंज गाइस, वरना फिर गेम धीरे धीरे फंसता चला जाएगा। अब ये बोल रहा है इधर भी एक्सचेंज कर दो, इधर भी कैसल कर दो, पूरा किंग का फाइल ओपन बट कैसल करो भाई, ये तो नहीं करेगा यार। इंजन भले ही कुछ भी बोले, ये तो एक इंसान के लिए टफ है भाई, क्योंकि डर तो लगता है ना यार कि इधर इधर क्वीन घुस जाएगा, रुक इधर से आके इधर घुस जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, खत्म है, तो वो तो नहीं करेगा यार। रुक से मार दो, और इन केस अब क्वीन से ये मारता है तो मैं ये चेक दूंगा, फिर अंदर घुस जाऊंगा भाई, बहुत बढ़िया गेम प्ले हो जाएगा। प्लीज ये पॉन मार दे भाई, क्यूसी पॉन के लिए चले जाओ भाई, मजा आ जाएगा अगर ये कर दिया तो, अगर ये कर दिया तो मजा ही आ जाएगा भाई। कम ऑन भाई स्टेम, ये जूसी पॉन है भाई, जूसी, वेरी वेरी जूसी पॉन, चले जाओ उसके लिए। नहीं जाना यार, नहीं जाना क्या भाई,
आई थिंक ये नहीं जाना था चाहते इस जूसी पॉन के लिए। भाई ले लो यार स्टेम भाई, स्टेम भाई सोच रहे चार मिनट है उनके पास, अगर स्टेम ने कैश नहीं स्टेम ने किया ये ओके 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 अभी मैं ये खेलूं, बट ना इधर चेक दे सकता हूँ ना इधर दे सकता हूँ ना इधर दे सकता हूँ। अब मैं ये खेलूँ ठीक है, उसको बचाने के लिए इधर जाना पड़ेगा, फिर मैं ये खेलूँ अटैकिंग दिस, फिर इस पे भाई धीरे धीरे गेम बनता जा रहा है, इतना इजी नहीं है ये, भले ये 2.7 का एडवांटेज हो बट इतना इजी नहीं है ये गेम, ये गेम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, एक गलत मूव और पूरा मैच पलट जाएगा भाई, कम ऑन जीलस भाई सोचो, आराम से सोचो और खेलो जो भी खेलना है, इधर चले जाओ मेरे हिसाब से, ये किंग को ऊपर लाने बोल रहा है ताकि क्वीन इधर से प्रेशर क्रिएट ना करे इस पॉन पे, इस पॉन पे फोर के इधर रुक का भी और ये किंग का भी, तो वो कर दिया फिर तो खत्म ही है, तो उससे पहले क्यों ना हम इधर जाए, या तो हम इधर चले जाए, अगर मैं इधर गया तो वो ये कर देगा, फिर मैं क्या करूँ, ये कर सकता हूँ, ओ इधर गया आप ये, अब तो फोर से यही खेलेगा, यही खेलेगा यार अब तो, और क्या ही खेलेगा, इसीलिए बोल रहा था इंजन कि किंग को इधर लेके आओ, ठीक है ओनली मूव नाइस मूव, ओ फिर से फोर्सिंग एन एक्सचेंज, अब इधर जा सकते हैं, इधर चले जाते हैं और फिर मैं ये खेलूं, लेट्स गो लेट्स गो, 3:28 इस टाइम के पास और जीलस के पास है 4 मिनट, इधर आ गया वापस, ठीक है ठीक है, अब ड्रॉ चाहिए जीलस को, जब ड्रॉ मिल रहा था तब लिया नहीं, अब इनको रह रहे के ड्रॉ चाहिए भाई, अब थोड़ी लेगा वो ड्रॉ, अब तो उसको दिख रहा है भाई क्लियर विन, कितने पॉन्स कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 पॉन्स है, 1 2 3 4 5 तो 2 पॉन का एडवांटेज है अभी स्टेम के पास, भाई क्या पता स्टेम देखे नहीं ये क्वीन इधर हैंगिंग है, नहीं देख लिया ओके, फिर से ड्रॉ के लिए जा सकता है भाई जीलस, गो फॉर अ ड्रॉ बड़ी, यस रुक को इधर ला सकते हैं ठीक है, किंग को इधर ले आओ, फिर क्वीन को इधर घुसाएंगे भाई, धीरे धीरे गेम बन सकता है इधर, इधर गेम तो बन रहा है भाई, कुछ तो हो सकता है इधर, यस किंग इधर, किंग इधर ले आओ भाई, किंग इधर इजी, किंग को इधर ले आओ, उसके बाद एक क्वीन को इधर घुसाओ, कम ऑन, ये पॉन चलने को बोल रहा है बट पॉन चलने पे भी ये चेक तो आ ही रहा है, नाइस मूव, वो बोल रहा है किंग को इधर ले जाएंगे ठीक है, गेम तो वैसे गया ही है थोड़ा बहुत, 90% ऑफ द गेम तो हार ही चुका ही है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मैं अगर ये चलूं तो ये मार दूंगा मैं, क्या करेगा यार, इट डजंट हैव मच मूव्स, स्टेम के पास ज्यादा मूव्स नहीं बचे यार, भले ही वो विनिंग है पर उतने मूव्स नहीं दिख रहे मेरे को, द ओनली मूव इधर, और कोई मूव ही नहीं है भाई, और किंग को इधर ले जाएगा तो मैं इधर आऊंगा, तो मैं इधर आऊंगा और फिर ये चेक, धीरे धीरे प्रेशर बनता जाएगा यार उससे, या तो मैं इधर आ जाऊंगा और फिर इधर घुस जाऊंगा, किंग को सेंटर में रखा है पूरा गेम, वो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और अब लेस देन 2 मिनट टाइम से स्टेम्स, 2 मिनट्स ऑफ टाइम है स्टेम के पास, कम ऑन भाई स्टेम, स्टेम के पास ओके खेल दिया स्टेम ने, नाइस मूव, अब क्या करेंगे, अब इधर से ब्रेक थ्रू करने का ट्राई कर सकते हैं, ज्यादा चांसेस नहीं है इधर बट वी कैन ट्राई, वी कैन एटलीस्ट ट्राई समथिंग, कर दो भाई,
कुछ तो करो, समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ तो करें हम, क्या करेगा वो? ये अगर खेला तो वो इसको मार देगा। ओके ये चेक एक्सचेंज ही कर दिया, अब तो खत्म ही है, अब तो क्या ही है, खत्म हो गया गेम। एक्सचेंज, फिर ये चेक देगा, इधर रुक आ जाएगा बीच में, रुक एक्सचेंज, फिर ये मार देंगे हम, किंग इधर जाएगा, एक पॉन अप रहेगा हम, एक पॉन अप रहेगा ओपोनेंट, बट इधर से आके एक पासर निकल जाएगा इनका, अपना पासर भी है सेंटर में, बट वो पासर कुछ कर नहीं पाएगा। चेक, रुक बीच में लाना पड़ेगा, अगर रुक बीच में नहीं लाते, नहीं तो ला दिया, अरे अब तो खत्म। अच्छा वो ओके ये मार दो, उसको पॉन पुश करना था, पॉन अगर पुश करता तो ये अनस्टॉपेबल था, पर उसने देखा ही नहीं कि पॉन पुश मिल रहा है हमें, तो वो तो रुक गया। अब मैं अगर इधर जाऊँ और फिर ये पॉन मर रहा है, क्योंकि इसको डिफेंड करना इम्पॉसिबल, भाई धीरे धीरे पॉन्स बच रहे हैं, एक पॉन अपने को एंड ऑफ द डे मिले जाएगा। नाइस गेम बाय ज़ीलस, अगर इधर से ड्रॉ कर देता है तो आई थिंक ही विल बी मोर देन हैप्पी। कैन ज़ीलस ड्रॉ फ्रॉम हियर? ज़ीलस भाई यू कैन डू इट, टफ है, बिल्कुल टफ है, नो डाउट टफ है, बट आसान क्या ही है भाई इस दुनिया में। अरे यार अभी भी ये पॉन तो मर ही रहा है, नाइस अभी भी ये पॉन तो मर ही रहा है, क्या ही प्रॉब्लम है, खेलो, एक्सचेंज मत करो, पॉन मारो, नाइस अब ये भी मर रहा है, अगर ये रुक से इधर आता है तो फिर मैं ये कर दूंगा, और फिर ये पॉन को पूरा पास नहीं, भाई गेम इज स्टिल ऑन, भले ही इंजन कुछ भी बोले, गेम इज स्टिल ऑन, एकदम बराबरी का इक्वल बोलूंगा मैं तो, बराबरी का मैच है एकदम, कोई भी जीत सकता है ये गेम। ज़ीलस या स्टेम, स्टेम के पास है 1 मिनट 20 सेकेंड्स, ज़ीलस के पास है 2 मिनट 12 सेकेंड्स, बट अब अगर वो इधर आएगा तो ये पॉन मर जाएगा, फिर मैं रुक से ये मार दूंगा और फिर ये भी मारने का ट्राई करूंगा, काफी बढ़िया गेम। अब वो गया किंग से पीछे, अब वो इधर, यार ये पॉन मर जाएगा, शिट यार, ये पॉन पुश करो भाई, ये पॉन पुश करो, खुश रहो, पुश करना पड़ेगा भाई, पुश करने की जरूरत है। अब चेक, फिर इधर, फिर ये मारे, ओ गेम इज स्टिल ऑन, गेम ऑन गाइस। अब मैं इधर आऊं तो वो इसको नहीं बचा सकता, बचा तो सकता है ये पुश करके, आई थिंक इट इज ऑल ओवर गाइस। भले ही लग रहा है कि कुछ चांसेस बनेगा, बट इट इज रियली टफ, इट इज वेरी वेरी टफ गाइस, क्योंकि जब आप खेल रहे होते तब आपको पता होता है कि मैं आई एम लूजिंग, और फिर बहुत मुसीबत आ सकती है। एंड क्या ही मेट हो रहा है इधर, नहीं अब ये चेक, फेदर, फिर ये चेक, फेदर। अब मैं अगर इधर जाऊँ तो ये रुक को इधर आना पड़ेगा, यार कोई मूव ही नहीं बचा है भाई, इट इज ऑल ओवर गाइस, इट इज एवरीथिंग इज ओवर। स्टेम कैन, ओके ये पॉन फ्री दे दिया है, ये पॉन ले लो, जितना फ्री में पॉन मिले पॉन ले लो, ये पॉन ले सकते हैं, फिर इधर से ये ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस पासर को आगे बढ़ा सकते हैं, कम ऑन इसको बढ़ाओ, अगर वो ये मारने जाता है तो मैं ये मार दूंगा। ओके कोई बात नहीं, ठीक है उसने बचा लिया, अरे इसको रोको भाई, यह जा रहा है भाई, रोको इसको, यह चला जाएगा भाई, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, इधर जाओ और नीचे चले जाओ, फिर ही कुछ हो सकता है इस गेम में। कम ऑन भाई, 54 सेकेंड्स है स्टेम के पास एंड 30 सेकेंड्स है इसके पास, ज़ीलस के पास, क्या लगता है गाइस कौन जीतेगा?
बहुत ही बढ़िया एंड गेम। रू के एंड गेम्स हमेशा काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं तो जब भी खेलता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे से या तो मैं हार जाता हूँ या तो ड्रॉ होता है। रू के एंड गेम्स जीतना बहुत ही मुश्किल है। देखो अब वो रुक इधर जाएगा, फिर मैं इधर, फिर वो रुक क्या करेगा, वापस ये चेक देगा, फिर मैं इधर, फिर वापस इधर, फिर मैं इधर। क्या ये ड्रॉ कर सकता है? भले ही इंजन प्लस 7 का एडवांटेज बोल रहा है बट मेरे को ये ड्रॉ लग रहा है यार। अब ये पुश कर दो और फिर इधर आ सकते हैं हम। अगर रुक से रुकने मारा तो ये चेक एंड रुक इज गॉन। ये खेलना काफी इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट। अरे यार ये चेक, फिर किंग इधर। आई थिंक इट इज ऑल ओवर गाइस, इट इज ऑल ओवर, इट इज ऑल ओवर फॉर ज़ीलस। एंड इट्स अ ड्रॉ, इट इज अ ड्रॉ, इट इज अ ड्रॉ, इट इज अ ड्रॉ। हाउ आई डोंट नो बट इट इज अ ड्रॉ। व्हाट, बस ये पुश कर रहा था भाई, ये पुश कर रहा था बस। इट वॉज अ ड्रॉ बट स्टेम कुडंट फाइंड इट। मतलब किसी को भी नहीं दिखता है, कम ऑन हाउ इज इट अ ड्रॉ भाई। पूरा एक क्वीन बन रहा है दो, वो भी ड्रॉ कैसे है आई डोंट नो। बट ज़ीलस हैज वन, स्टेम हैज रिजाइंड, अ ब्यूटिफुल गेम ऑफ चेस। इसमें भी एंड में ड्रॉ हो चुका था भाई, हर एक गेम में लास्ट में कम बैक आ रहा है। अगर इधर इधर देखो ये खेला तब मैं ये खेलता, ये रुक इधर आता, चेक देता, मैं ये मारता, इधर क्वीन होता, फिर क्या, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओ भाई कैसे कैसे ड्रॉ हो रहा है ये, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम ऑफ चेस दिस इज। वाओ यार कोई भी मैच कभी भी ड्रॉ तक चले जाता है, ब्यूटीफुल गेम। वाओ एकदम ये प्यारा गेम। इधर पूरा प्रेशर क्रिएट कर दिया था मैच में, बट इसके बाद धीरे धीरे स्टेम ने अपनी पोजीशन बढ़ाते गए और धीरे धीरे वो एंड में गेम जीत गए। बढ़िया मैच, और इधर तो पूरा अटैक आ ही गया था स्टेम का। उफ भाई क्या ही प्यारा गेम होगा, मजेदार। इधर ड्रॉ कर देना चाहिए था, ज़ीलस माइट बी थिंकिंग राइट नाउ, इधर अगर ड्रॉ कर देते तो गेम बच जाता। Let's throw it to the host. Well, उसी के साथ में हमारे पास में अब रिजल्ट आ चुका है। Stem 23 expected था यहाँ पे ये गेम इनके फेवर में जाता। Again, this is something जो जनरल मोदी ने भी पॉइंट आउट किया था that Stem 23 अगर वो थोड़ा और courageous moves वहाँ पे खेलते तो the game could have been his, and जो यहाँ पे of course उनका सफर था उसके अंदर उनको 3 और पॉइंट मिल जाते, 6 पॉइंट के साथ में of course वो आगे धीरे धीरे बढ़ जाते on the leaderboard, but sadly that did not take place. ज़ीलस 33 ने काफ़ी ही अच्छी तरीके से ऑफकोर्स यहाँ पे कंट्रोल किया बाय द एंड ऑफ द गेम, एंड वो कंट्रोल्ड प्ले जो उन्होंने दिखाया दैट रिजल्टेड इन ऑफकोर्स स्टेम जस्ट वॉकिंग अवे गिविंग द विन टू ज़ीलस 33। यानी इसी के साथ में ज़ीलस को यहाँ पे पॉइंट्स और मिल जाएंगे, एंड ज़ीलस की जो जर्नी है ये इनको धीरे धीरे लैंड के और क्लोज लेके आ रही है। देयर इज नो डिनाइंग इट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पे ज़ीलस 33 खेलते हैं ही इज अ मैन टू बी रेकन्ड विद। सेम कैन बी सेड फॉर स्टेम 23 एज वेल, बट सैडली ये पिछले गेम के अलावा अभी तक और कोई विन इनको मिला नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम ऑफकोर्स रिकैप करते हैं द फाइनल मूव्स बाय गुड टाइम्स बाय किंगफिशर एज वी लुक एट दिस। दिस इज द मोमेंट वेयर जनरल मोदी वाज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे अगेन पॉसिबिलिटी थी ड्रॉ की, एंड अगेन ड्रॉ के बारे में अगर बात करें तो अभी तक हमें KIP के अंदर ड्रॉ नहीं देखने को मिला है। नो प्लेयर वॉन्ट्स टू ड्रॉ दैट, not entirely sure why the case is, but that is just the way it is. And iske sath mein aap dekh sakte hain yahan pe ज़ीलस 33 chautha game jo abhi unhone khela uske sath mein perfect win streak ke sath aage badhte hue, like I said, getting closer and closer to the land. Jis tarike se yahan pe of course 12 ank unhone batore apne liye, but on the other front for Stem 23 char game unke bhi khatam ho gaye hain, lekin ek hi win ke sath unko abhi yahan pe apni जर्नी को छोटा सा पॉज देना पड़ेगा टिल द टाइम ही इज गॉट हिज नेक्स्ट गेम। बट वंस अगेन ऑल द प्लेयर्स
have played 4 games till now. And looking at that, Zealous 33, Udit, I am Sidman, D Bishop. ये सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं टॉप फोर के अंदर हैं एंड दे आर लुकिंग फिनोमिनल. जिस तरीके का प्ले भी ये लोग प्रदर्शन करते हैं, इट इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी यू नो कंफर्टेबल एट द सेम पॉइंट टाइम एज ऑफ योर सीट वाला एक तरह से मूवमेंट आ जाता है जब ये प्लेयर्स को देखते हैं हम गेम के अंदर. ऑन द अदर फ्रंट अगेन अभी भी जर्नी कंटिन्यू रहेगी बिकॉज दिस इज जस्ट डे नंबर 13. 16 मार्च तक हमारा फेज 2 चलेगा, तब तक हमें पता चल जाएगा कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कन्फर्म्ड टॉप 4 स्लॉट के अंदर हैं एंड दे आर द वंस जो आगे लैन तक बढ़ने वाले हैं. पर इसी के साथ साथ आज का तो हमारा सफर यहीं पे समाप्त हो जाएगा बिकॉज दैट इज द एंड ऑफ द स्ट्रीम. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. इट इज डेफिनेटली बीन अ बिग थैंक्स टू किंगफिशर एज वेल एज नॉटविन गेमिंग. अंटिल नेक्स्ट वन, टेक केयर. आई हैव बीन योर होस्ट ब्लॉर. बाय. Kingfisher, the king of good times.